Thank mm -hmm. you. नमस्कार साथियों मैं हूं अनुराग मिश्रा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर स्वागत है हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी का और आखिरी पार्ट ठीक है तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं मुझे नहीं जानते हैं और मुझसे जुड़े हैं तो तो वो नहीं जानते होंगे और जो लोग पुराने हैं जो कि मुझसे पढ़ते आते हैं काफ़ी समय से तो उनको बता दूं कि मेरा जो पहले वाला चैनल था वो हैक कर लिया गया था और आप लोगों को पता है भारत देश में रहता हूं तो इस तरह की अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं कर सकता तो जब मेरा हैक कर लिया गया, गया, गया चैनल तो फिर मैं वो सारा तीन साल का मेहनत जो था वो मेरा चला गया और नए सिरे से मैंने जो चैनल था वो शुरू करना पड़ा मुझे और नए सिरे से ये वीडियोज वगैरह हैं वो डालने पड़ रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंडियन इकोनॉमी का जो है पार्ट में आपको छः दे चुका हूँ छः इसलिए बनाने पड़े वैसे तो तीन पार्ट बनाना चाह रहा था इंडियन इकोनॉमी का एक तो पंद्रह घंटे का दूसरा पंद्रह घंटे का और तीसरा जो था वो तीस घंटे का बनाना चाह रहा था और ऐसे करके साठ घंटे की जो इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास थी वो आपकी पूरी हो जाती लेकिन हुआ गया कि आपको पता है कि छोटा चैनल है इस समय मेरा और सब्सक्राइबर भी कम है इसलिए इतनी मुझे परमिशन नहीं है कि मैं दस घंटे से ज़्यादा का वीडियो अपलोड कर सकूँ तो अभी छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं दस घंटे से नीचे के ही और दस ग्यारह घंटे के बीच में बनाने पड़ रहे हैं पहले मैं बड़ा वीडियो बनाना चाह रहा था ठीक है तो जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आने वाली जो चीज़ें हैं वो मेरी अनलॉक हो जाएंगी क्योंकि वो कुछ होता है सिस्टम उनका चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जब वो एक वीडियो सीरीज बनाई थी जिसका मैंने नाम रखा था द रियल स्टडी पॉइंट अनराग एंड गुराग एंड गैम ची एस वीडियो सीरीज इस ची वीडियो सीरीज में मैंने बताया था कि किसी एक वीडियो को उठाऊंगा उसमें उस वीडियो में, उस में क्या करूंगा किसी एक सब्जेक्ट का क्या करूंगा एंड कर दूंगा इसी तरह से मैंने क्या कर दिया आपका ज्योग्राफी का जो है एंड कर चुका हूँ मैं इंडियन पॉलिटी का एंड कर चुका हूँ इंडियन इकोनॉमी का एंड ये आखिर आज हो जाएगा और हिस्ट्री का ऐड कर चुका हूँ और साइंस का भी ऐड कर चुका हूँ छोटे मोटे सब्जेक्ट्स और छोटे मोटे टॉपिक को छोड़कर ठीक है तो इस तरह से ये जो आज के बाद आपका जो ए जी एस जो है मेन मेन जो टॉपिक है वो आपके कवर हो चुके होंगे छोटे मोटे इक्का दुक्का जैसे रह जाते हैं मध्यकालीन प्राचीन है, ये है इनको मैं बाद में कराऊंगा इसमें नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ये जो ये जो मैंने ना ये बड़े और इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो कि बहुत कम लोगों को क्या मिल पाता है अच्छी क्लास में जाने का मौका मिल पाता है इसलिए उन्हें बेचारों को परेशानी आती है तो ये है आपका इंडियन इकोनॉमी का सातवां पार्ट और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँगी ये इंडियन इकोनॉमी का जो वीडियो है इसको हम कहेंगे ग्रांड फादर ऑफ ऑल वीडियो यानी कि ये वीडियो जो पापा ने होकर क्या हो जाएगा ये दादाजी हो जाएगा अब ये होगा कैसे दादाजी जब इसको आप देख लेंगे वो देखने के बाद नोट्स तैयार कर लेंगे नोट्स तैयार करने के बाद जब आप एग्जाम देने बैठेंगे ना मतलब एग्जाम नहीं आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन क्या होगा आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे ठीक है तब आपको महसूस होगा कि हमने वीडियो पापा ने देखा क्या देखा है हमने दादाजी देखा तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं दादाजी की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या है तो आपका ये है इंडियन इकोनॉमी का पार्ट सेवन में तो हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक नजर डालते हैं इससे पहले मैं आपको बहुत कुछ कवर कर चुका हूँ लगभग 45 से चार 45 से 50 घंटे की क्लास हो चुकी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इस टॉप तो, इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ठीक है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है इसको समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत शर्तें तथा इनकी भूमिका तथा उद्देश्य के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे ब्रेटन वुड्स के बारे में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में यहाँ पर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आई के कार्य उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे सदस्यता तथा पूंजी मेंबरशिप एंड कैपिटल तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का

मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मेगा यानी कि एम के बारे में बात करेंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्ट्यूट्स आई एस आई डी के बारे में बात करेंगे विश्व बैंक के कार्य तथा उद्देश्यों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना इसके प्रमुख कार्यों में है विश्व में गरीबी कम करना इसके प्रमुख कार्यों में से एक है अंतरराष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विश्व बैंक में सदस्यता तथा पूंजी यानी कि मेंबरशिप एंड कैपिटल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे विश्व बैंक की सदस्यता कुछ कुछ शर्तों पर क्या की जा सकती है छोड़ी जा सकती है तो उनके बारे में बात करेंगे विश्व बैंक तथा भारत के बारे में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के बारे में बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन तथा गैट के बारे में बात करेंगे डब्लू टी ओ के लाभ यानी कि विश्व व्यापार संगठन के लाभ क्या है विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौतों के बारे में बात करेंगे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटिव एंड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक है ट्रिप्स के बारे में बात करेंगे इस ट्रिप्स के तहत कुछ और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे जैसे कि आपका कॉपीराइट विश्व व्यापार संगठन ट्रेडमार्क विश्व व्यापार संगठन भौगोलिक संकेतक विश्व व्यापार संगठन औद्योगिक रूपरेखा विश्व व्यापार संगठन एग्री इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात करेंगे व्यापार संबंधी गुप्त सूचना के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके बाद हम इसमें बात करेंगे मंत्री मंडल स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन के बारे में विश्व व्यापार संगठन तथा भारत के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे ठीक है इसके बाद बात करेंगे अन्य आर्थिक संगठनों के बारे में जैसे कि हो गया आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ओ के बारे में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ एटीएफ के बारे में बात करेंगे एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के बारे में बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे ठीक है न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक एन बी एन डी के बारे में बात करेंगे यानी कि इसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे इसके बाद इसमें हम जो बात करेंगे वो होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के बारे में ठीक है इसके बाद हम इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यहां पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल रीजनल कॉरपोरेशन ठीक है इसके बारे में बात करेंगे चलिए सापटा के बारे में इसमें बात करेंगे साप्टा ठीक है साप्टा और साप्टा यानी कि पा और फा में दोनों में अंतर है यानी कि ज्यादा कुछ नहीं बदला है सिर्फ पा और फा बदला हुआ है तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे आशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में बात करेंगे यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी तथा यूरोपीय समुदाय या कहें यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन ईयू के बारे में बात करेंगे ब्रेक्जिट क्या है ब्रेक्जिट का मतलब क्या है ठीक है ब्रेक्जिट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक्जिट क्या है ठीक है इसके बाद यहां पर बात करेंगे जनसंख्या गरीबी और बेरोजगारी के बारे में निर्धनता यानी कि गरीबी किसे कहते हैं भारत में गरीबियों गरीबों की सीढ़ियों के बारे में बात करेंगे हमेशा गरीब यानी कि ऑलवेज पुअर के बारे में बात करेंगे सामान्य गरीब यानी कि यूजुअल पुअर के बारे में बात करेंगे कभी कभी निर्धन यानी कि ओकेजनली पुअर के बारे में बात करेंगे अल्पकालिक गरीब यानी कि शॉर्ट पूर के बारे में बात करेंगे गैर निर्धन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे गरीबों का के प्रकार से किया गया उसको हम थोड़ा सा जानेंगे निरपेक्ष गरीबी यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी लॉरेंस वक्र यानी कि लॉरेंस कर्व के बारे में बात करेंगे गिनी गुडांग यानी गिनी कौन? सी एस एंस के बारे में बात करेंगे सापेक्ष गरीबी यानी कि एब्सुल्यूट पॉवर्टी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे निर्धनता को कैसे मापा जाता है इसको थोड़ा सा समझेंगे न्यूनतम कैरोली उपभोग के माध्यम से मापा जाता है इसको भी हम थोड़ा सा जानेंगे गरीबी मापने की नई विधियों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे मानव गरीबी सूचकांक तथा तीन तत्वों पर निर्भर करता कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे जैसे कि लंबी उम्र हो गया ज्ञान हो गया जीवन की उत्तम अवस्था के बारे में बात करेंगे यहाँ पर ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे भारत में गरीबी का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है जैसे कि आपका लकड़ा वाला समिति के बारे में बात करेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में बात करेंगे अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट 2007 के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि यानी कि पी क्या है मिश्रित रिकॉल अवधि दी क्या है ठीक है इसके बाद रंगराजन समिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे जो कि गरीबों से जुड़ी हुई थी भारत में गरीबी पर यूएनएन की संयुक्त तो राष्ट्र की रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यू द्वारा गरीबों का गरीबी के आंकलन के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी लेंगे यू ने वन डॉलर को गरीबी रेखा माना है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वन डॉलर माना है इसके भारत में वन डॉलर माना है ठीक है तो गरीबी की स्थिति पूरी दुनिया में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेने वाले हैं इसके बाद इसमें हम बात करेंगे रोजगार तथा बेरोजगारी के बारे में यानी बेरोजगार तथा रोजगार के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे इसके बाद हम सबसे पहले जो यहां पर होगा वो होगा रोजगार एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे वहां पर समझेंगे रोजगार को तीन भागों में बांट सकते हैं स्वरोजगार व्यक्ति यानी सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में आकस्म, आ, आकस्मिक मजदूरी रोजगार यानी कैजुअल वेज लेबर के बारे में बात करेंगे इसके बाद नियमित मजदूरी रोजगार के बारे में बात करेंगे रेगुलर सैलरीज के बारे में ठीक है इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट होगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बेरोजगारी की प्रकार यहाँ पर समझेंगे स्वैच्छिक बेरोजगारी अस्वैच्छिक बेरोजगारी इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी इसके बाद बात करेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी अदृश्य कम बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी खुली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके बाद हम बात करेंगे भारत में बेरोजगारी का अनुमान कैसे लगाया जाता है सामान्य सैद्धांतिक आधार के आधार पर साप्ताहिक स्थिति आधार पर यानी कि इसको इसके बाद हम दैनिक स्थिति बेरोजगारी को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे बेरोजगारी इधर यानी कि एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करेंगे भारत में बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे इसके कारण समझेंगे देश में श्रम शक्ति का बहुत तेजी से विकास होना आर्थिक विकास की गति का सीधा सॉरी धीमा होना आर्थिक वृद्धि में होने वाले रिसाव प्रभाव का असफल होना दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली तकनीकी शिक्षा का अभाव रोजगार योजनाओं का सफल न हो पाना कृषि का पिछड़ापन इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे इसके बाद बात करेंगे सामाजिक कार्यक्रम तथा योजनाओं के बारे में ठीक है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे बहुत अच्छे से शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे सब शिक्षा अभियान एस एस ए यानी कि शिक्षा का अधिकार के बारे में बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे जैसे कि सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में अटल पेंशन योजना के बारे में मिशन इंद्रधनुष के बारे में नंदघर योजना अमर आ, उजाला योजना ठीक है सेतु भारतम योजना डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मेक इन इंडिया स्टैंड अप इंडिया मुद्रा बैंक किसान पत्र सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम ठीक है सोइल मतलब मिट्टी ठीक है इसके बाद उड़ान योजना इसके बारे में हम पर बात करने पाले हैं ठीक है ठीके? तो ये होंगे आपके कुछ योजनाएं और भी कई सारी योजनाएं हम यहाँ पर बात करेंगे तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं वीडियो की ओर बढ़ते हैं चलिए साथियों बात करते हैं टॉपिक को थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है तो चलिए समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो शुरुआत करूंगा मैं आपका यहाँ से कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है कौन इनको उ, किन कारणों से बनाया गया इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इस तरह के कुछ यहाँ पर टॉपिक समझेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं तो वैश्विक स्तर पर पूंजी को या कहीं तकनीकी के आदान प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ाने वाले संगठन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है फिर से बता दूं वैश्विक स्तर का मतलब जो पूरी दुनिया का या पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता हो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया एशिया हो गया यूरोप हो गया अफ्रीका हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया अंटार्क्टिका महाद्वीप हो गया तो जो पूरे दुनिया में या कहें पूरे वैश्विक स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन को हो। हम वैश्विक स्तर के या कहें अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं और साथ ही वे संगठन जो पूंजी तथा तकनीकी के आदान प्रदान करके साथ ही क्या करते हैं आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं ऐसे संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह देते हैं ठीक है जैसे कि आपको यहां पर दिख जाएगा जैसे कि आईएमएफ हो गया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ठीक है इसके बाद एशियाई विकास बैंक के बारे में बात हो गई इसके बाद विश्व व्यापार संगठन जैसे कुछ प्रमुख संगठन जिनको हम आगे बात करेंगे लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूं ठीक है इन संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है बहुत ही महत्व होता है या कहें बहुत बड़ा योगदान होता है ये ना हो तो हमें बहुत सी चीजें क्या हों हम उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त और हमें लाभ नहीं मिल पाए ठीक है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अलावा यानी कि ये तो अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय स्तर के भी संगठन होते हैं यानी कि मान लीजिए भारत देश है भारत देश है मान लीजिए अमेरिक अमेरिका है मान लीजिए कि यूरोप ली का कोई देश है यानी कि ब्रिटेन है या मान लीजिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कोई देश है तो क्या करते हैं ये अपने आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर जैसे भारत देश ने क्या कर लिया अफगानिस्तान को बांग्लादेश को भूटान को भारत को सॉरी मालदीव को नेपाल को पाकिस्तान को श्रीलंका को मिलाकर सात संगठन बना लिया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन बना लिया इसके बाद यहाँ क्या कह सकते हैं कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया ठीक है इस तरह से कुछ यहाँ पर क्या कर दिए हैं ये क्षेत्रीय संगठन बना लिए यानी वैश्विक स्तर के तो होते ही होते हैं यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन तो होते ही कुछ कैसे होते हैं कुछ क्षेत्रीय स्तर के भी हो सकते हैं जैसे कि आपका क्या हो गया आसियान हो गया सार्क हो गया संघाई सहयोग संगठन जैसे कुछ प्रमुख संगठन हो गए ठीक है तो चलिए क्लियर करते हैं तो मैंने क्या बताया इन संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक महत्व होता है साथ ही ये क्या होते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन के अलावा कुछ क्षेत्रीय स्तर पर भी क्या होते हैं कुछ प्रमुख संगठन होते हैं जिनकी क्या कर दी जाती है स्थापना कर ली जाती है कुछ छोटे मोटे देश मिलकर कर लेते हैं जैसे कि आसियान चार्क और शंघाई सहयोग संगठन ठीक है तो ये जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं ये क्या करते हैं आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते जैसे कुछ समझौते कर लेते हैं समझने बात को क्या कर लेते हैं कुछ क्यों क्या होता है पड़ोसी देश है जैसे भारत है भारत का पड़ोसी देश कौन सा हो गया भूटान हो गया बांग्लादेश हो गया अफगानिस्तान हो गया मालदीव हो गया नेपाल हो गया पाकिस्तान हो गया श्रीलंका हो गया तो ये क्या है कि आपसी क्षेत्र में क्या करना है व्यापार को बढ़ाना है तो क्या कर लिया तो मुक्त व्यापार समझौता कर लिया आपस में ठीक है इस तरह के कुछ कर सकते हैं चलिए इनको हम डीप में समझेंगे सबके बारे में लेकिन हम यहाँ पर अभी अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में बात हो रही है चलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें जरूरत क्यों पड़ी उसको थोड़ा सा समझते हैं भाई साहब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे कौन से कारण आन पड़े या उनसे कौन सी परेशानी आन पड़ी कि भैया हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ी चलिए तो देखते हैं तो मैंने क्या बताया आप लोगों को यह मैं बता भी चुका हूं कई बार बताया तो मैंने क्या बताया कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है वह वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं फिर से बोल दूं मैंने क्या बताया वर्तमान समय की बात कर रहा हूं तो मैं फिर से बोल दू कि कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर नहीं रही है पूरी देश की अर्थव्यवस्था हो चाहे फिर वो अमेरिका ही क्यों ना हो चाहे फिर दक्षिण अमेरिका का कोई देश हो चाहे अफ्रीका का कोई देश हो यूरोप का कोई देश हो ऑस्ट्रेलिया का कोई देश हो या फिर एशिया का कोई कोई भी कोई भी देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं रही है तो मैंने क्या बताया कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर नहीं रही है लेकिन यह बात आपको पता होगी कि सभी अर्थव्यवस्थाएं क्या है एक दूसरे पर निर्भर जरूर रही हैं कब की वर्तमान की बात करना कर रहा हूँ कोई ना कोई अर्थव्यवस्था जो है वो हर अर्थव्यवस्था जो है किसी न किसी दूसरी अर्थव्यवस्था पर या किसी दूसरे देश पर थोड़ा बहुत आश्रित रही है ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ब्रिटेन से आश्रित है या पाकिस्तान भारत पर आश्रित है अगर भारत उसको नहीं देगा तो वो किसी और से ले लेगा ले ये नहीं कि आश्रित का मतलब यानी कि ये आत्मनिर्भर न होकर कैसी है एक दूसरे पर आश्रित रही रहिए जब भैया आश्रित रही हैं यानी कि हमारा क्या है एक दूसरे से आदान प्रदान हो रहा है लेन हो रहा है समझना बात को तो अब ये आश्रित का मतलब ये तो है नहीं कि भाई साहब वो भीख मांगने लगा पाकिस्तान ने क्या कर दिया कि भारत से कुछ ले लिया तो पाकिस्तान बिखारी देश हो गया या फिर अमेरिका ने भारत देश से कुछ ले लिया तो ये तो है नहीं कि भाग अभी हम भारत उसको देगा नहीं तो वो भीख मांगने लगेगा या उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे या फिर मान लीजिए वो किस... उसे कोई और नहीं देगा भारत नहीं देगा किसी और से ले लेंगे समझना बात को मैंने क्या बताया मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा इसी सेंटर को मैंने क्या बताया कि कोई भी अर्थव्यवस्था वर्तमान के समय काल में अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं रही है लेकिन सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर जरूर रही हैं हाँ ये बात जरूर है कि हर देश की आत्मनिर्भरता अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्तर की हो सकती है इसलिए एक देश क्या है दूसरे देश के लिए कुछ व्यापारिक नियम और कायदे बनाए जाए इसलिए विश्व स्तर इस के क्या है हमें संगठनों की जरूरत पड़ी तो विश्व के सभी देशों ने अपनी समस्याओं तथा अन्य बेसिक समस्याओं पर सभी लोग मिलकर क्या कर सकें विचार विमर्श कर सकें इसके लिए क्या कर सकें विचार विमर्श करके एक उच्च उच्च या कहें बहुत हाई लेवल का क्या कर सकें एक समाधान तैयार कर सकें समाधान तैयार कर सकें और इसके लिए एक निष्पक्ष तथा मजबूत संगठन की हमें है? या कहें एक निष्पक्ष और मजबूत मंच की जरूरत थी हर अर्थव्यवस्था को और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या करनी पड़ी इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बनाना पड़ा ठीक है तो इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मंच पर विचार होता ही होता है यानी कि विचार

तो इनमें सभी देश क्या होते हैं सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है इनका उद्देश्य शांति को बनाए रखना तथा विकास के लिए रास्ता निकालना होता है ठीक है समय समझ रहा है ना मैं फिर से बता दूं इनको सभी दे, इनके जो सभी देश होते हैं इनमें क्या होते हैं उनका प्रतिनिधित्व तो होता है समान रूप से इनका उद्देश्य शांति को बनाए रखना तथा विकास के लिए रास्ता दिखाना भी होता है इनका निर्णय सभी सदस्य देशों को मानना बाध्यकारी होता है स, आ, समान उद्देश्य को प्राप्ति के लिए इन्हें स्थायी तथा निष्पक्ष निर्णय लेना होता है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरे देशों के बीच शांति बनाए रखना होता है कि आप मान लीजिए किसी संगठन से तो जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या है कि बहुत सारे यानी कि पूरी दुनिया के सारे देश हैं एक तो को छोड़कर जुड़े हुए हैं तो अगर कोई किसी भी तरह की कोई बात आती है तो आप उस संगठन में जाकर उस मंच पर बैठेंगे और सब लोगों को दो तो चार लोगों को बुलाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे कि बात करेंगे वैसा वैसे ऐसे उस देश से हमें थोड़ी सी परेशानी है तो बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो देश हैं जो उसके प्रमुख होते हैं उसमें क्या करते हैं वहां पर बातचीत करते हैं बातचीत करने के बाद अगर उसका कोई समाधान निकाला जा सकता है तो उस समाधान को निकालते हैं और उस पर क्या करते हैं सभी लोगों को मानना फिर उसको बातकारी होता है नहीं मानते हैं तो फिर जबरदस्ती बनवाया जाता है उसके भी क्योंकि फिर लठिया दिखाई जाती है ना चलिए चलिए साथियों बात करते हैं ब्रिटेन बुट्स के बारे में यानी कि थोड़ा सा देखते हैं ब्रिटेन बुट्स क्या है तो विश्व बैंक या कहें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 के ब्रिटेन बुर्स में हुए समझौते के कारण ही हुई मानी जाती है इसलिए इन दोनों संस्थाओं को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है इन संस्थाओं का उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध तथा विश्व में फैली आर्थिक मंदी से निपट रहे देशों की मदद करने के लिए किया गया था ठीक है तो ब्रेटन वुड्स में क्या था चवालीस देशों ने क्या किया था चवालीस देशों ने जाकर भाग लिया था या हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेटन वुड्स का उन्नीस में जो ब्रेटन वुड्स में जो सम्मेलन हुआ था उसमें चवालीस देशों ने क्या किया था चवालीस देशों ने भाग लिया था या कह चवालीस देशों के प्रतिनिधियों ने एक जुलाई से लेकर बाईस जुलाई उन्नीस तक क्या लिया था भाग लिया था विश्व बैंक तथा आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स की चुड़मा वहन या कहें ब्रेटन वुड्स ट्वींस कहा जाता है ये दोनों वाशिंगटन डीसी में स्थित है कौन से विश्व बैंक तथा आई ठीक है चलिए आगे बात करते हैं तो सबसे पहला हम संगठन यहां पर बात करने वाले हैं वो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या हम इसको कह सकते हैं आईएमएफ आइए देखते हैं आईएमएफ को समझते हैं क्लियर करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ तो वैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या कहें आईएमएफ की स्थापना की अगर बात की जाए तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक आईवीआर के साथ हुई यानी कि जुलाई 1944 में हुई थी ठीक है तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएसए में स्थित एक जगह है उसको कहते हैं न्यू हैम्पशायर न्यू हैम्प्सायर ठीक है एम्पायर नहीं न्यू हैम्प्सायर ठीक है तो मैं फिर से बोलूँ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएसए में स्थित न्यू हैम्प्सायर शहर में हुआ था जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या लिया था भाग लिया था इसकी स्थापना भले ही 1944 में हुई लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के सभी अनुच्छेद तथा प्रावधान 27 दिसंबर 1944 में लागू हुए माने जाते हैं मैं फिर से बता दूं कि, कि आपका आईएमएफ की या कहें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या कहें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आपकी स्थापना 1944 में जरूर हुई मानी जाती है लेकिन इसकी जो भी अनुच्छेद और जो भी प्रावधान थे वो 27 दिसंबर 1945 में लागू हुए माने जाते हैं तो इस समय यानी कि 2020 के समय की अगर बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आई में एक देश सदस्य हैं ठीक है थीका? तो इस समय इस समय किस बात कर रहा हूँ 2020 की बात कर रहा हूँ कितनेवासी ठीक है, कितने है? ए, 190 ठीक, है? 89, ठीक है? इसका आखिरी सदस्य की अगर बात की जाए एक सौ नवासी में जो इसका सदस्य वो था आपका राज्य, गणराज्य राज्य जहाँ यहां पर आपको देखा जाएगा दक्षिण सूडान दक्षिण सूडान के पास यहां पर आपको देखा जाएगा ये नोरू ठीक ठीक है यह नोरू तो नोरू गणराज्य जो था एक सौ इसका सदस्य बनता है कब बनता है 12 अप्रैल 2016 में वही दक्षिणी सूडान जो होता है वह एक सदस्य था ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आई के बाद चलिए बात करते हैं थोड़ा सा साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ के कार्य क्या क्या हैं ठीक है तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसके प्रमुख जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक सहयोग को क्या करती है ये बढ़ावा देती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन बनाने का प्रयास करती है व्यापार संतुलन क्या होता है इसको मैं डिटेल में और डीप में आपको बता चुका हूँ अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना इसके इसका प्रमुख कार्य है विनिमय दरों का स्थिरीकरण या फिर मुद्रा स्थायित्व को बढ़ावा देना इसके बारे में आपको बता चुका हूँ भुगतान संतुलन के संकट के समय सदस्य देशों की मदद करना किस तरह से ये भी आपको बता चुका हूँ किस तरह से भारत देश से होता है भुगतान संतुलन की जो पर संकट आ जाता है और किस तरह से ये भारत देश की मदद करता है किस तरह से भारत देश क्या करता है इससे क्या करता है पैसे लेता है और अपना फिर आगे की जो प्रक्रिया थी उसको करता है अंतरराष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा करना तथा उसकी अवधि में क्या करना कमी करना इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सदस्यता तथा पूंजी के बारे में बात करते हैं सदस्यता तथा पूंजी तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोटा ठीक है तो इसको क्लियर करते हैं कि सदस्यता कौन कौन ले सकते हैं यानी कि कौन कौन इसके सदस्य बन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आई एम एफ किस की कितनी पूंजी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये कोटा क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं ठीक है चलिए देखते हैं तो इस समय मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या कहें आई एम एफ में एक सौ नवासी सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संचालन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से किया जाता है और हर देश के हर देश के यानी कि मान लीजिए कोई भी देश है जो कि इसका क्या है सदस्य है मान ली भारत है पाकिस्तान अफगानिस्तान तो जो भी देश है तो हर सदस्य देश के दो पद होते हैं जिनमें एक गवर्नर तथा दूसरा वैकल्पिक गवर्नर यानी कि अल्टरनेट गवर्नर होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है गवर्नर मौजूद नहीं रह पाते हैं तो क्या होता है जो दूसरा वैकल्पिक गवर्नर होता है उनको क्या करना पड़ता है गवर्नर की जगह लेना पड़ता है ठीक है तो मैंने क्या होता है अगर गवर्नर मौजूद नहीं होते हैं तो वैकल्पिक जो गवर्नर होते हैं उनकी जगह क्या करते हैं मतदान करते हैं तो इस

इस तरह से गवर्नर से मिलाकर आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर का निर्माण होता है वैसे सभी गवर्नरों की जो मत शक्ति होती है मत शक्ति होती है या कहीं वोटिंग पावर होती है वह समान होती है सबको एक एक वोट देने का अधिकार होता है लेकिन गवर्नर की मत शक्ति मत शक्ति जो होती है संबंधित देश के देश के कोटा अधिकार पर निर्भर करता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीछे बताया था कि ये क्या करते हैं निष्पक्ष रूप से करते हैं लेकिन जो निष्पक्ष जो होता है वो क्या रखा गया है एक धोखा देने के लिए शब्द जोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ निष्पक्ष का मतलब नहीं होता है आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान का जो गोद में पाकिस्तान जो है चीन के किस तरह से गोद में बैठ जाता है कूद के और जो आतंकवादी हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को बचाते हैं और पाकिस्तान को किस तरह से चीन बचाता है इस तरह की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिल जाती होंगी तो यहाँ पर निष्पक्ष की कहीं बात ही नहीं आती है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जिसके पास पैसा उसी के पास उसका पूरा कमान होता है तो तीन चार देश हैं जिनके पास पैसा है उन्हीं का ही इस पर क्या है पूरा क्या है इस पर कंट्रोल है चलिए तो मैंने क्या बताया कि सभी गवर्नर को क्या मैंने बताया था सभी गवर्नर की जो मत शक्ति होती है वो क्या होती है बराबर होती है लेकिन गवर्नर की मत शक्ति जो होती है संबंधित देश के कोटा अधिकार पर निर्भर करती है अब ये भैया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोटा क्या होता है तो उसको थोड़ा सा समझते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सभी गवर्नर को क्या दिया गया होता है समान मत देने का अधिकार होता है इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी गवर्नर को दो सौ पचास मत या कहें सौ वोट मिलते हैं उसकी राष्ट्र की सदस्यता के बदले यानी कि भारत देश है आईएमएफ का जब सदस्य बनता है तो उसको 250 वोट मिल जाते हैं क्यों क्योंकि उसने उसकी सदस्यता ली है जो कि सभी देशों के क्या होते हैं समान होते हैं लेकिन गवर्नर के जो मत होते हैं कम या ज्यादा हो सकते हैं उस देश को प्राप्त विशेष आहारण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के कारण ठीक है क्योंकि हर 1 लाख एसडीआर एच पर गवर्नर को एक मत मिलता है मैं फिर से बता दूं हर एक लाख एच पर गवर्नर को एक वोट मिल जाता है इसका मतलब हुआ कि आईएमएफ में मतों की संख्या या कहें मत शक्ति या कहें वोटिंग पावर उस देश की अधिक होगी जिसके पास एच का कोटा अधिक होगा तो आप लोगों को अंदाज लग ही गया होगा कि इसमें वोटिंग पावर सबसे अधिक किसकी होगी और सबसे कम किस देश की होगी समझना बात को क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होता है निष्पक्ष रूप से लिखा गया होता है लेकिन यहाँ पर पैसा हर जगह चलता है भारत देश में भी जिनके पास पैसा होता है वो उन पर ना तो राजनीतिक दबाव कोई डाल पाता है ना ही क्या कर पाता है ना ही उनके लिए कुछ पुलिस मायने रखती है और ना ही किसी भी तरह का कोई कानून मायने रखता है जैसे कि आप चलमान खान को देख सकते हैं चलमान खान जो चलमान है जो भी उसका नाम हो तो चलमान खान जो थे सा, लाखों सालों से केस चलता आ रहा था एक और आखिर में चलते 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 क्या था वो अभी कहीं जाके उन्होंने जब साठ साल के वो हुए जा रहे हैं तब उनका फैसला आता है तो वो अपना जीवन तो पूरा जी ही जी ही चुके हैं ना पूरा जीवन तो अपना जी ही चुके एक दो बार जेल में गलती से चले गए वहाँ पर वो भी मस्त एकदम रोटियाँ खाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है और भाई साहब समझ ना बात को तो ये चीज़ें होती हैं तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर बताया कि वोटिंग पावर आप अंदर लगा सकते हैं कि सबसे अधिक किसकी होगी ठीक है क्योंकि मैं आपको जैसे अभी हाल बताऊं कि मान लीजिए अरे भाई साहब यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता जैसे मान लीजिए भयाल आप तो चार लोगों को बुलाते हैं कि और कंपटीशन रखते हैं कंपटीशन कंपटीशन होगा पेड़ पर चढ़ने का ठीक है तो चार लोगों को बुलाया एक है बंदर एक है हाथी एक है कुत्ता और एक है बिल्ली तो ऐसे करके चार लोग पहुँचे और चार लोगों को कहा कि भाई साहब ऐसा है एग्जाम है आज तो उससे पूछा जो मास्थ बैठे थे तो पूछा सर जी काय का एग्जाम है कि आज पेड़ पर चढ़ना है तो पेड़ पर जो चढ़ेगा वही चीता माना जाएगा तो आप अंधा लगा सकते हैं भाई पेड़ पर कौन जीतेगा जीतेगा बता देगा बंदर बंदर क्योंकि तो सारे जीवन पर उस पे पेड़ पे पेड़ चढ़ता आ रहा है तो अब यहाँ पर भी वही कहानी है जिसके बाद पैसा होगा ना उसका ही वोटिंग पावर ज्यादा होगा तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं चलिए देखते हैं तो सदस्य और पूंजी के बारे में बात हो रही थी चलिए तो आईएमएफ की पूंजी भी सदस्य देशों की एसडीआर से ही निर्मित होती है जो कि सदस्य देश जो कि सदस्य देशों को आईएमएफ में क्या करनी होती है जमा करवानी पड़ती है मैं फिर से बता दूं आईएमएफ की पूंजी भी सदस्य देशों की एच से ही निर्मित होती है जो कि सदस्य देशों को आईएमएफ में क्या करवानी होती है जमा करवानी होती है ठीक है तो इससे आपको यह अनुमान लग ही गया होगा कि किसी भी सदस्य देश के अंशदान या कोटे का निर्धारण उसकी विकास बैंक में भागीदारी प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा देश है जो सबसे अधिक विकास कर चुका है कौन सा देश की प्रति व्यक्ति जो आए एकदम टॉप पर होगी और कौन सा देश जो है उसकी आर्थिक विकास दर क्या है बहुत ऊंची है तो आपको अंदाज लग गया होगा कि भाई साहब कौन नंबर वन पर यहां पर आ जाएगा ठीक है तो मैंने क्या बताया तो आई एम एफ के कोटे को सदस्य देशों द्वारा अपनी एसडीआर डी आर को सोने के रूप में ए, अमेरिकी डॉलर के रूप में पच्चीस परसेंट रख रखना जरूरी है इसके बाद बचा 75 परसेंट अपनी देश की मुद्रा के रूप में जमा करना होता है ठीक है इसके बाद आई एम एफ का सभी प्रकार का लेन देन एस में ही होता है इसलिए एस को कागजी सोना कहा जाता है इस कोटे की ये जो कोटा होता है यानी कि जो भी कोटा इसमें दिया जाता है आई में इस कोटे की समीक्षा जो है अभी तक चौदह बार हो चुकी है इसके तहत अमेरिका के पास सबसे अधिक कोटा है तथा भारत कोटे के आधार पर आठवें नंबर पर मैंने बताया था आपको नंबर आपका यूएसए ही आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चलिए साथियों बात करते हैं विशेष आहराधिकार अधिकार डी एस एल ड्रॉइंग राइट एस के बारे में जब बात चल रही है चल ही रही है काफी देर से एस के बारे में तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं क्लियर करते हैं तो यह है आई एम एफ के द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पर संपत्ति है ये कोई मुद्रा मुद्रा नहीं है बल्कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पर संपत्ति है ठीक है तो आई ने एस को अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या को दूर करने के लिए यह लाया था अब अब ऐसा था कि मान लीजिए कोई देश है अब बो करके भाई साहब हमको डॉलर में नहीं चाहिए हमको यूआन में चाहिए या फिर यूएन में चाहिए या फिर हमको रुपया में चाहिए तो इससे क्या है कि भाई साहब तुम तो ऐसा करो ये यूआन और ये यूआन ये जो है बीमारी ये हटाओ और एस डी आर में पेमेंट लो और जाओ इसको करवाते रहना छुट्टे ठीक है इस तरह की जो समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए एस डी आर की व्यवस्था की गई थी तो होता क्या था कि उन्नीस सौ इकहत्तर से पहले आई एम एफ में सदस्यों का को जो कोटा हुआ करता था उसको क्या किया जाता था डॉलर में दिखाया जाया करता था या कहें डॉलर में ही निकाला जाता था और डॉलर में ही दिखाया जाता था ठीक है यानी कि डाला, डालना और निकालना में था डॉलर के रूप में ही होता था लेकिन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और जो आपका यूएसए था उसके बीच में क्या होता है व्यापार का जो था घाटा हो जाता है किसी चक्कर चे, में केंट हो जाती है तो इस कारण क्या होता है कि जो इसका जो आई का जो कोटा था वो डॉलर से काय में बदल दिया गया एच में बदल दिया गया ठीक है तो शुरुआत में जब एस में बदला गया तो 1971 में एक डॉलर बराबर एक एस मान लिया गया था लेकिन डॉलर के मूल में क्या था गिरावट आने के कारण इसका अब डॉलर के बराबर नहीं माना जाता है आपका एच तो इस समय विश्व की पांच अर्थव्यवस्थाओं के मुद्राओं के बाहरांश के आधार पर एस का मूल्य जो है तय किया जाता है वैसे कौन कौन सी पांच मुद्राएं हैं तो यहाँ पर दिखा जाएगा यूनाइटेड स्टेट का डॉलर यूरो मेंबर्स का आपका यूरो आपका चाइना का युआन आपका जापान का येन और यूनाइटेड किंगडम का पाउंड ठीक है तो इस समय एच के मूल्य के लिए जो पांच मुद्राओं को रखा गया है यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका युआन का यूरो बो सॉरी यूरोपीय यूनियन का आपका यूरो आपका चीन का युआन ब्रिटिश का पाउंड जापान का येन और अमेरिका का डॉलर ठीक है इस तरह से ये पांच मुद्राएं रखी गई हैं चलिए साथियों बात करते हैं भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में थोड़ा सा दोनों का संबंध देख लेते हैं किस तरह से और क्या क्या कनेक्शन है तो आई या इंटरनेशनल मोनिट्री फंड तो भारत आई का संस्थापक सदस्य है यानी कि भारत उन 44 देशों में शामिल था जिन्होंने ब्रेटन वुड्स में क्या किया था सम्मेलन में भाग लिया था ठीक है तो भारत का वित्त मंत्री आईएमएफ का क्या होता है आईएमएफ की बोर्ड ऑफ गवर्नर का पदेन गवर्नर होता है और आरबीआई का गवर्नर वैकल्पिक गवर्नर होता है ठीक है तो आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करता है जो भारत के साथ ही बांग्लादेश श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है तो इस समय भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं सुरजीत भल्ला हैं ठीक है जो कि 2020 में की दो हजार बीस में अगर कोई हैं तो आप उसको लिख सकते हैं तो भारत देश में आई कर्ज लेने वालों से निकलकर कर आई का वित्त पोषक बन गया है यानी कि इस समय भारत लेता है ठीक है सॉरी इस समय भारत लेता नहीं बल्कि क्या करता है देता है इसका मतलब ये हुआ कि भारत इस समय आईएमएफ से कर्ज़ लेने की स्थिति नहीं है बल्कि क्या करता है ये इसको मुहैया करवाता है और इसके जो सदस्य हैं, उनको पटवा देता है चलिए तो इस तरह से ये आपका आई एम क्या नेक्स्ट बात करते हैं साथ बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में वर्ल्ड बैंक जिसको हम कहते हैं आइए देखते हैं शुरुआत देखते हैं इसकी कहां से हुई मानी जाती है तो बिग विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने 25 जून 1946 से अपना काम करना शुरू कर दिया था भारत इसका संस्थापक सदस्य था ठीक है तो दूसरे विश्व युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 1944 में इसकी स्थापना की गई थी इसका मुख्यालय जो है वह वॉशिंगटन डीसी में है यहाँ पर आपको दिख जाएगा वॉशिंगटन डीसी में जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय है इस समय इसके एक यानी कि वन जो है मेम्बर से आख एक सदस्य हैं विश्व बैंक के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से आई के भी सदस्य होते हैं मैं फिर से बता दूं विश्व बैंक के जितने भी सदस्य होते हैं वे अनिवार्य रूप से आईएमएफ के भी सदस्य होते हैं विश्व बैंक का जब निर्माण हुआ था तब उस समय दो संस्थाओं के ये सहयोग से बना था भाई तब कौन कौन सी वो दो संस्थाएं थी जिनसे मिलकर ये आपका विश्व बैंक बना था तो वो थी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई और दूसरा तो दूसरा जो था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आई ठीक है तो ये जो थी कुछ संस्थाएं थी जिनको मिलाकर ये विश्व बैंक का निर्माण किया जाता है ठीक है तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत इसका एक संस्थापक सदस्य संस्थापक सदस्य का मतलब कि जब इसका निर्माण हो रहा था तब वहाँ पर भारत भी एक क्या था सदस्य के रूप में वहाँ पर या कहें वहाँ पर भारत का भी एक प्रतिनिधि मौजूद था ठीक है इसके बाद तीन अन्य संस्थाएं बनाई यानी कि दो संस्थाएं संस्थाओं के बाद तीन अन्य और संस्थाएं बनाई यानी आई और आई, आ, आई, आई के बाद ई वी आर डी के बाद दो और तीन और संस्थाएं बनाएंगी जिनका नाम यहां पर मैं बता देता हूं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आई एफ सी मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मेगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स आई सी एस आई डी एक करके इनको हम समझेंगे ठीक है तो देखते हैं तो इस इन सभी को इन सभी को, यानि कि जो पांचों है, इन सभी को एक साथ कहा जाता है, या कहें, इन सभी को बिस, बिस या है समझ रहा ना तो मैंने क्या बताया था कि जब ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हो रहा था उस समय क्या हो रहा था वहां पर भारत भी मौजूद था ठीक है तो संस्थापक सदस्य के बारे में आपको पता चल गया होगा ठीक है तो इसकी स्थापना आई के साथ हुई थी ये आपको बताया चुका हूं मैं ठीक चलिए आगे बात करते हैं विश्व बैंक क्या कहें वर्ल्ड बैंक के, के उद्देश्य देख लेते हैं तो आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना विश्व में गरीबी को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना उद्देश्य जो होते हैं सारी संस्थाओं के जितनी भी प्रमुख हैं आर्थिक संस्थाएं हैं संगठन है उनका एक ही होता है तो ज़्यादा घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है इस इसमें कुछ जाना नहीं है चलिए विश्व बैंक समूह के बारे में बात करते हैं यानी कि एक एक करके इनके जो समूह है उनके बारे में बात करते हैं ठीक है तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई वी आई डी या पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक ठीक है तो ये पहला विश्व बैंक समूह का ये पहला संस्था है तो यह विश्व बैंक के पांच संस्थाओं में से एक है यानी कि जो पांच संस्थाएं है विश्व बैंक की उनमें से एक है यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कम आय वाले विकासशील देशों को पैसा क्या करता है उधार देता है इस बैंक का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में है इसका प्रमुख जो कार्य है या कहीं प्रमुख जो काम है वह आर्थिक विकास तथा गरीबी को दूर करना है दूसरा देखते हैं अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद या कहें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आई ठीक तो यह भी विश्व बैंक का ही एक अंग यानी कि वर्ल्ड बैंक का भी क्या है ये एक प्रमुख भाग है इसकी स्थापना 1960 में की गई थी इसको 1961 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन में क्या कर दिया गया था जोड़ दिया गया था यह विकासशील देशों की जरूरतों को क्या करता है पूरा करने के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देता है ठीक है समझना कौन देता है आपका आई आई नेक्स्ट बात करते हैं उधार दर की खिड़की यानी कि सॉफ्ट लोन विंडो एस एल डब्ल्यू ये क्या है इसको थोड़ा समझते हैं इसके तहत विकासशील देशों के आर्थिक विकास को बहुत तेज करने के लिए उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए शून्य ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए क्या किया जाता है कर्ज दिया जाता है पैसा दिया जाता है मैं फिर से बोल दूँ उधार दर की खिड़की या उदार ऋण की खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडो या एस एल डब्ल्यू इसको थोड़ा सा समझते हैं तो इसके तहत विकासशील देशों के लिए यानी कि जो कम विकसित देश हैं जो गरीब देश हैं पिछड़े देश हैं उनके लिए या कहें उनको क्या करना है आर्थिक विकास की दौड़ में बहुत तेज बढ़ाना है तो आर्थिक विकास को बहुत तेज करने के लिए उनकी उत्पादकता जो दर है उसको उसको बढ़ाने के के लिए लिए उनके जीवन स्तर में क्या है है गिरावट तो ऊपर उठाने शून्य ब्याज दर पर क्या किया जाता है लंबी अवधि के लिए बहुत समय के लिए क्या दिया, दिया जाता है ब्याज पर रुपया दिया जाता है यह लंबी अवधि की अगर बात की जाए तो पैंतीस वर्ष होती है या कहीं पैंतीस सालों के लिए दिया जाता है जिसमें दस साल की छूट भी जुड़ी हुई होती है ठीक है तो जो भी तो देश जो है यानी कि सॉफ्ट लोन विंडो से क्या करता है अगर लोन लेता है मैं फिर से बोल दू जो भी देश इससे लोन लेता है तो उसको ऋणों का सेवा शुल्क देना पड़ता है यानी कि जो कर्ज लिया है उसके बदले में क्या करना पड़ता है कुछ सेवा शुल्क देना पड़ता है जो कि होता है जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट क्या देना पड़ता है ऋण आकर ब्याज दर के रूप में उसको पैसा देना पड़ता है यानी कि एक करोड़ रुपया देता है अगर कोई किसी को एक करोड़ रुपया देता है ये यहाँ के यहाँ से मिलता है तो क्या होता है यानी कि इसके तहत अगर विश्व बैंक किसी को एक करोड़ रुपया देता है तो उस पर जो ब्याज दर लगेगी वो होगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट साल आना है, ठीक है तो विश्व बैंक इससे सस्ता कर्ज नहीं दे सकती इसको ही उदार की या कहें उदार कर्ज की खिड़की कहा जाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी तीन संस्था देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी ठीक है तो यह भी विश्व बैंक का ही एक अंग है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है 1961 में यह भी यूएन का एक अभिक्रण या कहें एजेंसी या कहें भाग बन जाता है इसको विश्व बैंक की निजी शाखा या कहें भुजा या कहें प्राइवेट आर्म्स कहा है जाता है मैं फिर से बता दू अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम को विश्व बैंक की प्राइवेट आर्म्स या कहें निजी भुजा या निजी शाखा कहा जाता है जहां पर आई जो है आई था, तथा आईडीए द्वारा सदस्य जिस को सस्ते दर पर क्या दिया जाता है कर्ज दिया जाता है वहीं आई जो होता है आई जो होता है सदस्य देशों के निजी क्षेत्रीय संगठन या कहीं संस्थाओं को वाणिज्यिक ब्याज दर पर क्या करता है कर्ज देता है मैं फिर से बता दूं कि आई ए आई, आई जो होता है और आई जो होता है वो क्या करता है मान लीजिए भारत देश है तो भारत सरकार अगर विश्व बैंक के पास जाती है और वहाँ से क्या करती है रुपया मांगती है तो वहाँ से इनको क्या किया जाएगा आई आई वी डी और आई डी से क्या मिल जाएगा कर्ज मिल जाएगा वहीं मैं हूँ विजय माल्या या फिर मान लीजिए मैं हूँ अंबानी तो मैं क्या करता हूँ विश्व बैंक से आ, क्या लेने जाता हूँ कर्ज लेने जाता हूँ तो वहाँ पर क्या होगा आपकी कौन सी संस्था देगी तो वह देगी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन या आईएफसी या कहें अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा अनिल अंबानी या कहें जो मोदी जो था क्या नाम था उसका मोदी का आ, जो अपना पैसा लेके भाग गया था आरामखोर भारत देश का जहाँ तक अंदाज है उसका नाम निकल रहा है दिमाग से तो एक मोदी था ना जो एयर किंग फिशर का मालिक था तो वो क्या करता है वो अगर रुपया लेने जाता है तो वो प्राइवेट है या फिर मैं मान लीजिए मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ मतलब दो हज़ार वाला नहीं समोसे का ठेला लगाने के लिए नहीं मतलब अरबों खरबों का अगर कोई बड़ा बिजनेस है उसमें थोड़े रुपये कम पड़ते हैं तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ इससे ले सकता हूँ अब ले तो सकता हूँ लेकिन ये नहीं कि मैं बिना भारत सरकार की मर्ज़ी से चला जाऊँगा भारत सरकार इसमें क्या बनता है मझिया बनता है मझिया मतलब यहाँ पर उसकी गारंटी लेता है यानी कि मैं अगर आई विश्व बैंक से रुपया लेता हूँ तो भारत सरकार क्या करती है इसकी गारंटी लेती है कि अगर ये लॉन्डर जो है भरोसेबंद है हमारा अगर ये रुपए लेके भागता है तो हम देंगे चलिए तो इसको भी क्लियर करते हैं तो मैंने क्या बताया विश्व बैंक की निजी यह शाखा कहलाती है पर पर तथा द्वारा सदस्य देशों को सस्ते दर कर्ज दिया जाता है, या है। वही आई एफ सी सदस्य देशों के निजी क्षेत्रीय संगठन या कह निजी संस्थाओं को क्या करता है वाणिज्यिक ब्याज दर पर कर्ज देता है इस कर्ज की जो गारंटी होती है यूएन सदस्य या कहें यूएन जो होते हैं यूएन कहें संयुक्त राष्ट्र की गारंटी पर आधारित होता है इसका मतलब ये हुआ कि कर्ज लेने वाला अगर कर्ज समय पर नहीं देता है तो उसका भुगतान सदस्य देश को करना होता है यह संस्था जो है विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के लिए पूंजी जुटाने में सहायता करती है यह निगम केवल विनिर्माण उद्योग के लिए देती है न कि सामाजिक सेवाओं के लिए मैं फिर से बता दूं कि आई जो होती है निजी क्षेत्र के लिए तो देती है लेकिन विनिर्माण क्षेत्र के लिए देती है न कि सामाजिक सेवा के लिए मैं गरीबों को भोजन करवाना चाहता हूँ तो ये नहीं कि आप इस बैंक के पास जाएँ और वहाँ से क्या करें करें ऐसा नहीं मतलब आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं 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 तो आप भी से ले सकते हैं। उसकी गारंटी गारंटी लेगा ठीक है चलिए चलिए आगे बात करते हैं। बात करते करते साथियों बहुत अच्छी निवेश एजेंसी या मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी या मेगा के बारे में भारत देश का रहने वाला कोई बिजनेस करता हूँ बिजनेस करता हूँ तो मेरी अगर कोई परेशानी आती है मैं मतलब बिज़नेस का मतलब नहीं कोई बहुत बड़ा व्यापार करता हूँ जैसे अन्य अंबानी है पूरे उनका भारत देश में क्या है हर जगह उनका जियो का सिम चलता है और उनका क्या है जगह जगह उनकी फ़र्म लगी हुई हैं जगह जगह उनके ऑफिस हैं जगह जगह उनके क्या हैं आ... स्टोर वगैरह हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हैं सारा ज़िम्मेदारी के रूप में काम होता है तो यहाँ पर सरकार लेती है ज़िम्मेदारी की एक तरह से बीमा के रूप में अगर कोई बात होगी तो हम जाकर सरकार से शिकायत कर सकेंगे भारत सरकार से शिकायत कर सकेंगे यानी कि किसी भी तरह की कोई अप्री घटना हो जाती है तो क्या होगा एक तरह से जोखिम का वहन किया जा सकता है भारत सरकार का कोई अगर जो बीमा कंपनी है वो इसका क्या करेगी आपका वहन करेगी मान लीजिए अभी क्या है सी का विरोध करते हैं सी का विरोध करते हैं हमारे शांति दूर जैसे क्या करते हैं तो वो क्या करते हैं शांति का जैसे उन्हें संदेश दे दिया और किसी फैक्ट्री में आग लगा दी तो उसका बीमा का वहन कौन करेगा भारत सरकार के लोगों की द्वारा ही तो किया जाएगा तो भारत सरकार का अगर कोई फर्म है जो कि बीमा उसका अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली होगी तो उसका क्या करेगा वहन करेगा जो खर्चा हुआ जो नुकसान हुआ ठीक है इस तरह से अब आती है विश्व वर्ल्ड विश्व स्तर के जैसे मान लीजिए मैं भारत का निवासी हूँ और मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका दे या दक्षिण अमेरिका का को कोई देश या फिर उत्तरी अमेरिका का को कोई देश या फिर यूरोप का या फिर एशिया का किसी भी देश में मैं क्या करना चाहता हूँ जाके क्या करना चाहता हूँ उद्योग मतलब व्यापार करना चाहता हूँ व्यापार करने के लिए मेरा जो जोखिम है उसका वहन कौन करेगा वहाँ किसी भी तरह की कोई आगजनी घटना हो जाए कोई आतंकवादी गतिविधि हो जाए या फिर मान लीजिए मैं वहाँ पर अपना फैक्ट्री वगैरह लगाए हूँ तो किसी भी कारण से बाढ़ आ जाए या फिर मान लीजिए तूफान आ जाए तो इस तरह से अगर कोई अप्री घटना होती है फिर कोई मेरे साथ कोई घटना होती है तो क्या होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में आएगी आपकी जो मेगा है ये कार्य करती है ठीक है तो आइए क्लियर करते हैं इसको समझते हैं क्या लिखा है मैंने तो बहुपष्टीय निवेश गारंटी एजेंसी मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मिगा तो इसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी इसकी स्थापना विकासशील देशों में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए की गई थी इसके द्वारा विदेशी निवेशकों को सदस्य देशों में निवेश की मात्रा पर बीमा उपलब्ध कराया है जो कि उनके गैर वाणिज्यिक जोखिम को क्या कर सकता हो वहन कर सके यानी मान लीजिए मैं न डरूं तो अगर पाकिस्तान में या कहीं अफगानिस्तान में चीन में कहीं पर भी जाकर बेफिक्र होकर क्या करना चाहता हूँ व्यापार करना चाहता हूँ जिससे अगर कोई घटना हो जाती है मेरी अप्रिय या फिर मेरे साथ कोई हो जाता है तो उसकी गारंटी कौन लेता है आपका मेगा लेता है जो अगर सदस्य देश है आपका अगर भारत देश का सदस्य नहीं है तो मैं अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान में कहीं पर भी जाके करता हूँ तो वहाँ पर क्या नहीं होगा मेरा किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी ये आपका मेगा नहीं लेगा ठीक है तो मैं फिर से बता दूँ इसके द्वारा विदेशी निवेशकों के सदस्य देशों में निवेश की मात्रा पर बीमा उपलब्ध करवाना होता है जो कि उनके गैर वाणिज्यिक जोखिम को वहन कर सके यह मुद्रा हस्तांतरित संबंधित समस्या नागरिक उपद्रव स्वामित्वकरण ठीक है जैसे जोखिमों में एक आ, क्या करती है उसके प्रति क्या होती है हमें एक गारंटी देती है मैं फिर से बता दूँ यह मुद्रा स्थानांतरण से संबंधित समस्या नागरिक उपद्रव स्वामित्व स्वामित्वकरण जैसे जोखिमों से एक क्या होती है गारंटी होती है जोखिमों के प्रति गारंटी होती है इसके अलावा अपने सदस्य देशों को विदेशी निवेश के अवसर संबंधी तकनीकी सहायता तथा सूचनाएं भी मुहैया करवाता है आपका मेगा इसके बाद भारत भी इसका तथा इसके लिए भारत ने तेरह अप्रैल दो हजार उन्नीस सौ बानवे में इस पर क्या किए थे हस्ताक्षर किए थे किसके लिए मेगा के लिए इसके लिए. इस लिए कुछ पूंजी का क्या करना होता है अंशदान भी करना होता है क्योंकि जिस तरह से आपको बीमा की पॉलिसी लेनी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है उसमें पॉलिसी में जब लेते हैं तो वहां पे किस्त के रूप में आपको क्या भरना पड़ता है प्रीमियम भरना पड़ता है तो मेगा का जब आप सदस्य बने हैं तो आपको यहाँ पर कुछ पैसा अंशदान यानी कि कुछ पैसे का क्या करना होगा योगदान करना होगा जिससे कि अगर कोई परेशानी आती है तो भाई साहब ये मेगा है एक तरह से जब आप पैसा देंगे तभी तो

कोई फैक्ट्री पर क्या करते थे आग लगा देते ये सोच के आग लगा देते हैं कि वो भारत के नहीं है वो पाकिस्तान के या फिर अफगानिस्तान की पहले पहली बात तो वो जो मुस्लिम कंट्री होती है उनको नुकसान नहीं पहुंचाते जैसे चीन की है या फिर अमेरिका की है तो उनमें क्या करते हैं उनका है तो हम उस पर कब्जा कर लें ऐसा नहीं आपका मान लीजिए भारत का अगर अमेरिका में है तो अमेरिका का कोई व्यक्ति क्या करें ये सोचिए ये तो विदेशी कंपनी है हम इसको क्या करें लप्पड़ मार के इसकी कंपनी छीन लेते हैं ऐसा भी नहीं कर सकता या फिर मान लीजिए कोई अमेरिका का कोई शांति दूत क्या करता है एकदम एक ए फोर्टी में के फोर्टी सेवन लेके आता है और फैक्ट्री में आके एकदम जितने लोग होते हैं सबको गोली मार देता है तो इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो आपका जो मिगा है इस चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है और आपका जो भी दिक्कत आती है जो भी उपद्रव होते हैं या फिर जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करता है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चौथी संस्था देखते हैं आई ए आई, आई सी एस आई डी ठीक है तो विदेश निवेश विवाद के निपटारे के लिए इंटरनेशनल सेंटर या फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ठीक है इसको समझते हैं ये क्या है आई सी की स्थापना उन्नीस में की गई थी इसका भी मेगा की तरह विदेशी निवेश से संबंध है मैं फिर से बता दूं मेगा में क्या था विदेशी निवेश से संबंध है क्या था कि भारत का है या अब अमेरिका का कोई व्यक्ति है भारत में व्यापार करना चाहता है तो उसे क्या दी जाए सुरक्षा दी जाए उसके प्रति जो जोखिम है उसको क्या दिया जाए जोखिम प्रति सुरक्षा दी जाए इसी तरह से ये भी क्या है आपका विदेशी निवेश से संबंधित है ठीक है इसके तहत विदेशी निवेश से जुड़े हुए विवादों का निपटारा करना होता है इसकी सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं है लेकिन अगर कोई सदस्य का बन जाता है तो यह है जो निर्णय सुनाएगा यानी कि जो आई जो निर्णय देगा उसको मानना माननावाधिकारी है तो भारत जो आपका आई जो का क्या है सदस्य नहीं है इस कारण आपका एक मैटर हो गया था वो उसको कहते हैं ए एन रोन तो एन रोन से जुड़े हुए जो भी विवाद थे इसके द्वारा नहीं निपटाए गए थे ठीक है क्योंकि तो भारत इसका नहीं है जैसे मान लीजिए किसी भी तरह की कोई घटना हो जाती है तो वो अगर इसके द्वारा अगर क्या किया जाता है निपटारा किया जाता है तो हर देश को मानना पड़ेगा चलिए विश्व बैंक में सदस्यता तथा पूंजी मेंबरशिप एंड कैपिटल्स के बारे में कैपिटल के बारे में पर बात करते हैं थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं क्या होता है तो विश्व बैंक की सदस्यता के लिए आईएमएफ की सदस्यता अनिवार्य तो अन, होती है इसका मतलब हुआ कि कोई भी देश विश्व बैंक की सदस्यता नहीं ले सकता अगर किसी भी देश ने आई की सदस्यता ले ली है तो उसका जो विश्व बैंक की सदस्यता है ऑटोमेटिक अपने आप ही कहें स्वतः ही उसको मिल जाती है मैं फिर से बता दूं कि विश्व बैंक की सदस्यता के लिए आईएमएफ की सदस्यता अनिवार्य है इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी देश विश्व बैंक की सदस्यता नहीं ले सकता अगर वह किसी भी देश ने आईएमएफ की सदस्यता ले ली है तो वह स्वतः या ऑटोमेटिक या अपने आप ही विश्व बैंक का सदस्य बना माना जाएगा ठीक है हाँ ये बात जरूर है अगर कोई भी देश आई की सदस्यता छोड़ा छोड़ना चाहता है तो वह विश्व बैंक का सदस्य बना रह सकता है बस इसके लिए शर्त यह है कि एम की 75 परसेंट जो सदस्य हैं इसकी सहमति दे, दे मैं फिर से बता दूं कि मान लीजिए मैं हूं एक बिजनेसमैन यहाँ मान लीजिए मैं भारत देश का वासी हूँ मैं भारतीय ही हूँ मैं भारत हूँ और मैं क्या करता हूँ आईएमएफ की सदस्यता ले लेता हूँ तो मेरे लिए एक ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट बन बनाएगा कि भाई साहब आप विश्व बैंक के भी सदस्य बन चुके हैं तो इस तरह से क्या होगा आईएमएफ की सदस्यता लेते ही आपके विश्व बैंक की जो सदस्यता है वह लागू हो जाती है लेकिन अब मान लीजिए मैं आई का सदस्य तो बन गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि विश्व बैंक का सदस्य बना रहूँ और आई की सदस्यता छोड़ दूँ तो आप क्या करेंगे अगर आप सदस्य बने तो आई की सदस्यता छोड़ सकते हैं

तो विश्व बैंक की संस्था कुछ शर्तों पर छोड़ी जा सकती है अगर सदस्य देश ऐसा करने को कहे कि वह सदस्यता छोड़ना चाहता है लेकिन शर्त इसके लिए है होगी कि वह सदस्यता छोड़ने के बाद जो भी उसने पैसा लिया है उसको वह चुकाता है अब मान लीजिए मैं किसी दुकान पर जाता हूँ दुकान पर मैं क्या करता हूँ रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ वहाँ से क्या मिलता है हमको माल मिलता है अब क्या कर लिया रजिस्ट्रेशन करवाया हमने वहाँ से बहुत सारा माल ले लिया और हमने क्या कह दिया कि भाई साहब हम आपका माल आने वाले समय में लौटा देंगे लेकिन दो चार दिन बाद पहुँचते हैं भैया हम आम, हमको आपकी सजता पसंद नहीं आ रही है हम आपकी जो सदस्यता है वापस लेते हैं तो वो कहता है कि भाई साहब ठीक है हम आप जो मेम्बरशिप है आपने लिए हैं हम हमारी आप वापस ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम आपकी ले लेंगे वापस लेकिन ध्यान रहे जो आपने पैसा लिया है वो आपको देना पड़ेगा इसकी यहाँ पर गारंटी आपको दे के जानी पड़ेगी अब ये तो है नहीं कि भाई साहब मान लीजिए किसी दुकान पर जाते हैं आप किसी दुकान से परमा परमानेंट के ग्राहक हैं परमानेंट के ग्राहक हैं तो आप क्या करते हैं परमानेंट ग्राहक हैं आप वहां से क्या करते हैं कुछ उधार माल ले आते हैं उधार ले आते हैं तो उधार लाते रहते हैं लाते रहते हैं, दस हजार रुपए का उधार सामान आ गया तो फिर हमने क्या किया भाई साहब उधार तो लेते रहे जैसे दस हजार रुपए उसके हो गए हमने एक दिन क्या किया उससे मांगा वो भाई साहब आपके दस हजार रुपए हो गए यार वो दे नहीं रहा है माल के यार यार मुझसे सामान खरीदना ही बंद कर दिया आप सामान खरीदना बंद कर दिया अब मैंने उनको बुलाया इधर आओ उनको मैंने क्या कर लिया एक दिन दूसरी दुकान पर खरीदते हुए मैंने माल देखा अब मैंने उनको बुलाया इधर आओ बोले हाँ बताएं जो हमारे दस हज़ार रुपये हैं ना वो आप हमको दे जाना सामान आप कहीं से भी खरीदें सदस्य हमारे रहे न रहे आपको पैसा हमारा वापस देना पड़ेगा नहीं तो इतनी जगह लात मारेंगे कि घर पे बता नहीं पाओगे और तीन चार दिन जा नहीं पाओगे समझ रहे बात को तो यही मैंने बताया कि आप क्या करते हैं आईएमएफ की सदस्यता जो है या कहें विश्व बैंक की सदस्यता है उसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं लेकिन शर्त ये होगी कि आपने जो पैसा लिया है उसको आपको चुकाने का वादा करना पड़ेगा यानी कि उसको देना पड़ेगा यानी कि संस्था छोड़ दी तो आपको पैसा या कहीं जो भी कर्ज लिया है उसको देने से मुकर जाए चलिए सदस्य देश को गवर्नर मंडल के निर्णय यानी कि प्रस्ताव से भी संस्था उसकी खत्म की जा सकती है अगर वह देश किसी नियमों का क्या नहीं करता है पालन नहीं करता है तब मैं फिर से बता दूं कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान है या फिर भारत है या फिर भूटान है चीन है श्रीलंका है तो मतलब चीन की नहीं की जा सकती बहुत बड़ा तोप है वो भारत है पाकिस्तान है आपका भूटान है अफ़गानिस्तान है या फिर आपका नेपाल है तो छोटे मोटे कोई देश है मान लीजिए क्या करता है कि उसका जो नियम है जो कायदे हैं उसका क्या नहीं करता है उसको नहीं मानता है उसको फॉलो नहीं करता है तो वह क्या किया जा सकता है जो उसके गवर्नर मंडल है यानी कि जो विश्व बैंक का जो गवर्नर मंडल है इसके खिलाफ क्या कर सकता है ये निर्णय ले सकता है कि भाई साहब इसको उठा के बाहर फेंक दिया जाए तो भी आपकी सदस्यता खत्म की जा सकती है ठीक है चलिए जब विश्व बैंक की स्थापना हुई थी तब इसकी कुल पूंजी एक दस हजार डॉलर थी जिसको समय समय पर क्या किया जाता रहा है बढ़ाया जाता रहा है इस समय यानी यानी कि कि वर्तमान 2020 की बात की बात जाए तो इसका लगभग लगभग की बात कर रहा हूँ पांच रुपए ज्यादा थे या पांच रुपए कम थे तो इसकी लगभग इसकी वर्तमान में यानी कि दो में जो लगभग कुल पूंजी जो है वह दो बिलियन डॉलर है इसकी पूंजी सभी सदस्य देशों में क्या होती है सभी सदस्य देशों में अंशों में बटी हुई रहती है इसमें सबसे बड़ा जो अंश धारक है वह है आपका यूएसए <coughs> मैं फिर से बता दूं कि आईएमएफ की जो पूंजी होती है मतलब जो विश्व बैंक की जो पूंजी होती है यानी जो भी उसमें पैसा रखा हुआ आता है उसके जो सदस्य हैं उनका अंश दान होता है यानी कि सबके द्वारा थोड़ा थोड़ा अंश दिया जाता है कि पचास रुपये तेरे पचास मेरे बीस उसके चालीस उसके सत्तर उसके अस्सी उसके ऐसे करके सब लोगों का मिला मिलू कर दो हजार पचास बिलियन डॉलर बनते हैं जिसमें सबसे बड़ा अंश धारक जो है वो है आपका यूएसए तो अमेरिका में परंपरा है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष अपने नागरिकों में से ही मनोनीत किया जाएगा तो इस तरह से आपका वहाँ का जो भी अध्यक्ष होता है वह विश्व बैंक का ही मन अमेरिका का रहने वाला ही होता है तो विश्व बैंक में जो अंश होता है उसका भुगतान कुछ तरीकों से किया जा सकता है यानी कि विश्व बैंक में जो भी पैसा रखते हैं उस को कुछ तरीके कौन, कौन से, जो भी होता है, उसका कुछ तरीकों से किया जाता जा दो परसेंट का भुगतान यूएस डॉलर या फिर एस में करना होता है मैं फिर से बता दूं मान लीजिए आपने क्या कर दिया है पचास हजार करोड़ क्या कर दिया है विश्व बैंक में या वर्ल्ड बैंक में क्या करते हैं आप जमा करते हैं तो आप क्या होगा उसमें से दो परसेंट आपको यूएस डॉलर में करना होता है या फिर एस में आप कर सकते हैं नंबर दो आता है का भुगतान सदस्य देश अपनी मुद्रा में करेगा यानी कि भारत देश करता है तो वहां पर क्या करेगा वहां पर वो रुपए में जमा करेगा अठारह परसेंट बाकी का अस्सी परसेंट जो है इसे अस्सी क्या करेगा अस्सी का भुगतान विश्व बैंक के कहने पर कराया जाता है यह रिक्वेस्ट होती है कोई धमकी नहीं होती है अब भाई साहब वो चाहे फिर एच में हो चाहे यू डॉलर में हो या फिर सोने में हो मैं फिर से बता दूं कि दो परसेंट का यू डॉलर या फिर सोना या फिर एच में करना होता है बाकी का अठारह परसेंट भुगतान सदस्य देश में अपनी मुद्रा में करना होता है बचा जो अस्सी भाग जो होता है उसमें या तो वो सोने के रूप में कर सकता है या फिर आपका आ, क्या बोलते हैं आ, सोना हाँ अपनी वो क्या बोलते हैं सोने में कर सकता है एस में कर सकता है डॉलर में कर सकता है ये एक आग्रह होता है ये समझ है ना ये रिक्वेस्ट होती है ना कि धमकी ये नहीं कि भाई साहब आपको सोना सोना को देना है तो वो क्या गाना भी गा देगा सोना कितना सोना है ऐसे करके करेगा तो भाई साहब ये वाला सोना नहीं मतलब तो गोल्ड चाहिए अच्छा तो क्या करना होगा ये कोई धमकी नहीं होगा भाई साहब आपको करना ही करना है कि घर मरैया सब बेच दो भाई साहब हमको सोना चाहिए तो ऐसा नहीं आपके पास जो है बस संपत्ति होनी चाहिए यूएस डॉलर हो तो यूएस डॉलर दे दो एल हो तो एस दे, दे दो नहीं तो सोना दे देना जो भी आपकी पसंद का है वो दे सकते हैं चलिए विश्व बैंक तथा भारत के बारे में बात करते हैं इन दोनों का कैसे कनेक्शन है थोड़ा सा देखते हैं तो भारत विश्व का संस्थापक सदस्यों में से एक था विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक मदद करने के लिए उन्नीस में एड इंडिया क्लब कंट्रोडियम की स्थापना की थी जून उन्नीस में इसका नाम बदलकर भारत विकास मंच कर दिया गया था विश्व बैंक भारत को कर्ज सल, कर्ज सलाह अध्ययन दल के माध्यम से क्या करता रहता है मदद करता रहता है ये आपको पता ही गया होगा संस्थापक संस्थाओं का मतलब क्या है चलिए इतनी जानकारी काफी है नेक्स्ट पढ़ते हैं विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि जब जिक्र हो रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का तो एक दोनों को क्लियर करते हैं कनेक्शन बना के देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आई एंड वर्ल्ड बैंक देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक को थोड़ा समझते हैं तो आई तथा वर्ल्ड बैंक दोनों ही ब्रेटन बुट्स की देन है ये दोनों अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग प्रदान करती हैं ठीक है इनमें विश्व बैंक आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है जबकि आईएमएफ सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन से निकलने के लिए लघुकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है दोनों को एक बार फिर से क्लियर करवा देते हैं कि आईएमएफ का और जो वर्ल्ड बैंक का होता है कार्य एक साथ ही लगभग समान ही होता है या कहीं एक शाही या कहीं समान ही होता है लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं तो मैं एक बार फिर से करा दू कि वर्ल्ड बैंक और आई जो है दोनों ही रिटर्न वोट्स की देन है फिर से

बैंक वर्ल्ड बैंक से लेना होगा तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैंने बताया इसमें विश्व बैंक आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है आपको बड़े बड़े प्लांट्स लगवाने आपको रोड बनवाने आपको क्या करने हॉस्पिटल बनवाने बड़े बड़े तो ये क्या करना है दीर्घकालिक क्योंकि ये बड़े बड़े आने वाले समय में हमें लाभ पहुंचाएंगे ठीक है वहीं आई एम जो होता है सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन से निकलने के लिए लघुकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है क्योंकि आपको पता होगा जब उन, उन्नीस सौ नब्बे इक्यानवे के टाइम पे भारत में भुगतान संतुलन की जो स्थिति थी वो क्या आगे जाता है संकट आ जाता है तो हमें विश्व बैंक से कर्ज नहीं मिल मिला बल्कि किससे हमें लेना पड़ा था आई से लेना पड़ा था यानी कि इंटरनेशनल मोनिट्री फंड से लेना पड़ा था अब ये चीज अलग है कि चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड विश्व व्यापार संगठन तथा गैट ठीक है दोनों को क्लियर करते हैं विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू टी एंड गैट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन तथा गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड ठीक है तो उन्नीस में भारत सहित तिरपन देशों का एक सम्मेलन हवाना में किया गया था फिर से बता दूं, 1947 में भारत सहित तिरपन देशों का एक सम्मेलन हवाना में किया गया था इसमें भारत सहित तेईस देश देशों ने व्यापार प्रतिबंधों तथा ट्रैफिक में कमी लाने के लिए एक समझौता किया जिसको बाद में व्यापार तथा प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता या कहें जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड या कहें गेट के नाम से जाना गया मैं फिर से बता दूं कि 1947 में भारत सहित तिरपन देशों ने क्या किया एक सम्मेलन क्या किया हवाना में किया इसके इसमें भारत सहित तेज देशों ने यानी तिरपन देशों ने भाग जरूर लिया लेकिन तेज देशों ने भारत सहित तेज देशों ने व्यापार प्रतिबंधों तथा ट्रैफिक में वो टैरिफ में कमी करने के लिए एक समझौता किया जिसको बाद में व्यापार तथा प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता या कहें जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहा गया ठीक है तो 1948 के जेनेबा में हुए सम्मेलन से गेट की शुरुआत हुई मानी जाती है गेट में बहुत सारे सुधार हुए और आखिर में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है यानी कि गेट की जो स्थापना होती है वो उन्नीस में जेनेबा में हुए सम्मेलन के साथ हुई मानी जाती है लेकिन जो गेट होता है उसमें समय समय पर क्या किया जाता रहा है परिवर्तन किया जाता रहा और आखिर में जो गेट होता है वह डब्लू डब्लू टीओ में क्या होती है परिवर्तित तो हो जाती है या बदले जाती है इकतीस दिसंबर उन्नीस सौ चौरानवे तक गैट रहा है इसके बाद एक जनवरी उन्नीस में विश्व व्यापार संगठन का जन्म होता है यानी कि कैट जो होता है सुधार करके आकर उसमें परिवर्तन करके डब्लू टी ए को टी ए के यानी कि विश्व व्यापार संगठन के रूप में बदल जाता है और आखिर में जो गैट होता है वो समाप्त हो जाता है और डब्ल्यू टी ओ का अस्तित्व जो होता है वह बना रहता है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उर्फ डब्लू टी ओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तो 31 दिसंबर उन्नीस में गेट क्या होता है गेट की समाप्ति हो जाती है और 1 जनवरी उन्नीस में डब्लू की स्थापना हुई इसका मुख्यालय जेनेवा में है किसका आपका स्विट्जरलैंड में यहाँ पर आपको देख जाएगा यहाँ पर आपको देख जाएगा जेनेवा फ्रांस कहाँ पर गया बच्चा मेरा आ, यहीं पे मैंने देखा था जेनेवा हाँ, जेनेवा ये ये ठीक है तो जो आपका स्विट्जरलैंड में जेनेवा है यहाँ पर इसकी क्या है इसका मुख्यालय इसमें इस समय यानी कि 2020 में अगर सदस्यों की बात करें तो इस समय इसके जो सदस्य हैं वो हैं एक ठीक सबसे नया जो सदस्य था वह था अफगानिस्तान जिसने 2000 पंधर में अपनी क्या थी सदस्यता लेता है डब्ल्यूटीए का सदस्य बनने के बाद कोई भी देश एक दूसरे से क्या नहीं कर सकता भेदभाव नहीं कर सकता यह सदस्यों के बीच में सबसे ज्यादा वरीयता प्राप्त राष्ट्र की अवधारणा पर आधारित होता है डब्ल्यूटीटीओ के तहत किए गए समझौते वस्तु सेवा तथा बौद्धिक संपदा से संबंधित होते हैं मैं फिर से बता कि जो डब्लू होता है इसमें किए गए जो समझौते होते हैं यानी कि जो सदस्य देश होते हैं अगर डब्ल्यू की सदस्यता लेते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप मान लीजिए भारत का पाकिस्तान से अगर व्यापार होता है तो बिना किसी किसके बिना किसी ट्रे मतलब रोक टोक के माल का आवागमन होता रहेगा इस तरह से होगा जैसे कि पाकिस्तान दुनिया में हमारा सबसे प्यारा देश है इसी तरह से हम सभी के साथ समान रूप से यही व्यापार करें मतलब व्यवहार करेंगे भले ये किताब में मतलब इन लोगों ने तो कह दिया वास्तविकता कुछ और ही रहती है ठीक है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है समझना है ना तो किस पे आधारित होता है ज़्यादा वरीयता या कै मोस्ट यहाँ पर हम आगे बात करेंगे ज्यादा वरीयता प्राप्त राष्ट्रीय अवधारणा पर यानी कि सबको समान रूप से अधिकार दिया जाता है तो यहाँ से क्या रहता है कभी कभी कुछ भेदभाव हो जाते हैं किन कारणों से होते हैं हो, उसके बारे में हम बात करेंगे तो ये किस किस पे आधारित होते हैं इसके तहत जो समझौते किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं वस्तु सेवा तथा बौद्धिक संपदा से संबंधित चलिए चलिए साथियों बात करते हैं थोड़ा डब्ल्यू टी यू के लाभ देख लेते हैं कि अगर इसकी कोई तेज सदस्यता लेता है तो क्या लाभ होता है तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं तो यह जो होता है यह शांति तथा समृद्धि को क्या करता है बढ़ावा देता है यह रोजगार सुनिश्चित करने का प्रयास करता है वास्तविक आय में सुधार करता है रहन सहन में सुधार करता है व्यापार का प्रसार करता है ये कुछ इसके प्रमुख लाभ हो जाते हैं जो ये मदद तो उसमें करता है विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौते देख लेते हैं जो कि अगर कोई संस्था लेता है तो उसको कौन कौन से समझौतों का क्या करना होता है पालन करना होता है और उसके तहत नियम कायदे बनाने होते हैं तो उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं ट्रिप्स ठीक है तो ये क्या होता है इसको देखते हैं यह बौद्धिक संपदा के अधिकार से संबंधित होता है इसका उद्देश्य अन्वेषणकर्ता व्यक्ति या संस्था को उसका लाभ प्रदान करना है तथा बौद्धिक संपदा के मामले में व्यापारिक अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है भैया ये क्या होता है मान लीजिए मैं कोई लेखक हूँ या मान लीजिए कोई मैं वैज्ञानिक हूँ या फिर मान लीजिए कोई मैं अं... कोई इंजीनियर हूँ तो मैं क्या करता हूँ मैं मान लीजिए कोई वैज्ञानिक हूँ या फिर मान लीजिए मैं कोई बड़ा डॉक्टर हूँ मैं क्या करता हूँ कोई दवाई की खोज करता हूँ या मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है तो ऐसे समझें मान लीजिए मैं एक लेखक हूँ मैंने एक बुक लिखी मैंने बुक लिखी और ऐसे करके बुक लिखने लिखाने के बाद अपना उस पर कॉपी राइट वहाँ रख दिया कि इसके लेखक जो है अनुराग मिश्रा हैं उसकी जो कीमत रखी वो सात सौ आठ सौ रुपये कीमत उस बुक की रख दी बुक की साठ सौ आठ सौ रुपये कीमत रख दी अब वो क्या है कि वो अन्वेषण करता है यानी कि खोज करता है मैंने उस लेखक हूँ तो मैंने वह ये चाहता हूं कि उस बुक का की जो कीमत है वो मुझे जायज़ रूप से मुझे दिया जाए मैं क्या करूँगा कि उसको जगह जगह बिकवाऊँगा और इज्जत से जाएगा लेकिन हुआ क्या, क्या? कि लोग क्या करेंगे उस बुक की न खरीदने की बजाय क्या करेंगे उसकी फोटो कॉपी करवा लेंगे वो बुक है मान लीजिए दो हज़ार की बुक है या चार हज़ार की बुक है तो उसकी बुक की क्या करेंगे फोटो कॉपी करवा के और सौ सौ रुपये में बेच रहे हैं तो ये क्या रहा है जो इसका लेखक था जो

हमने क्या कर दिया हम भारतवासी हैं हमने उसका एक इंजेक्शन खरीद लिया और उसको तोड़ के अंदर देखा यार इसके अंदर क्या क्या वेरिएंट वेरियंट है तो उसमें क्या कर दिया वही साल सेम वही अब जो लोलो माइसन का इंजेक्शन आता है वो आ जाता है तीन हजार रुपए का अब उस इंजेक्शन के सेम कॉपी बनाकर क्या कर दिया अब मार्केट में बेचने रहे दो सौ में तो ये क्या था व्यापारिक लाभ नहीं मिल पा रहा अन्वेषणकर्ता को अब मान लीजिए कोई और मान लीजिए जैसे कोई मसीन बनाते हैं मान लीजिए कोई ब्रांड का जैसे मान लीजिए फोन है तो फोन है अब एप्पल का मान लीजिए फोन है तो एप्पल का सेम कॉपी आप बनाकर मार्केट में बेचते तो ये गलत हो जाएगा ये इंटेलेक्चुअल जो यानी कि जो भी मान लीजिए इसका दुरुपयोग होगा अनवेषण करता का उसका लाभ नहीं मिला मिल पाएगा तो इसको कहते हैं बौद्धिक संपदा के अधिकार से संबंधित समझौता यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटिव रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं ट्रिप्स ठीक है तो इसके तहत होता है इस इस ट्रिप्स के तहत कुछ और भी बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं वो कौन कौन से देखते हैं कॉपीराइट विश्व व्यापार संगठन ट्रेडमार्क विश्व व्यापार संगठन भौगोलिक संकेतिक विश्व व्यापार संगठन औद्योगिक रूपरेखा विश्व व्यापार संगठन एग्री इंटीग्रेटेड सर्किट व्यापारिक संबंधी गुप्त सूचना ठीक है तो इस तरह के कुछ होंगी इनके बारे में अगर मैं करके समझाऊं टाइम लगेगा मैं फिर भी शॉर्ट में और बता देता हूं मान लीजिए कॉपीराइट तो आप जानते हैं कोई भी आपका माल है तो वो आपका खुद का कॉपी होगा यानी कि आप उसके क्या रह जाएंगे एक तरह से मालिक होंगे अगर आपसे कोई काम उसका इस्तेमाल करता है तो वो आपकी अनुमति के बिना नहीं करेगा दूसरा यहाँ पर देखेंगे ट्रेडमार्क विश्व व्यापार मान लीजिए मेरा कोई ट्रेड मान लीजिए कोई व्यापार करता हूँ तो उसका एक खास लोगो है इसका कोई नाम है तो आप क्या नहीं कर सकते उसका कॉपी नहीं कर सकते या फिर मान लीजिए कोई भी मेरा है तो उसका आप कॉपी नहीं कर सकते दूसरा है भौगोलिक संकेत विश्व व्यापार मान लीजिए बम्बइया आम बोल सकते हैं मान लीजिए वाराणसी वाराणसी है, बाराण सी, बाराण सी है इस, इह, या फिर मैंचेस्टर जो कपड़े वगैरह के लिए है या फिर मान लीजिए डेटरॉयट है ये क्या है कुछ भौगोलिक क्षेत्र हैं जो कि उस मतलब एक चीज़ से जुड़े हुए हैं जैसे कि किसी का जैसे मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा मैथी होती है या फिर मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा कार बनाई जाती हैं या फिर मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा आम पैदा होते हैं तो उससे क्या है कि वहाँ पर उसका एक नाम दिया जाएगा कि वो बम्बैया आम बम्बैया ये अलीगढ़ के ताले उधर के साले इस तरह से क्या है कि ये एक भौगोलिक संकेतक हो गया कि उस क्षेत्र में जाएंगे अर वहाँ का ताला कहाँ का है तो अलीगढ़ का है क्या अच्छा ये कहाँ का है आम भाई बम्बइया आम है क्या इस तरह से समझ रहे बात को औद्योगिक रूपरेखा व्यापार संगठन नेक्स्ट है व्यापार संबंधी गुप्त सूचना अब जैसे मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक पियोगी कोल्ड ड्रिंक पी है तो आप क्या है कि कोल्ड ड्रिंक पीने वाले से आप जाते हैं मान लीजिए एक बोतल खरीदते हैं बोतल खरीदने के बाद आप कंपनी से कहते हैं कि भाई हमको बताओ कैसे बनाई हमको बता दो बता दो प्लीज प्लीज तो ये नहीं वो आपको बताएगा नहीं क्योंकि वो गुप्त सूचना है उसका जो असली वेरिएंट है वो आज तक कभी किसी को नहीं बताया जाता कैसे बनाया जाता है उसका असली राज जो है वो कंपनी अपने पास रखती है और उसको कोई नहीं बताता नहीं तो भारत देश में रोज पेप्सी बने रोज ब्रांड बने वो सेम आप कभी अगर आप पीने वाले जो लोग होते हैं मतलब पौवा पीने वाले नहीं बता रहा पीने वाले जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक पी के स्वाद बता देते हैं कि ये कोका कोला का है ये थम्सअप का है या फिर ये पेप्सी का है ब्लैक कलर की नहीं तो कहते हैं काली वाली दे देना काली वाली होती है ना थम्सअ होती है कोका कोला होती है पेप्सी होती है तीनों का स्वाद अलग अलग होता है महसूस कर सकते हैं आप अगर पी बहुत शौकीन लोग हैं तो तो इस तरह से क्या होता है उसकी जो गुप्त होता है ना उसका स्वाद जो होता है कभी नहीं बदलता है तो वो अंदर की होता है अगर आप इस तरह की कोई घटना करते हैं कि उसका जो असली मटेरियल है तो आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाएगी तो कभी भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं व्यापार से संबंधित गुप्त सूचना होती हैं नहीं दी जाएंगी जो कि आपके ट्रिप्स से संबंधित होती हैं नेक्स्ट बात करते हैं इन सभी के अलावा विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत एक और आता है जिसको हम कहते हैं ट्रिम ट्रेड रिलेटिव इन्वेस्टमेंट मेजर फिर से बोलता हूँ ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर तो इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को संरक्षण प्रदान करना होता है इस समझौते में ऐसी शर्तें तथा प्रतिबंधों पर रोक लगाई जाती है जो विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के खिलाफ होते हैं मैं फिर से बता दूं इस उ, इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को संरक्षण प्रदान करना होता है और ऐसे समझौता और ऐसी ऐसे प्रतिबंधों पर रोक लगाता है विश्व व्यापार संगठन जो कि क्या करता हो विश्व सॉरी ऐसे उन पर करता है जो विश्व व्यापार संगठन के व्यवस्था के खिलाफ होता है क्योंकि आपको मान लीजिए कोई आप क्या करते हैं व्यापार करते हैं मान लीजिए ये घड़ी है तो आप क्या करते हैं कि भारत देश की जो घड़ी है आप क्या करते हैं पाकिस्तान में जाकर बेचते हैं तो पाकिस्तान का व्यक्ति जो है पाकिस्तान सरकार जो है उस पर ये प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि भाई साहब घड़ी वाली ये भाई साहब आप घड़ी बेचें कोई ले ना ले ये चीज़ अलग है लेकिन प्रतिबंध नहीं लगाएगी या फिर मान लीजिए दो चार लोग गौरव होकर एक क्या करते हैं गुटबाजी करके कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि उसकी जो कंपनी है उसकी भारत देश में आने नहीं देंगे तो इस तरह का क्या करेंगे इस तरह का कोई आप गुटबाजी नहीं करेंगे जो क्या है विश्व व्यापार के खिलाफ है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है हर साल हर दो साल में इसका आयोजन करना अनिवार्य होता है तो फिर से बोल दूँ मंत्रिमंडलीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है हर दो साल में इसका एक आयोजन करना अनिवार्य होता है इसका पहला सम्मेलन जो था 9 से 13 दिसंबर उन्नीस को सिंगापुर में हुआ था इसका ग्यारहवां सम्मेलन 2017 को ब्यूनियस आर में हुआ था और इसका बारहवें सम्मेलन 13 से और तेरह और चौदह मई दो हज़ार उन्नीस को यानी तेरह और चौदह मई के बीच में हुआ था दो हज़ार उन्नीस को नई दिल्ली में किया गया था दो हज़ार बीस का भी जब होगा तब जानकारी दे दूंगा अभी इतना फिर से मैं एक बार बता दूँ पहला कब हुआ था नौ से तेरह दिसंबर उन्नीस सौ छियानवे को सिंगापुर में ग्यारहवां में जो था दो हज़ार सत्रह में वी एन आर एस में किया गया था और बारहवें सम्मेलन तेरह और चौदह मई दो हज़ार उन्नीस को बीच में ये हुआ था नई दिल्ली में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए विश्व व्यापार संगठन तथा भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं और क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो भारत विश्व का भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य था इसके बारे में आपको बता चुका हूँ भारत अपनी मर्जी से विश्व व्यापार संगठन से कभी भी हट सकता है इसके लिए क्या क्या सकते हैं उसके बारे में बता चुका हूँ विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में भारत विकासशील देशों के संगठन जी थर्टी थ्री का नेता बनकर सामने आया है विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से भारत में कई स्वतंत्र आर्थिक निर्णय प्रभावित हुए हैं विश्व व्यापार संगठन के तहत पेटेंट कानून से भारत में कई दवाइयाँ तथा चीजें क्या हुई हैं महंगी हुई है। हैं विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से भारत में विदेशी निवेश में क्या है? बड़, बड़, हुई है बढ़ोतरी सेव, हुई है विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से भारत के विदेशी वस्तु से व्यापार सेवा व्यापार तथा कृषि व्यापार में क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है ठीक है इस तरह काफ़ी है चलिए अन्य आर्थिक संगठन थोड़ा सा देख लेते हैं अन्य आर्थिक संगठन सबसे पहला जो है वो है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन आइए क्लियर करते हैं इसको विकास संगठन ठीक है तो यहाँ पर आपको देखे जाएंगे जो विदेश मंत्री मार्शल यहाँ से इनकी शुरुआत होती है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन जो है ओ ठीक जब दूसरा विश्व युद्ध क्या होता है खत्म होता है उसके बाद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही क्या थी फटे हाल थी इस स्थिति में सुधार लाने के लिए या फिर इस कम इन कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करने के लिए 1948 में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल ने क्या किया या कहें मार्शल ने इस काम को अंजाम देने के लिए पेरिस में यूरोपीय राष्ट्रों का क्या किया एक सम्मेलन बुलाया ठीक है और इसके बाद 20 सितंबर 1961 को इसका नाम बदलकर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन रख दिया गया इस समय इसके देश सदस्य हैं इतनी जानकारी काफी है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात करते हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यवाही यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ एफ ठीक है तो यह एक अंतरराष्ट्रीय अन, अंतर सरकारी निकाय है जो कि सरकार को इस पे क्या करना होता है कार्य करना होता है इसका गठन काले धन को सफेद बनाए जाने से संबंधित चिंता को दूर करने तथा आतंकवादियों की गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकने के लिए किया गया था इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो पेरिस में जी सेवन सम्मेलन में उन्नीस नवासी में किया गया था इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय पेरिस तो में आर्थिक सहयोग सहयोग तथा विकास संगठन ओई के मुख्यालय में स्थित है ठीक है इसका सचिवालय कहां पर है इसका सचिवालय ओ के मुख्यालय में स्थित है ठीक इसमें इस समय उनतालीस देश इसके सदस्य हैं भारत इसका 2006 में पर्यवेक्षक बना लेकिन 2010 में इसका चौंतीसवां सदस्य बन जाता है इसमें भारत को काले धन तथा आतंकवादियों की गतिविधियों को चलाने के लिए पैसे के मुद्दे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल गया था या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि भारत को काले धन तथा आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिल गया था और ये बहुत अच्छा मौका था क्योंकि होता क्या है कि मोदी जी ने इसका बहुत लाभ उठाया लेकिन इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो मोहन मोहन थे मतलब बोलते तो थे लेकिन मन में ही बोलते थे मन मोहन यानी कि मन में ही बोलते रहते थे तो कोई सुन नहीं पाया था उन्होंने भी टेरर के खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठाई इस मंच पर लेकिन वो मन ही मन बोलते रहते तो सुन नहीं पाया था चलिए आगे बात करते हैं एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ए ठीक 1966 में बनी एशियाई विकास बैंक उनहत्तर देशों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी या कहें सहभागिता वाली एक संस्था है इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय मनीला में है जो कि फिलीपींस में पड़ता है यहाँ पर आपको दिख जाएगा फिलीपींस और यहाँ पर दिख जाएगा आपको मनीला ठीक है भारत भी इसका एक क्या है संस्थापक सदस्य रहा है एशियाई विकास बैंक तथा प्रशांत क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए आर्थिक सामाजिक विकास करने में लगी हुई है ये जो आपकी विकास बैंक है ये क्या करती है प्रशांत प्रशांत क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए आर्थिक विकास करने में ये लगी हुई है इसकी इक्यावनवी बैठक मनीला में 2018 में की गई थी जबकि 2019 में बैठक जो थी वो कहां पर की गई थी फिजी में की गई फिर से बता दूं इसकी इक्यावनवीं बैठक मनीला में 2018 में की गई थी जबकि 2019 में जो बैठक थी वो कहां पर की गई थी फिजी में की गई थी इस समय भारत देश में एशियाई विकास बैंक की सहायता से सत्ताईस परियोजनाएं तथा उनचास से अधिक तकनीकी परियोजनाएं चल रही है। फिर से बोलता हूँ कि एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी सहायता से भारत में सत्ताइस परियोजनाएं तथा उनचास से अधिक तकनीकी परियोजनाएं चल रही हैं ठीक है चलिए एशियाई विकास बैंक के कार्य देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए ऋण तथा इक्विटी निवेश की व्यवस्था करवाना विकास परियोजनाओं और कार्यक्रम परामर्श सेवाओं को विकसित करना और उन्हें लागू करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना ये कुछ इसके प्रमुख कार्य हैं चलिए आगे बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर ये ब्रिक्स क्या है पहले ये ब्रिक हुआ करता था लेकिन बाद में ये क्या था कि ब्रिक से थोड़ी फीलिंग कम आ रही थी तो इसको ब्रिक्स कर दिया चलिए 2009 में चार देशों ने मिलकर ब्रिक नाम से एक संगठन की शुरुआत की ठीक है इन चारों देशों की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील है, हैं इसमें ब्रिक मैं फिर से बोल दूँ दो में चार देशों ने मिलकर ब्रिक नाम के एक संगठन की शुरुआत की और इन चारों देशों की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील हैं इसमें ब्रिक बराबर अगर देखा जाए तो वी बराबर आपका ब्राज़ील आर बराबर रसिया ठीक है आ, आई बराबर ये आपका दिख जाएगा आई बराबर यहाँ पर दिख जाएगा जो है वो है इंडिया और सी बराबर जो दिख जाएगा वो है बुक सी बराबर दिख जाएगा यहाँ पर आपका चाइना होता क्या है कि ये पांच चार देश थे इसके बाद इसे ब्रिक कहा गया लेकिन इसके बाद जब इसकी ब्राजीलिया में दूसरा जब इसका सम्मेलन होता है मैं फिर से बता दूं इसकी स्थापना कब होता है 2009 में 2009 में इसका पहला सम्मेलन होता है इसका दूसरा सम्मेलन जो होता है 2010 में ब्राजीलिया में होता है और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाता है इसके बाद जो ब्रिक होता है वह ब्रिक्स कहा जाने लगा ठीक तो इसके बाद एस जो शब्द था वो किसके लिए हो जाता है साउथ अफ्रीका के लिए ठीक है तो इसका पहला शिखर सम्मेलन एकाते रे वर्ग रूस में किया गया था बहुत खतरनाक नाम है एकाते का रे वर्ग में किया गया था कहाँ पर था ये रूस में पड़ता है वृक्ष का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करना है इसको आर फाइव भी कहा जाता है क्योंकि इन पांचों देशों की जो मुद्राएं हैं वो आर से शुरू होती हैं तो ये आर से कौन कौन सी है वो आपको बताना होगा ब्रिक्स का दसवां शिखर सम्मेलन जोहान्स वर्ग में हुआ था 2018 को और इसका ब्रिक्स में ग्यारहवा शिखर सम्मेलन 13 से 14 नवंबर को 2019 को ब्राजील ब्राजीलिया में हुआ था ठीक है तो दो हजार बीस वाला जब आएगा तो मैं क्लियर करा दूंगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ठीक है ब्रिक्स बैंक भी इसको कहा जाता है या नई विकास बैंक भी इसको कह सकते हैं तो इस बैंक को पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से जाना जाता है यानी कि पहले इसको ब्रिक्स बैंक कहा जाता था जो कि एक इसका एक अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल नाम था इस बैंक की स्थापना जुलाई 2014 के पोर्टा लेजा घोषणा में इस बैंक की स्थापना हुई और इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया इस बैंक का शुभारंभ साथ में ब्रिक के साथ में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में हुई थी इस बैंक की शुरुआत 100 अरब डॉलर की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी जो कि पांच देशों के हिस्से में बराबर बराबर आएगी या फिर पांचों मिलकर जमा करेंगे लेकिन फिर भी आपकी इसमें अगर बात की जाए तो चीन ने सबसे ज्यादा इसमें जमा किए हैं क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो जमा करने में कता नहीं है ये तो आपको पता ही होगा चलिए इसका मुख्यालय संघाई में बनाया गया है इस बैंक के लिए जुलाई 2014 में हस्ताक्षर तो हो गए थे लेकिन पूरी तरह से लागू 2015 में हुआ और उसके बाद बैंक ने 2016 में इसने काम करना शुरू किया था इसका मतलब यह है कि 2014 में क्या था ये हस्ताक्षर करते कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनेगी उसके बाद 2015 में ये पूरी तरह से लागू हो पाया और काम करना 2016 में शुरू किया इसके छः साल के लिए पहले अध्यक्ष के वी कामत को बनाया गया है यह बैंक विश्व बैंक तथा आई जैसी वित्तीय संस्था है इन दोनों के अलावा दूसरी सबसे बड़ी बैंक है दूसरी सबसे बड़ी बैंक क्यों क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक एक ही है एक तरह से ठीक है फिर से बोल दूं बेस्ट बैंक तथा आईएमएफ जैसी ये वित्तीय संता है इन बैंकों के अलावा दूसरी सबसे बड़ी यह बैंक है इससे पहले एशियन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ए की शुरुआत हो चुकी थी दोनों बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा जो है चीन का है ठीक है चलिए क्योंकि चीनी पापा है ना इन सभी का तो आई आई वो ए आई आई वी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये मैं डाल नहीं पाया लेकिन मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक सेकंड भी दे पाऊँ तो मैं सोच रहा हूँ इसे कंप्लीट कर दूँ भूल गया था मैं इसे करना ए आई आई वी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ठीक है ए आई वी वी की ए आई आई वी की स्थापना का प्रस्ताव चीन के द्वारा रखा गया था अक्टूबर दो हजार तेरह में इसके एक साल बाद इक्कीस एशियाई देश इसके संस्थापक सदस्य बने इसका गठन जून 2015 में कर दिया गया था इस समय इस समय पर भारत सहित सत्तावन देश हस्ताक्षर इस पर कर चुके हैं लेकिन इसके इस समय चौहत्तर देश जो हैं इसके सदस्य हैं जिसमें चवालीस जो हैं रीजनल हैं तीस नॉन रीजनल हैं और नॉन रीजनल बताना जो आसपास के नहीं हैं इसके नहीं है, ठीक है? हैं ठीक है छब्बीस प्रोस्पेक्टिव हैं ठीक है चलिए इसका चीन सबसे बड़ा शेयर धारक है जबकि भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा इसका शेयर धारक है ठीक है इसकी अधिगृत पूंजी जो थी सौ अरब होगी यानी डॉलर होगी जिसमें क्या था 75% परसेंट केवल एशियाई बैंकों के लिए ही होगा अन्य तथ्य इसके थोड़े से समझते हैं अध्यक्ष जो है इसके चीन के वित्त मंत्री लू जी वेई को ए आई आई बी परिषद का पहला चेयरमैन क्या बनाया गया है नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो पूर्व वित्त मंत्री जिन ली कुन को प्रेसिडेंट चुना गया है जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा संस्थापक भारत सहित सत्तावन देश हैं इसके ठीक है निवेश के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ऊर्जा शिक्षा स्वास्थ्य और परिवहन में ये निवेश करता है पूंजी की अगर बात की जाए सौ अरब अधिकृत पूंजी है पाँच अरब सब्सक्राइब पूंजी है इसकी ठीक है नेक्स्ट बात करें बैंक के बड़े हिस्सेदारों की बात करें तो चीन यहाँ पर नंबर वन पर भारत दूसरे नंबर पे और रूस जो है तीसरे नंबर पे वोटिंग का प्रतिशत की बात की जाए तो तीस परसेंट बोटिंग का भारत का है आठ परसेंट और इसका है छः परसेंट इतनी जानकारी काफ़ी है नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन ठीक है तो इस ढाका शिखर सम्मेलन के तहत उन्नीस में सार्क की स्थापना की गई थी इस समय सार्क देशों की संख्या की अगर बात की जाए तो आठ हैं अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान भारत मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका ठीक है इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है इसके वही उद्देश्य जो सभी के होते हैं तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा ठीक है सार की स्थापना के साथ साथ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा हर साल सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया गया था लेकिन कई कारणों से इन सार देशों का सम्मेलन हर साल नहीं हो पाता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सबसे अच्छा जो देश है शामिल है वो है पाक स्थान यानी कि सबसे पवित्र और सबसे पाक स्थान है वहाँ के कुछ बासिंदे वहाँ के कुछ रिश्तेदार भारत देश में भी रहते हैं जो कि वहाँ के गाते हैं आप लोगों को पता होगा तो ये है इस कार्ड से क्या रहता है यहाँ पर शांति बनी रहती है जब ज़्यादा शांति होती है तो ज़्यादा शांति के कारण यहाँ पर क्या नहीं हो पाता है कई सारे सम्मेलन हर साल नहीं हो पाते हैं चलिए साथियों बात करते हैं सापटा और साप्ता के बारे में ठीक है तो सापटा साप एस ए पी टी ए ठीक है साउथ एशियन प्रीफेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट ठीक है तो सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार में प्रशुल्क से जुड़े हुई परेशानियों को दूर करना तथा रियायती शुल्क प्रशुल्कों पर व्यापार करने के लिए साप्टा की क्या की गई थी स्थापना की गई थी इसके बाद दूसरा जो आता है वो है साप्टा यानी कि ये पा है और ये फाये साप्टा में है एस ए एफ टी ए ठीक है तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ठीक है इसको समझते हैं सो साप्टा जो था साप्टा जो था सात दिसंबर उन्नीस को पिचानवे को लागू हुआ था साप्टा के प्रक्रिया के अगले चरण के रूप में साप्टा लाया गया था ठीक है साप्टा को एक जनवरी 2006 में लागू कर दिया गया था साफ्टा का सबसे प्रमुख उद्देश्य मुक्त व्यापार से संबंधित बाधाओं को या परेशानियों को दूर करना है इसके साथ सभी सदस्य जो देश थे बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है इस समझौते को सभी देशों को बराबर लाभ के सिद्धांत पर लाया गया था इसके तहत नेपाल भूटान बांग्लादेश मालदीव जैसे कम विकसित देशों को प्रशुल्क दरों में क्या की जाएंगी छूटें दी जाएंगी मैं फिर से बता दूँ तो यहाँ पर क्या मैंने बताया यहाँ पर आपका आ जाता है नेपाल उसके बाद आ जाता है ये है भूटान उसके बाद आ जाता है बांग्लादेश उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मालदीव तो ये कुछ न, न, कम विकसित जो देश हैं इनमें क्या किया जाएगा शुल्क दरें जो हैं इन्हें विशेष छूट दी जाएंगी ठीक है इसके बाद बात आती है साप्टा के तहत भारत पाकिस्तान श्रीलंका जैसे थोड़े से विकसित देशों को एक जनवरी दो तक क्या कर दिया गया अपना सीमा शुल्क घटाकर जीरो से फाइव तक करना था अन्य सभी देशों ने एक जनवरी दो तक का समय दिया था प्रशुल्क को या कहीं जो शुल्क थे उसको कम करने के लिए किसी कम व्यक्ति जिसको अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई थोड़े से ज़्यादा विकसित देश करेंगे लेकिन कुछ ऐसे संवेदनशील उत्पाद हैं जिनके ऊपर शुल्क की कटौती समझौता लागू नहीं होगा यानी मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जो कि भारत देश में बहुत अच्छा खासा व्यापार होता है उसके बाद भी कोई दूसरा देश कहता है भाई साहब इसको क्या कर लो इस पर शुल्क जो है कम कर लो भाई साहब भारत में भी जब उसी माल का व्यापार बहुत अच्छा खासा होता है बहुत अच्छा खासा उसका उत्पादन होता है तो हम दूसरे देश से काय मंगवाएंगे तो इससे क्या रहेगा पड़ोसी देश क्या कर देगा जब कोई छू उस पर वो नहीं फिर शुल्क मतलब जो कोई ज़्यादा शुल्क नहीं लगेगा तो भारत देश में क्या करेगा दिक्कतें पैदा करेगा इसलिए क्या है कुछ ऐसी माल हैं संवेदनशील उत्पाद हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको इसके तहत क्या नहीं किया जाएगा लागू नहीं किया जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं चलिए साथियों बात कर लेते हैं आसियान के बारे में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन नेशन ठीक है तो 8 अगस्त उन्नीस में दक्षिण पूर्व एशिया के पांच देशों मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया फिलीपींस तथा थाईलैंड के यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सफलता से प्रभावित होकर आसियान की स्थापना की थी इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक विकास की गति को क्या करना था तेज करना था इसके साथ ही साथ ही इस क्षेत्र के जो भी इसके देश हैं क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता को क्या करना था कायम करना था और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक विरासत को कायम रखना था उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी का क्या करना था आदान प्रदान करना था इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में है या फिर इसका केंद्रीय सचिवालय भी सचिवालय भी इसको कह सकते हैं और जकार्ता आपका कहाँ पर है इंडोनेशिया में पड़ता था, है ठीक है आसियान के महासचिव सचिव का जो कार्यकाल होता है वो दो साल का होता है आसियान के इस समय दस सदस्य जो हैं देश हैं देश जो हैं इसके क्या हैं सदस्य हैं जैसे कि आपका ब्रूने ही देख जाएगा कोलंबिया इंडोनेशिया लाओस, मलेशिया म्यांमार फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम ठीक है, है? म्यांमार थाईलैंड कोलम कम्बोडिया सिंगापुर इंडोनेशिया ठीक है इस तरह से यहाँ पर देख जाएंगे जो कि दस देश हैं दो यहाँ पर प्रेक्षक देश भी हैं पपू अन योगी ठीक चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात करते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ठीक है या यूरोपीय समुदाय या यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन इसको हम कह सकते हैं ठीक है तो ईयू तथा ईईसी की स्थापना उन्नीस में रोम की संधि के तहत फ्रांस जर्मनी इटली बेल्जियम और लक्जमबर्ग तथा नीदरलैंड जैसे देशों के द्वारा की गई थी शुरू में इसमें सिर्फ छः सदस्य थे जो बाद में बढ़ा दिए गए और आज इसमें अट्ठाईस देश शामिल कर लिए गए हैं शुरू में इसको समुदाय कहा जाता था लेकिन बाद में इसे संघ कहा जाने लगा यूरोपीय समुदाय का प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं पूंजी तथा श्रम के खुले रूप में क्या करना था आवागमन में आने वाली रुकावटों को खत्म करना था साथ ही कृषि तथा परिवहन के क्षेत्र में क्या था समान नीतियाँ बनाना था इसके अलावा बाहरी व्यापारिक नीतियों को भी इसका बनाने का प्रमुख उद्देश्य था यूरो थोड़ा सा देख लेते हैं यूरो क्या है तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यानी कि जो भी यूरोपीय संघ है उसमें जितने भी देश शामिल हैं उसके लिए क्या किया गया है एक मुद्रा बनाई गई जिसको कहते हैं यूरो ठीक 28 देशों में क्या है 28 देशों में से 19 देशों ने यूरो को अपना लिया है जिसमें से बाकी के देश हैं आने वाले समय में या तो अपना लेंगे या फिर नहीं अपनाएंगे ये बात की बात है समझ रहे ना तो यहाँ पर इस समय अगर बात करें तो ब्रिटेन भी इसमें शामिल है ठीक है चलिए बात करते हैं क्या है ब्रेक्जिट तो का यूरोपीय में तेज जून उन्नीस दो हजार सोलह को यूएसए अलग होने के लिए जनमत संग्रह करवाया गया था और इसके तहत ब्रिटेन का यूए से निकल जाने के लिए इक्यावन पॉइंट वोट पड़े थे इसके बाद अक्टूबर दो को संसद में वोटिंग करवाई गई और इसके तहत तीन बाईस सपोर्ट में तथा 306 के खिलाफ वोटिंग हुई थी था, इसके तहत 30 अक्टूबर 2019 तक ब्रिटेन यूए से निकल जाएगा लेकिन ऐसा तय कर लिया गया था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया तो हुआ क्या कि चुनावी ये मुद्दा बन जाता है क्योंकि चुनाव चल रहे होते हैं इस समय चुनाव का टाइम जो था वो आ जाते हैं तो होता क्या है कि जब चुनावी मुद्दे जानते हो तो आप जानते हैं जैसे राम मंदिर चुनावी मुद्दा बन के रह गया था तो हर पार्टी आती थी और आखिर में वो क्या करती थी उसका चूरन चटनी खाने के चक्कर में उसको कभी बनने ही नहीं दिया क्योंकि बहुत सी सरकारें सोचती थी कि मुसलमानों को वोट चाहिए उन्हें इस्तेमाल करना है बहुत सी सोचती थी कि हिंदू के वोट चाहिए तो ऐसे करके वो इस्तेमाल कराती रहती है लड़ाती रहती थी इसी तरह जो ब्रेग्जिट वाली कहानी थी वो चुनावी मुद्दा बन जाता है तो अभी इसका कोई खास इसका निर्णय हो नहीं पाया लेकिन उम्मीद ये है कि इकतीस जनवरी तक तो ब्रेगजिट जो है सफल हो जाएगा तो उम्मीद है देखते हैं इकतीस जनवरी या फिर आने वाले समय में क्या होता है ये ब्रैगजिट से निकल पाएगा लेकिन जो आधिकारिक रूप से तो ये हो जाता है कि ये निकल जाएगा ठीक है यहाँ पर मैंने लिख दिया अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं लेकिन ध्यान रहे ब्रैगजेट से एक बार निकलने के बाद फिर ये दोबारा आ नहीं पाएगा तो काफ़ी सोच समझ के करना पड़ेगा क्योंकि जब यहाँ पे वन वे टिकट होती है चलिए साथियों बात करते हैं जनसंख्या और गरीब गरीबी और बेरोजगारी के बारे में तो ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए मैंने तीनों को एक साथ बोल दिया लेकिन हम लोग इसके बारे में अलग अलग करके बात करेंगे सबसे पहले गरीबी के बारे में उसके बाद बेरोजगारी के बारे में जनसंख्या के बारे में अभी स्किप कर दूंगा आने वाले समय में एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा उसमें जनसंख्या के बारे में अलग से बता दूंगा इसमें मैं जनसंख्या को ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि जनसंख्या का जो जनगणना वाला टॉपिक आएगा ना उसके बारे में हम अलग से जानेंगे इकोनॉमिक के आधार पर जनसंख्या के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं पॉवर्टी या निर्धनता या गरीबी के बारे में तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्धनता या गरीबी कहां किसे जाता है तो देखते हैं ठीक तो तो गरीव है तो निर्धनता या पॉवर्टी या गरीबी तो गरीबी या गरीब किसको गरीबी या निर्धनता कहते किसको को है तो गरीबी का मतलब उस सामाजिक क्रिया तो होता है जिसमें समाज का एक भाग या एक वर्ग अपने जीवन की आधारभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति को हम गरीबी या कहें निर्धनता कहते हैं मैं फिर से बता दू कि मान लीजिए कोई वर्ग है या कोई व्यक्ति है या कोई परिवार है वो क्या करता है अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तो वह निर्धनता में ऐसा हुआ माना जाएगा या उसको हम गरीब कहेंगे तो भैया ये आधारभूत जरूरतें होती क्या हैं तो आधारभूत जरूरतें हो गई आपकी अच्छा पानी हो गया अच्छी इन, साफ हवा हो गई आपका एक छोटा सा मकान हो गया आपको खाने की व्यवस्था हो गई आपको स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई आपकी शिक्षा की व्यवस्था हो गई इस तरह की कुछ आधारभूत होती हैं सीधे शब्दों में कहें तो रोटी कपड़ा और मकान तो होना ही चाहिए साथ में कभी कभी क्या होना चाहिए हमारा कभी कभी हमें अच्छी सुख सुविधाएं मिलें जिसमें शिक्षा आ जाती है स्वास्थ्य हो जाता है आपका एक छोटा सा घर हो जाता है इस तरह की कुछ सुविधाएं मिलें तो वो आपकी आधारभूत हो जाती हैं क्योंकि आप आधारभूत का मतलब है कि बे सारी सुख सुविधाएं जो आम व्यक्ति को बहुत ही जरूरी होती हैं उनको हम आधारभूत जरूरतें कह देते हैं चाहे फिर वो कुछ भी हो सकता है ठीक है तो आपने ये तो है नहीं कि भाई साहब हम फाइव स्टार होटल में खाना खाएंगे नहीं हमको एक सिंपल सा खाना मिल जाए शाम को हम जाएँ तो हमारा पेट जो है तृप्त हो जाए दो चार रोटियाँ मिल जाए बस हम उसी में ही संतुष्ट हैं फाइव स्टार की बात नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं एक सामान्य स्तर का भोजन एक सामान्य स्तर का स्वास्थ्य सुविधा एक सामान्य स्तर के मकान की बात एक सामान्य स्तर के क्षेत्र की बात यानी कि पर्यावरण भी तो होना चाहिए पता चले कि मकान तो दिलवा दिया लेकिन उधर कूड़ा घर में दिलवा दिया तो ये थोड़ी ना मतलब एक आम व्यक्ति रहना चाहता है मतलब एक मनुष्य रहना चाहता है इस तरह से जानवरों वाले एरिया में नहीं ठीक है तो इस तरह की जरूरतों से जो छूटा रहता है उसको हम निर्धनता में फंसा हुआ व्यक्ति कह सकते हैं चलिए ठीक है तो भारत में गरीबों की श्रेणियों को देख लेते हैं किस तरह से गरीबियों गरीबों की श्रेणियां हैं भारत में तो अठारह के नोबल पुरस्कार विजेता अमर सेन ने कहा था कि गरीबी केवल आय से संबंधित नहीं होती बल्कि गरीबी एक बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल समस्या होती है तो कोई भी गरीब कोई भी गरीब न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित होता है जो कि केवल निर्वाह स्तर पर अपना गुजारा करता है तो उसको क्या कह देते हैं हम गरीब कहते हैं तो इन दोनों बातों से एक बात साफ हो जाती है कि अर्थव्यवस्था का जब कम विकास हुआ हो और साथ ही अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय होती है उसका क्या है असमान वितरण हो तो गरीबी की स्थिति पैदा हो जाती है आय के आसमान वितरण से क्या होता है गरीबी पैदा होती है आय का का वितरण मतलब यह है राष्ट्रीय आय का का वितरण मतलब यह है कि किसी के पास सौ रुपए हैं तो किसी के पास पांच रुपए भी नहीं है किसी के पास दस हजार है तो किसी के पास दो तो हजार भी नहीं है तो इस तरह का आय का जो वितरण है वो असमान रूप से होना क्या कहलाता है आपका क्या पैदा करता है आपका गरीबी की स्थिति को पैदा करता है क्योंकि आपका मतलब है कि आपके परिवार में दस लोग हैं तो आप कोशिश करेंगे कि सबकी जरूरतों को पूरा करें तो किसी को पचास रुपए की जरूरत है तो उसको पचास रुपए दें किसी को सौ रुपए की जरूरत है तो किसी को सौ रुपए दिए जाए किसी को दो रुपए की जरूरत है तो उसको दो रुपए दिए जाए तो यह क्या कहलाएगा यह समान वितरण कहलाएगा समझ रहा है ना सामान का मतलब जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना मिल रहा है अब हमारा लोंडा है सौ ग्राम का है यानी कि दो साल का है तो अब हम उसको क्या करेंगे चिकन तंदूरी या चिकन बिरयानी खिलाएंगे नहीं वो तो अभी दूध पीता है ना तो दूध की उसकी जरूरत है उतना ही काफ़ी है ये तो है ना कि हम उसको दस हज़ार रुपये पर डे देंगे ऐसा तो नहीं वो कहेगा भाई साहब हमको दस रुपये का दस हज़ार का फोन चाहिए ऐसा नहीं जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना मिलना चाहिए तो ये उसकी आधारभूत ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो यही बात बात कर रहा हूँ कि जहां पर क्या है कि किसी को दो रुपये की भी जरूरत नहीं है उसको क्या है अर्थव्यवस्था के रूप में उसके पास कितना पैसा पहुंच रहा है अरबों खरबों पहुंच रहे हैं इस तरह की चीजें है ना चलिए तो बात करते हैं आगे भारत में गरीबों की श्रेणियों की देखते हैं सबसे पहला गरीब की श्रेणी देखते हैं हमेशा गरीब या ऑलवेज पुअर तो वे लोग जो हमेशा गरीब बने रहते हैं जिनके पास विचारों के पास हमेशा खाने के लाले पड़े रहते हैं कभी कोई बीमार पड़ता है तो उसके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती कभी उसका कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता है कभी भी उनके पास विचारों के मकान नहीं, नहीं होता तो वो बेचारे हमेशा कहलाते हैं हमेशा गरीब या ऑलवेज पुअर दूसरी श्रेणी देखते हैं सामान्य गरीब या यूजअली पुअर तो वे लोग जिनके पास कभी कभी पैसा आ जाता है तो ऐसे लोग सामान्य गरीब कहलाते हैं हैं ये जाते जाते खड़ा रहता हूँ एक चौराया होता है जहां पर मजदूरों को लिया जाता है शहर में याद हो तो आप याद कर सकते हैं वहां पर क्या है कुछ लोग गरीब बेचारे चले जाते हैं और वहां पर खड़े हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई हमें बुलाए और हम उनके घर पर काम करने जाए या फिर किसी का घर बन रहा होता है तो कहते हैं कि वैसा जाना चौराहे से मज़दूर ले आना तो वहाँ से जाएंगे चौराहे से क्या करेंगे लेबर ले आएंगे वहाँ आठ नौ बजे तक का इंतजार करेंगे अगर आठ नौ दस बजे तक का जो टाइम होता है वहाँ तक क्या होता है वहाँ तक उ, उ, उन तक कोई नहीं उनको ले जाता है तो भी कुछ बेचारे गरीब होते हैं वो बैठे रहते हैं शायद बारह बजे भी कोई शायद इंतजार ही कर रहा हो शायद कोई मुझे ले जाता तो हो ऐसे करके हो जाता है तो इस तरह के जो होते हैं अनियमित वर्कर्स या अनियमित अनियमित जो मजदूर होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं सामान्य गरीब में आ जाते हैं तो हमेशा गरीब और सामान्य गरीब को मिलाकर एक और वर्ग बन जाता है जिसको चिरकाले काले गरीबी या निर्धन या क्रॉनिक पुअर भी कहा जाता है ठीक है इसके बाद तीसरी श्रेणी देखते हैं इन दोनों के अलावा यानी कि हमेशा गरीब और सामान्य गरीब के अलावा एक ऐसा भी वर्ग होता है जो निर्धन तथा गैर निर्धन के बीच में आता है यानी कि गरीब और अमीर के बीच में आता है उसको कभी कभी निर्धन यानी अकेश अकेश नली पुअर कहते हैं जैसे कि छोटे किसान हो गए छोटे मजदूर हो गए मौसमी मजदूर हो गए आपके और भी व्यवस्था सारे लोग इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वैसे यहाँ पर अगर हम छोटे किसान का ले तो किसान क्या होते हैं जो गरीब किसान होते हैं वो क्या करते हैं बेचारे उनका सीजनल जो होता है ना जब मान लीजिए इस टाइम पे क्या करते हैं वो आपका उनका जैसे गेहूं का फसल इस टाइम पे जैसे बुआई मान लीजिए हो चुकी है होने के बाद जनवरी फरवरी में उनका फिर आगे टाइम आएगा फिर मार्च अप्रैल मई मार्च अप्रैल मई के टाइम पे क्या होगा वो कटाई टाई होनी शुरू हो जाएगी जब उनकी कटाई होगी तो उनके पास क्या आता है फसल आती है जब फसल आती है तो उनके पास बहुत सारा पैसा आता है बहुत सारा पैसा आता है उसके बाद वो कुछ टाइम तक क्या करते हैं उसको खाते पीते हैं उसमें से कुछ अनाज को बेच लेते हैं बेचने के बाद वो सारा अनाज जब खत्म हो तो वे बेचारे क्या हो जाते हैं गरीब हो जाते हैं फिर वो बेचारे क्या करते हैं इधर उधर भटकते हैं किसी दूसरे के खेत में काम करेंगे छोटे किसानों के साथ होता है या फिर मान लीजिए मौसमी मजदूर होते हैं मौसमी मजदूर होते हैं जैसे कोई ऐसी सीजन होती है जिसमें क्या करते हैं उनको ही उन्हीं मज़दूरों की जरूरत पड़ती है जैसे कभी कभी आपने देखे होंगे सालक का टाइम होता है तो सालक के टाइम पे जो होता है ना वो 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 देखें ना शादी ब्याह के टाइम पे होता है तो शादी ब्याह का कुछ सीजन होते हैं तो सीजन होते हैं ना उस टाइम पर क्या होते हैं उन बेचारों को जरूरत पड़ती है या फिर मान लीजिए बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम के टाइम पर क्या होता है जो मिस्त्री वगैरह होते हैं ना उसके साथ जो लेबर काम करती है तो उसमें क्या होता है कुछ लोगों को वो काम आता है तो बरसात के टाइम पे आप भाई का मकान तो बन नहीं रहा होगा किसी का तो बरसात के टाइम पर क्या होता है उन बिचारों को काम नहीं मिलता है तो इस तरह की कुछ घटनाएं हो सकती हैं और भी कई सारे तो पैसा रहता है। कभी -कभी हैं।, भी हैं ठीक है लेकिन अल्पकालिक वर्ग होता है जिनके पास हमेशा पैसा बना रहता है उनको हम अमीर कह देते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो चलिए साथियों बात कर लेते हैं गरीबी का वर्गीकरण थोड़ा सा देख लेते हैं गरीबों का तो देख लिया थोड़ा सा गरीबी का वर्गीकरण देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो गरीबी है उसको हम कह सकते हैं गरीबी को दो भागों में बांट सकते हैं सबसे पहला जो है निरपेक्ष गरीबी यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी ठीक है तो इसके तहत क्या होता है उच्च आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के बीच में क्या की जाती है तुलना की जाती है साथ ही साथ अलग वर्गों के बीच क्या होती है विषमता हमें यहां पर पर ज्ञात हो जाती है है मैं फिर से बता दूं, यहां पर क्या होता है? जो निरपेक्ष गरीबी होती है रिलेटिव होती है है इसमें क्या कर लिया जाता एक तो ले लिया जाता है बहुत आ, उच्च आय वाला यानी कि एक पक्ष रखा जाता है बहुत उच्च आय वाला और दूसरा रखा जाता है निम्न आय वाला तो इसमें क्या किया जाता है दोनों के बीच में अंतर निकाला जाता है कि गरीबी का जो अंतर है वो कितना है तो इसको कहते हैं निरपेक्ष गरीबी तो क्लियर करते मैंने क्या बताया इसके तहत उच्च आय वर्ग तथा आय वर्ग के बीच तुलना की जाती है साथ ही अलग-अलग अलग-अलग आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है इसको निकाला जाता है इसको मापने के लिए गिनी गुणांक तथा लॉरेंस वक्र के माध्यम से इसको मापा जाता है तो हम अभी क्लियर करेंगे कि ये गिनी गुणांक तथा लॉरेंस वक्र होता क्या है तो इसका प्रयोग विकसित देशों में किया जाता है क्योंकि यहां पर उपयुक्त होगी अब विकसित देशों में है लाभदायक नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि भाई साहब जो विकसित देश होते हैं वहां पर क्या होता है सबका विकास हो चुका होता है तो वहां पर क्या होता है या तो बहुत अधिक पैसे वाला होता है या फिर गरीब होता है वहां पर क्या होता है मध्यम वाला जो सिस्टम होता है वो नहीं होता है यानी कि या तो बिल्कुल पैसा नहीं होगा या फिर बहुत अधिक पैसा होगा इस तरह का होता है क्योंकि विकासशील देशों में क्या होता है या तो थोड़ा बिल्कुल गरीब होगा फिर उससे भी गरीब होगा फिर क्या होगा एक और थोड़ा सा कम गरीब होगा फिर और कम गरीब होगा फिर मध्यम में आ जाएगा फिर उससे थोड़ा और अमीर हो जाएगा फिर और अमीर फिर बहुत पैसे वाले इस तरह से प्रक्रिया चलती है तो विकसित देशों में ये व्यवस्था नहीं होती या तो बहुत गरीब होता है या फिर बहुत अमीर हो जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं लॉरेंस बकर यहाँ लॉरेंस कर्व तो ये होता क्या है इसके द्वारा किसी देश के लोगों के बीच की आय की जो विषमता है उसको ज्ञात किया जाता है और इस वक्र का हर बिंदु उन व्यक्तियों को दिखाता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के क्या होते हैं नीचे होते हैं लॉरेंस वक्र में आय में कितन लॉरेंस लॉरेंस जो होता है है आय में को दिखाता इसलिए निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर होता है उतनी अधिक आय में क्या होती है विषमता होती है वही निरपेक्ष समता रेखा से जितनी पास होगी उतनी ही कम आय में क्या होगी इतनी ही कम आय में क्या होगी विषमता होगी उतनी ही कम आय में क्या होगी विषमता होगी तो अब इसको मैं हल्का था बता दूँ मैंने क्या बताया ये है आपकी सीधी लाइन जाती है ये है परफेक्ट दिखाता है यानी कि सबको क्या दिखाता है ये समानता दिखाता है यानी कि ये जो लॉरेंस कर्व है अगर ये इसके पास होता है यहाँ पर यहाँ सीधा रहता है तो क्या होगा सबके पास समान पैसा है लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाता है कभी किसी के कर्व पास कम तो कभी किसी के पास तो यहाँ क्या होगा इससे अगर दूर जा रहा है ये जो कर्व है ना ये टेढ़ी जो लाइन है ये इससे दूर जा रहा है और नीचे आता है और नीचे आता है और नीचे आता है और नीचे आता है अगर बिल्कुल नीचे ऐसे सट जाता है तो ये कहला आता है असमानता पूरी तरह से यानि कि एक तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे और एक कम पैसे बिल्कुल गरीब हो जाएंगे तो यह बहुत अधिक असमानता दिखाता है असमानता मतलब एक के पास करोड़ रुपया हो रहा है और जो दूसरा वाला जो गरीब है वह दस रुपए में गुजारा कर रहा है तो इस तरह से बहुत ज्यादा असमानता दिखाता है और कम असमानता का मतलब है कि एक के बाद एक करोड़ रुपया है तो दूसरे के पास क्या है तीस लाख है तो क्या है ज्यादा अंतर नहीं है यानी कि तीस लाख और एक करोड़ में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता सत्तर लाख का अंतर होता है लेकिन दस रुपए में और एक करोड़ में बहुत अंतर होता है समझ रहे हैं ना चलिए दूसरा देखते हैं दूसरा जो मैंने बताया था गिनी गुणांक क्या होता है तो यह लॉरेंस बकर तथा निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल और काल्पनिक समता रेखा के बीच पूरे क्षेत्रफल के अनुपात को दिखाता है तो मैं अभी यहाँ पर क्लियर करूंगा कि ये किस तरह से यहाँ से लेकर ये पूरे यहाँ से लेकर ये पूरा जो क्षेत्रफल होता है इसके अनुपात को दिखाता है यह पूरा जो क्षेत्र होता है इसके अनुपात को दिखाता हूँ मैं क्लिक करूंगा ठीक है मैं पर से बोल दू लॉरेंस वक्र तो लॉरेंस वक्र कौन सा हो गया ये जो टेढ़ी सी लाइन है ये कहलाता है लॉरेंस वक्र यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये लॉरेंस वक्र ये आपको दिख जाएगा लॉरेंस वक्र ये पर दिख जाएगा ये लॉरेंस वक्र ये यहाँ पर दिख जाएगा लॉरेंस वक्र ठीक है तो लॉरेंस वक्र तथा निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल और काल्पनिक समता रेखा के नीचे पूरे क्षेत्रफल के अनुपात को क्या दिखाता है ये गिनी गुणांक दिखाता है जिसको एक और जीरो के बीच में रखा जाता है यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ पर अगर है तो ये जो लाइन है ये वाली जो रेड वाली है ना ये बिल्कुल यहाँ पर सट गई है तो यहाँ पर एक बराबर क्या हो गया जीरो हो गया यानी कि यहाँ पर ना तो किसी के पास पैसा ज़्यादा है ना ही किसी के पास कम है यानी कि सबके पास समान रूप से है लेकिन जो रेड वाली है यानी कि जो बक्र है वो क्या है इस समता रेखा से जब दूर जाता है तो यहाँ पर ये जो ये वाली जो यहाँ पर है ये यहाँ पर लाइन आ गई तो क्या हो गया यहाँ पर क्या आ रहा है एक तो आ रहा है दो और दूसरा आ रहा है क्या जीरो ठीक है उसके बाद ये वाली जो लाइन है फिर यहां पर आ जाती है ठीक है रेड वाली तो यहां पर क्या है एक तो दिखा रहा है तीन और दूसरा दिखा रहा है दो मान लीजिए उसके बाद यहां पर आ जाता है तो एक तो बिल्कुल आ जाता है तो क्या दिखाता है बहुत अधिक असमानता को दिखाता है जिसको मैं आगे क्लियर करूंगा और भी डिटेल में आपको समझाऊंगा ठीक है तो मैंने क्या बताया जिसका जीरो और बीच के बीच जीरो और एक के बीच में होता है अगर विषमता अधिक है तो इसका मान कितना होगा एक होगा मैं फिर से बता दूं अगर विषमता बहुत अधिक है तो इसका मान कितना होगा एक होगा यहां पर क्या है विषमता बहुत अधिक है इसलिए मान कितना हो रहा है एक हो रहा है और जब विषमता बिल्कुल न के बराबर है तो कितना हो जाएगा तो उसका मान जीरो बहुत तो अधिक है और यहाँ पर विषमता कितनी है न के बराबर क्योंकि बिल्कुल इससे सट रही है ना और यहां पर रेड वाली लाइन क्या है बिल्कुल नीचे ये ऊपर कहा राजा भोज और ये कहा गंगू तेली तो ये राजा भोज है ये गंगू तेली यहां पर क्या है गंगू तेली और राजा भोज दोनों एक साथ आ रहे यहां पर गंगूतेली जो है यहां पर आ गए और राजा भोज यहां पर आ गए यहाँ पर क्या है कि राजा भोज यहां पर गंगूतेली और नीचे आ गए तो इस तरह से कहानी आती है ठीक है समझ में आ गया अगर मान एक है तो क्या होगा बहुत अधिक विषमता होगी यानी कि आय में क्या होगी आय में क्या होगी बहुत ज़्यादा असमता होगी असमानता होगी जिसका मतलब एक के पास एक करोड़ रुपया है तो दूसरे के पास कितना है दस करोड़ रुपया है इसके बाद यहाँ पर बात आती है तो असमानता क्या है बहुत न के बराबर या बिल्कुल नहीं होगी यानी कि किसी के पास अगर एक करोड़ हो तो दूसरा वाला जो पश्य होगा उसके पास कितना हो जाएगा निन्यानवे लाख हो जाएगा या कहें पूरा एक करोड़ ही हो जाएगा समझ रहे हैं चलिए तो देखते हैं आगे यू के अनुसार वर्तमान में पूरी दुनिया का जो गिनी गुणांक है वो कितना है जीरो है कितना है जीरो है क्या गिनी गुणांक और भारत का अगर गिनी गुणांक गिनी की बात की जाए तो भारत का जो गिनी गुणांक है जीरो पॉइंट थ्री सेवन से लेकर फोर पॉइंट जीरो पॉइंट फोर टू के बीच में है इतनी जानकारी काफी है आगे मैं क्लियर करूंगा और भी चलिए अब बातें सापेक्ष गरीबी देख लें निरपेक्षा आपने गरीबी देख ली अब सापेक्ष गरीबी को देखते हैं इसके लिए एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय है किया जाता है कि मानव अपनी आका है मनुष्य आका है कोई भी इंसान अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में कितना समर्थ है जैसे कि आपका भोजन हो गया कपड़ा हो गया स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई इस तरह की कुछ सुविधाएं हैं जो कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है अब इन मापदंडों को पूरा कर पाता है तो वह गरीब और अमीर की श्रेणी में रखा जा सकता है किसको ये पूरी हो पाती है किसको नहीं हो पाती है जो इन सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाता है को गरीब कहा जाता है जो इन सुविधाओं को पूरा कर पाता है वो अमीर हो जाता है ठीक है या कहें गरीबी के चक्कर से बाहर आ जाता है तो इसके लिए एक मापदंड को आधार बनाया जाता है और उसके नीचे जाने पर व्यक्ति को क्या कहा जाता है गरीब कहा जाता है भारत में जैसे कम विकसित देशों के लिए गरीबी को मापने के लिए यह तरीका अधिक कारगर साबित होता है या कहें है तरीका सही रहता है मैं फिर से बता दू जो सापेक्ष गरीबी होती है वो विकसित देशों के लिए नहीं होती है बल्कि कैसे देशों के लिए होती है विकासशील देशों के लिए होती है यानी कि जो कम विकसित होते हैं या कहें जो विकास की राह पर अभी चल रहे हैं उनके लिए होती है, जो विकसित हो चुके हैं जिनके पास जो डेवलप्ड डब, अच्छा तो रोटी कपड़ा और, मकान और की तो कोई ही नहीं हो, क्योंकि, क्योंकि अमेरिका में ये कहा जाता है कि गरीब वही कहलाता है जिसके पास गाड़ी ना हो यानी कि गाड़ी मतलब फोर व्हीलर नहीं होती है तो वो गरीब कहलाता है तो भारत में कहेंगे भाई साहब तुम गरीब हो अगर तुम्हारे पास फोर व्हीलर नहीं है तो कहेंगे कि भाई साहब अब यार लपड़ मार के तुम्हें उधर गिरा देंगे भाई साहब हमारे पास खाने के नहीं है तुम तो गाड़ी की बात कर रहे हो समझ रहे बात को तो भारत जैसे देश के लिए हम बात करते हैं खाने की रोटी की कपड़े की मकान की स्वास्थ्य सुविधाओं की शिक्षा की इस तरह की सुविधाओं की हम बात करते हैं ठीक है क्योंकि भारत देश को ये जो जरूरतें हैं वही पूरी नहीं हो पाती हैं तो विकसित देशों के लिए कौन सी होती है निरपेक्ष गरीबी होती है जिसमें अमीर और गरीब के बीच में क्या होता है आय का अंतर देखा जाता है और इसमें क्या होता है सापेक्ष गरीबी क्या होती है विकसित देशों के लिए को कम विकसित देशों के लिए किससे मापा जाता है सापेक्ष गरीबी वाला जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है इसके तहत मापा जाता है ठीक है तो एक बार मैं फिर से रिपीट करा दूँ इसके लिए एक निश्चित मापदंड के आधार पर तय किया जाता है कि मानव अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में कितना समर्थ है समर्थ है अगर वह इन आधारभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तो क्या कहलाएगा गरीब कहलाएगा अगर पूरा कर लेता Sea, तो वो गरीब नहीं कहलाएगा ठीक है चलिए चलिए साथियों बात करते हैं हैं गरीबी गरीबी का का वर्गीकरण वर्गीकरण थोड़ा सा देखते तो निर्धनता को कैसे निर्धनता को मापने के लिए कई सारी विधियों का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं लेकिन इनमें से हम एक दो के बारे में कुछ प्रमुख उनके बारे में ही यहाँ पर बात करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहला जो है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर बात करेंगे वो है आपका न्यूनतम कैलोरी उपभोग ठीक है न्यूनतम कैलोरी उपभोग का मतलब कि एक निश्चित मात्रा तय कर दी है कि इतने कैलोरीसी कम अगर कोई उपभोग करता है तो उसको कह देंगे गरीब ठीक है तो आइए देखते हैं तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के माध्यम से मौद्रिक मान में प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करने के लिए इस विधि का क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है इसके इस इसके लिए क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाली व्यक्ति को 2100 कैलोरी से कम अगर मिलती है तो वो क्या कहलाता है गरीब कहलाता है मैं फिर से बता दूँ कि कैस गाँव में रहने वाला कोई व्यक्ति है अगर उसे चौबीस कैलोरी से कम अगर भोजन प्राप्त होता है तो वह गरीब हो जाएगा या गरीब कहलाएगा अगर शहरी क्षेत्र में अगर मान लीजिए शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति रहता है और वो क्या करता है इक्कीस सौ कैलोरी से कम अगर उपभोग करता है तो वो क्या कहलाएगा गरीब कहलाता है शहर के लिए कम इसलिए रखी गई क्योंकि शहर में ज़्यादा दौड़ भाग का काम नहीं होता लेकिन गाँव में क्या करते हैं लोग बेचारे दौड़ भाग का काम ज्यादा करते हैं जैसे कि आपका आपको देखा होगा कि खेतों में पैदल ही पैदल जाते हैं वहाँ स्कूटर जाने की और ट्र, ट्रक जाने की तो व्यवस्था होती नहीं अगर दो दो किलोमीटर तक खेत हैं तो वो सिर्फ पैदल ही व्यक्ति जाएगा इसलिए क्या करते हैं गाँव का यहाँ पर क्या है ज्यादा कैलोरी का किताब रखा गया ठीक है तो मैंने क्या बताया था कि इसमें इसके माध्यम से यानी कि न्यूनतम कैलोरी उपयोग के माध्यम से मौद्रिक मान में प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है इसमें क्या किया जाता है कैसे रखते हैं मान लीजिए चौबीस कैलोरी इस समय मान लीजिए दो हजार जैसे चल रहा है तो चौबीस कैलोरी कितने का आता है तो इतने का ही अंदा लगा लेते हैं तो उससे हम यह अंदा लगा लेंगे कि चौबीस सौ कैलोरी इतने बीस रुपए में अगर मिलता है तो इतने रुपए से कम का अगर कोई इतने रुपए से कम अगर कोई खर्च कर पाता है तो वो क्या कहलाएगा गरीब कहलाएगा तो ऐसे ही अंदाजा लगा लेते हैं तो आइए समझते हैं तो 2011 बारे में गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में आठ सौ हर महीने खर्च करने के रूप में शहरी क्षेत्र में एक हजार खर्च करने को बनाया था यानी कि शहरी क्षेत्र में क्या था कैलोरी की अगर रुपए की बात की जाए तो एक वहीं गांव की बात की जाए तो चौबीस कैलोरी और रुपए की बात की जाए गांव में तो आठ तो थे ठीक है तो अगर आठ से कम अगर एक महीने में रुपए खर्च करता है वह तो क्या कहलाएगा गरीब कहलाएगा गांव का व्यक्ति और शहर की अगर बात की जाए तो एक हजार रुपए से कम अगर वो खर्च करता है तो क्या हो जाएगा वह गरीब कहलाएगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए गरीबी मापने की नई विधि देख लेते हैं एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एकदम नए जमाने की है तो आइए समझते हैं तो यू ने गरीबी मापने के लिए नया मापदंड बनाया क्योंकि यू के के अनुसार या कहें यू का मानना है कि गरीबी सचमुच क्या है एक बहुआयामी संकल्पना है जिस तरह से अमर सेन ने बताया था कि गरीबी कोई एक आयामी नहीं है बल्कि बहुआयामी है इसमें सिर्फ खाने पीने की सुविधा या कहें सिर्फ रुपए से ही हम उसको गरीब और अमीर नहीं मान सकते बल्कि उसके लिए भी कुछ प्रमुख क्या होने चाहिए उसमें कुछ तत्व होने चाहिए तो उसको तत्व, तत्वों को देखते हैं तो मैंने क्या बताया इसको आय के आधार पर नहीं मानना चाहिए किसने माना यू एन डी पेन क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आय देकर उसको गरीब या फिर अमीर नहीं कहा जाता कहा जा सकता इससे गरीबों की वास्तविक परिभाषा नहीं पता चलती ठीक है किसी को दो चार पाँच रुपये दे दिए तो उससे गरीबों की वास्तविक जो परिभाषा है उससे सही से या कहें वास्तविकता उससे निकल कर सामने नहीं आ पाती है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यू की मानव विकास रिपोर्ट में गरीबी की स्थिति को माप करने के लिए मानव गरीबी सूचकांक या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का, का उपयोग उन्नीस से, से ही किया जाता था लेकिन अब गरीबी मापने का नया बहुआयामी गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल प्रॉवर्टी इंडेक्स 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया था इसमें कौन से मल्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है तो इसमें कौन कौन से तत्व रखे गए हैं तो मानव गरीबी गरीबी सूचकांक में तीन तत्वों को रखा गया है एक तो आ जाता है लंबी उम्र आ जाता है ज्ञान और तीसरा आ जाता है जीवन की उत्तम अवस्था ठीक है तो आपकी अगर लंबी उम्र है तो आप पता चलते हैं कि आपको लंबी उम्र मिल पा रही तो इसका मतलब है कि आपकी जो सारी सुविधाएं हैं वो पूरी हो पा रही हैं क्योंकि लंबी उम्र तो जब भी मिल पाएगी जब आप कभी बीमार पड़ते हो तो आपको क्या हो पाए तुरंत तो इलाज हो पाए अच्छी आपको खान पान हो अच्छा वे, वे, बढ़िया एकदम मकान में रहते हो ठीक है इसके बाद ज्ञान की बात की जाए अब अब भैया गरीबी तो आप जब नहीं रहेंगे जब आपके पास अच्छा ज्ञान हो ठीक है आप पढ़ लिख पा रहे हैं तो कुछ काम धंधा करते होंगे कुछ काम धंधा करते होंगे तो आप पैसे कमाते होंगे पैसे कमाते होंगे तो है अगर कभी बीमार पड़ते हैं तो आप क्या कर सकेंगे अपना इलाज भी करवा सकेंगे जीवन की उत्तम अवस्था ठीक है ये तीन हो गई ठीक है चलिए साथियों बात करते हैं भारत में गरीबी का अध्ययन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि भारत में गरीबी का अध्ययन किसके द्वारा किया गया इसका इतिहास वगैरह के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे ले ले ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में गरीबी का अध्ययन कैसे किया जाता है और कौन कौन से तथ्य हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है यानी कि लोगों के द्वारा पढ़ाया जाने वाला और पढ़ा जाने वाला ये टॉपिक है जहाँ से ये शुरुआत करते हैं लोग कि दादा भाई नोरो जी ने प्रति व्यक्ति आय की और गरीबी का अध्ययन किया था और यहीं से आपकी जो पूरी इकोनॉमी होती है ऐसे उलझा देते हैं कि उसके बाद इकोनॉमी जो होती है आगे बढ़ ही नहीं पाती है तो आइए समझते हैं शुरुआत करते हैं वहीं से भारत में गरीबी का अध्ययन यहाँ से आपने हमेशा पढ़ा होगा कि भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन अठारह में दादा भाई नोरो जी ने किया था इसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था बी एस मिनहास तो बी एस मिनहास ने उन्नीस 58, 60, तथा सर्सट और सर्सट के गाँव में, में गरीबी के प्रतिशत में कमी होने की बात कही बहुत इन्होंने शोध किया उसके बाद बता पाए कि भाई साहब भारत में जो गरीबी है वो जो प्रतिशत है उसका कमी आ गई कुछ भी नहीं हुआ था कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ उसके बाद हमारे ये जो अंकल थे इन्होंने कह दिया कि भाई साहब गरीबी जो है कमी आई है जैसी ये सुनी लोगों ने बात वैसे दो व्यक्ति और सामने निकल कर आए उनका नाम था पीडी ओझा और प्रवण के वर्धन तो मिनास ने बता दिया कि गरीबी जो है कम हुई है उसके बाद दो व्यक्ति और थे जिनका नाम था पीडी ओझा तथा तो प्रवण के वर्धन तो इन्होंने गांव में गरीबी के प्रतिशत को बढ़ने की बात कही इन्होंने मिनास ने क्या कहा कि भाई साहब इन्होंने कहा गरीबी जो है बड़ी ए, कम आई है इन्होंने कह दी भाई साहब गरीबी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब दो लोगों के बयान जब दर्ज कर लिए गए दो लोगों के जब बयान दर्ज कर लिए गए कि भाई साहब मिनहास जी के लिख लिए गए क्या है उन्होंने क्या बोला है कि सर इन्होंने कहा है कि गरीबी में कमी आई अच्छा मिनहास जी का तो लिख गया पी डी ओझा जी का और प्रणव के वर्धन जी का लिख गया हाँ जी भाई साहब उनका भी लिख गया क्या लिखा है उन्होंने कि भाई साहब इन्होंने कहा है कि गरीबी में जो है बढ़ी है अच्छा बढ़ी है दोनों लोगों का बहुत अच्छे से लिख लिया ना हाँ तब तक क्या था कि भाई साहब यहाँ क्या है कि भारत देश में इतना भ्रष्टाचार रहा कि सही से कभी भी सही और बिल्कुल सटीक जानकारी और सही आकलन तो किसी भी सरकारी विभाग में और किसी भी सरकारी किसी भी ने भी सही बिल्कुल दिया ही नहीं आज तक की बात है कभी नहीं दिया है बस डग्गा मारी गाड़ी चलती रहती है चलती रहती है कोई कहता है सर 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 मेरा लिखिए सर गरीबी बढ़ी हुई है अच्छा 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 दूसरा भाई साहब खड़े हो ना ये क्या कहना क्या चाहता है सर मेरा तो लिखो सर गरीबी कम हुई है अच्छा 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 भाई साहब अरे ये वाले भाई साहब हाथ उठा रहे ये क्या कहना चाह रहे हैं अरे सर ना तो गरीबी कम हुई है ना बढ़ी है बिल्कुल बिल्कुल स्थिर रही है अच्छा अच्छा भाई साहब इनका भी लिखो क्योंकि इनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहिए इन्होंने भी बहुत नई बात बताई तो इस तरह से ये बेवकूफी होती रहती थी तो चलिए एक बार फिर से बेवकूफी वाली बात करते हैं तो मैंने क्या बताया दोनों व्यक्ति जब आ जाते हैं पीढ़ी जाओ प्रेवण के वर्धन और बी एस मिन्हा जी ने जब बता दिया कि एक ने कहा कि इन्होंने कहा कि गरीबी जो है कमी हुई है इन्होंने कहा कि बड़ी है इसके बाद दो महापुरुष आते हैं जिनका नाम था एक का नाम था डांतिकर तथा दूसरे थे रथ ये सभी से महान निकले इन्होंने कहा कि उन्नीस सौ साठ इकसठ तथा उन्नीस सौ सड़सठ अड़सठ के समय गांव तथा शहर दोनों में गरीबी जो है इसको स्थिर माना इन्होंने स्थिर माना ठीक है इसके बाद सबसे पहले गरीबी रेखा के निर्धारण की कोशिश योजना आयोग ने उन्नीस में की थी यानी कि गरीबी रेखा का जो निर्धारण था उसको रेखा बनाने का जो निर्धार करने का जो, जो काम सबसे पहले किया था वो किसने किया था योजना आयोग ने उन्नीस में किया था ठीक है इनमें से इसने ये माना कि बीस रुपये क्या बताऊं? इन्होंने ये माना कि बीस रुपये को जो भी खर्च नहीं कर पाता है वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा ठीक है वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा यानी कि बीस रुपए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को गरीबी रेखा मान लिया यानी कि जो बीस रुपए का नोट था ये क्या मान लिया गरीबी रेखा मान लिया और बीस रुपए के नोट को जैसे ही आप पार कर लेते हैं यानी इक्कीस रुपए पर जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही आप अमीर हो जाते हैं और जैसे बीस रुपए से नीचे आते हैं उन्नीस रुपए जैसे आते हैं वैसे ही आप क्या बन जाते हैं एकदम गरीब बन जाते हैं लेकिन अगर बीस रुपए के ऊपर खड़े हैं तो आप डगे मारी रहेगी यानी कि ना तो आप गरीब हैं ना ही अमीर है समझना बात को यानी कि बीस रुपए को जो भी खर्च नहीं कर पाता है वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। यानी उन्नीस अगर गरीबी रेखा, रहा है। और उसने 20 वो गरीबी रेखा से, से वह नीचे चला जाएगा ठीक है तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीस रुपए से कम कमा रहा है तो आप गरीबी रेखा के नीचे हैं और जैसे ही आप इक्कीस रुपए कमा लेते हैं वैसे ही आप गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएंगे ठीक है चलिए लक्षमण रेखा है ये रावण भी भस्म हो जाता है इसको पार नहीं कर पाता है तो भारत कैसे भारतीय लोग कैसे कर पाएंगे चलिए देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को ये गरीबी रेखा वाले हैं बत्तीस रुपये कमा लिए इन ये पैसे वाले लोग बन गए हैं उनतीस रुपये कमा लिए एकदम पैसे वाले बन गए इकतीस रुपये कमाने में लेकिन मोहन मोहन सिंह और इनका जो चोर पार्टी थी ना साथ की इन्होंने इतनी बुरी तरह से भारत देश को लूटा खसोटा है कि भाई साहब आए हाय क्या बात है चलिए चलिए देखते हैं एक समिति देख लेते हैं जिसको कहते हैं लड़का वाला समिति सॉरी लड़का वाला नहीं लकड़ा लकड़ा बाला समिति ठीक है तो योजना आयोग ने उन्नीस में डीटी डी टी लकड़ा वाली लकड़ा वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था इस समिति ने गरीबी रेखा को आधार रेखा मानने की सिफारिश की इन्होंने ये कहा कि जो गरीबी रेखा है यानी कि बीस रुपये वाली जो लक्ष्मण रेखा है जो कि जल जलाती हुई एकदम जलती रेखा जो है उसको आधार रेखा मान लिया जाए इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति छप्पन रुपये चौंसठ पैसे अगर रुपए चौंसठ पैसे महीने पर खर्च करता है तो उसको उन्नीस सौ तिहत्तर को कीमतों पर गरीबी रेखा का आधार माना गया ठीक है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि छप्पन रुपए प्रति व्यक्ति छप्पन रुपए प्रति व्यक्ति व्यय को ग्रामीण रेखा को आधार रेखा बनाया गया सबसे जरूरी बात इसको भोजन की कैलोरी की मात्रा पर आंकलन करना था मैं फिर से बता दूं अगर आपका जो मैंने बताया था कि च, दो हज़ार चार सौ कैलोरी अगर गांव का खर्च करता है और शहर का इक्कीस सौ कैलोरी खर्च करता है तो वो अमीर और गरीब की श्रेणी में रहेगा तो उसी के आधार पर छप्पन रुपये चौंसठ पैसे थे कि उतने रुपए में क्या करता था वो उतनी कैलोरी का क्या कर पाता था खरीद सकता था ठीक है तो मैंने क्या बताया सबसे जरूरी बात यह कि भोजन की कैलोरी की मात्रा के आधार पर इसका आकलन किया गया था किसकी लकड़ा वाला समिति का ठीक है इस समिति ने हर राज्य में ग्रामीण व शहरी गरीबी के लिए अलग अलग सूचकांकों की बात कही थी इसके अलावा ग्रामीण निर्धनता रेखा यानी

यानी कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल पैंतीस रेखाएं बनाई गई कुल कितनी रेखाएं बनाई गई पैंतीस रेखाओं को बनाया गया था चलिए आगे बात करते हैं दूसरी देखते हैं तेंदुलकर समिति को देख लेते हैं उन्होंने तो क्या बता दिया था कि किसके आधार पर बता दिया था कैलोरी के आधार पर बता दिया था और कितने रुपए पे छप्पन रुपए चौंसठ पैसे पे। इसको भी देखते हैं सुरेश सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट भारत में गरीबी रेखा बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के नीचे रेखा वो जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए नए फॉर्मूले का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग ने सुरेंद्र तेंदुलकर की अध्यक्षता में दो में एक समिति बनाई तेंदुलकर फॉर्मूला में गरीबी रेखा का आंकलन को कैलोरी को को आधार आधार पर न करके प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च करने को आधार बनाए फिर से बता दूं कि जो लड़का वाला समिति यानी कि लकड़ा वाला जो समिति थी उन्होंने किसको आधार बनाया था उन्होंने ये आधार बनाया था कि भाई साहब जो कैलोरी है इतने रुपए में अगर इतने कैलोरी अगर यानी कि इसका उपभोग कर पाता है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर या कहें नीचे माना जाएगा लेकिन सुरेंद्र तें, सुरेंद्र तेंदुलकर जी जो थे इन्होंने कहा भाई साहब कैलोरी वाला सिस्टम जो है हटाओ कि भाई साहब पांच रुपए की कोई लॉलीपॉप खा लेगा तो उससे गरीब और अमीर

खर्च की दर अलग अलग निर्धारित की थी इसके तहत किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को बास्केट ऑफ मिनिमम लिस्ट उपभोग व्यय में शामिल किया जाएगा इसके तहत इस फॉर्मूले के आधार पर 2004-5 में देश में गरीबी को 27.5 परसेंट से बढ़ाकर सैंतीस परसेंट बता दिया गया मैं फिर से बता दूँ कि इस फॉर्मूले के तहत दो हज़ार में देश में गरीबी को सत्ताईस पांच से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था कितनी जनसंख्या को गरीबी बता दिया गया सैंतीस जनसंख्या को गरीबी रेखा के नीचे माना गया था कब दो में ठीक है आ, ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पता हाँ इसी समय ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपात जो था इकतालीस दशमलव 8 जो कि पहले फॉर्मूले के अनुसार था ठीक है तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को 28 प्रति दिन कर दिया था इतनी जानकारी काफ़ी है आगे बात करते हैं। बात करते करते हैं हैं चलिए अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं तो अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट ने कहा था कि भारत में 77 परसेंट जनसंख्या हर दिन बीस रुपए से भी अधिक खर्च करने में क्या है असमर्थ है उपभोग के आधार पर निर्धनता मापने की भी दो विधियां हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन सी दो विधियां तो इसको समझते हैं सबसे पहले जो विधि है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि उपभोग के आधार पर बात हो रही है ठीक है तो यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि के बारे में अगर बात की जाए तो यू आर पी इसको हम कह देते हैं इसके तहत पिछले तीस दिनों में उपभोग की सभी वस्तुओं के आकलन को यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि कहते हैं इसमें खाद्य तथा गैर खाद्य दोनों को लिया जा सकता है लिया जाता है ठीक है तो गैर खाद्य और गैर खाद्य कौन सी जो खाने वाली होती है जो बिना खाने वाली तो खाने वाली में आपकी क्या हो जाएगी रोटी सब्जी धनिया पुदीना जी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ठीक है इस तरह की चीज़ें हो जाएँ चीनी हो गया तेल हो गया और गैर खाद्य में क्या था

आपका क्या होता है ब्रश चलता है नहीं ना तो जैसे कपड़े हो गए अब जूते हैं हर महीने तो आप लेंगे नहीं जूते हो गए और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं ठीक है <coughs> इसको देखते हैं चलिए आगे बात करते हैं रंग राजन समिति को थोड़ा सा देख लेते हैं तो रंग राजन की अध्यक्षता में गरीबी की परिभाषा तथा गरीबों की संख्या तय करने के लिए समिति बनाई गई थी ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पे ध्यान देना है बाकी को आप भूलना चाहें तो भूल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानते हैं रंग राजन समिति तो रंग राजन की अध्यक्षता में गरीबी की परिभाषा तथा गरीबों की संख्या तय करने के लिए समिति बनाई गई थी चौबीस मई दो में ठीक है इस, इसने अपनी रिपोर्ट 6 जुलाई 2014 में पेश की थी इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए हैं तेंदुलकर समिति के अनुसार 2009 और 10 में गरीबों की संख्या उनतीस पॉइंट आठ परसेंट थी यह दो हज़ार में घटकर कितनी हो जाती है इक्कीस परसेंट हो जाती है ठीक है गाँव के किसी व्यक्ति को जो एक दिन में बत्तीस रुपये खर्च करता है तो उसको गरीब नहीं समझा जाएगा फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति नौ सौ बहत्तर रुपये एक महीने में खर्च करता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा जबकि तेंदुलकर समिति ने इसको आठ सौ सोलह और सत्ताईस रुपये प्रतिदिन रखा था ठीक है शहरी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति चौदह सौ महीने में या फिर सैंतालीस पूरे दिन में खर्च करता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा और पहले तेंदुलकर रिपोर्ट के आधार पर यह एक थी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए देखते हैं भारत में गरीबी पर यूएन की रिपोर्ट या कहें भारत में गरीबी पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट थोड़ा से देख लेते हैं इसको थोड़ा समझते हैं तो देखते हैं सहस्त्रा, यहाँ पर सहस्त्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एम पर यू ने दो में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके तहत भारत में गरीबी का अनुपात उन्नीस सौ नब्बे में इक्यावन परसेंट था जो कि इस समय इक्कीस पॉइंट नौ परसेंट आ गई है ठीक है कब की बात थी ये 2010 में जो कि 1000 परसेंट गलत है मेरे हिसाब से आपका क्या हिसाब है बात की बात है चलिए मतलब मानेंगे भाई साहब ये किताबी लोगों का ही मानना होता है हमारा मत मानना चलिए तो इधर यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आठ राज्यों में गरीबों की कुल संख्या अफ्रीका महाद्वीप के 26 सबसे गरीब देशों की कुल संख्या से भी अधिक है जो कि आपके प्रमुख राज्यों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान और पश्चिम बंगाल के जो कुछ राज्य हैं यानी पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य हैं यहाँ पर क्या है इन सभी गरीबों की जो संख्या है वह अफ्रीका के 26 देशों से भी अधिक है ठीक है इसके बाद आगे बात करते हैं इसके अनुसार भारत में गरीबी के आंकड़े देख लेते हैं यानी कि यू के अनुसार सर्वेक्षण वर्ष देखते हैं दो हज़ार चार पाँच दो हज़ार नौ दस दो हज़ार ग्यारह बारे तो चार पाँच के बारे में तो ये तो भारतीयों के द्वारा ही लगाया गया था ज़्यादा स्टाइल मार्के लगाया था तो यहाँ पर देखेंगे सैंतीस परसेंट पूरे भारत की थी ग्रामीण क्षेत्रों में बयालीस परसेंट शहरी में पच्चीस परसेंट दो हज़ार नौ दस में देखेंगे तो उनतीस परसेंट पूरे भारत में और ग्रामीण क्षेत्रों में, 9, वो, 33 .8 में 20%, नौ वो तैंतीस दशमलव आठ परसेंट और शहरी क्षेत्रों में बीस परसेंट नौ बीस दशमलव नौ परसेंट दो हज़ार ग्यारह की अगर बात की जाए तो इक्कीस दशमलव नौ परसेंट ठीक है नाइन्टी फाइव परसेंट पच्चीस दशमलव सात परसेंट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और तेरह दशमलव सात परसेंट आपका शहरी क्षेत्र के लिए ठीक है इस तरह से कुछ हो गया चलिए आगे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी द्वारा गरीबी का आंकलन थोड़ा सा इसी में आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के अनुसार गरीबी एक बहुआयामी समस्या है जो कि कई सारे लोग बता चुके हैं इसमें केवल आय को आधार न बनाकर अन्य मानकों को भी शामिल किया जाना चाहिए जैसे कि स्वास्थ्य तथा अच्छे खाने को ठीक है यूएनडीपी ने गरीबी रेखा कितना माना है वन पॉइंट नाइन डॉलर नाइन जीरो डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वन पॉइंट थ्री फाइव डॉलर माना है इसको आप रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हैं और भारत ने इसको एक डॉलर माना है यानी कि वन पॉइंट जीरो टू डॉलर माना है यू तो UNDP ने कितना माना है इसको एशियन डेवलपमेंट थ्री फाइव और इंडिया ने कितना माना है आपका वन पॉइंट जीरो टू ठीक है डॉलर चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं गरीबी की स्थिति पूरी दुनिया में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार थोड़ा देख लेते हैं तो विश्व बैंक ने 18 अप्रैल 2000 तेरे को गरीबों की स्थिति को बताने के लिए कहाँ है गरीब और कहाँ है सबसे गरीब नाम से एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कुछ बातें लिखी हैं कौन कौन सी थी क्या क्या था विश्व में जितनी भी जनसंख्या है गरीबों की उसमें से एक तिहाई कहां पर है भारत में है ये लोग रोज 1.25 यानी कि पैंसठ रुपए से कम में अपना गुजारा करते हैं यानी कि वर्तमान में वन डॉलर यानी कि एक रुपए से कम ठीक है दूसरा देखते हैं पूरी दुनिया में इस समय एक 110 करोड़ गरीब हैं जो अपना जीवन बहुत ही गरीबी में काट रहे हैं नेक्स्ट बात करते हैं एक उन्नीस से 2010 के बीच विकासशील देशों में गरीबी का अनुपात 50 परसेंट से घटकर कितना रह गया है? 21 परसेंट रह गया है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका में विकास होने के बाद भी गरीबी एक बहुत ही खतरनाक रोग बना हुआ है ये कुछ इसने लिखे थे चलिए साथियों बात करते हैं रोजगारी तथा बेरोजगारी के बारे में ठीक है तो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो इसको क्लियर करते हैं एक एक टॉपिक समझते हैं तो शुरुआत वहीं से करूँगा हमेशा वाली स्टाइल से कि ये रोजगार होता क्या है क्या होता है ये रोजगार या रोजगारी या इम्प्लॉयमेंट होता क्या है आइए समझते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस क्षेत्र में काम करता है उसको उसकी आजीविका कहते हैं से बता दूंगी भाई साहब आपको पता होगा काम किस लिए किया जाता है आजीविका के लिए ठीक है तो अब इस आजीविका को आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं चाहे तो आप उसको जीविकोपार्जन कह सकते हैं रोजी रोटी कह सकते हैं रोजगार कह सकते हैं जीवन जीने का साधन कह सकते हैं पैसा कह सकते हैं या फिर जो आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं बस होता क्या है वो व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी भी क्षेत्र में कहीं पर वो काम कर सकता है उसको उसकी आजीविका कहा जाता है ठीक है तो आपको क्या समझ में आया कि रोजगार का मतलब होता है किसी दूसरे की मजदूरी या फिर वेतन के बदले में क्या करना काम करना ठीक है मैं फिर से बता दूं किसके बदले में वेतन के बदले में या मजदूरी के बदले में क्या करता है कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो उसको कहते हैं रोज है. रोजगार कहते हैं अब भाई साहब रोजगार कहते हैं कि भाई साहब मैं तो समोसे बेचता हूं तो मुझे तो किसी के लिए काम नहीं करना पड़ता है तो इसको हम स्वयं के लिए काम करना बोलते हैं इसको हम यहाँ पर समोसा बेचा है तो इसका मतलब है कि हम स्वयं अपने आप को यहाँ पर नियुक्त करते हैं फिर भी ये रोजगार ही कहलाएगा तो आइए समझते हैं रोजगार को हम तीन भागों में बांट सकते हैं सबसे पहला जो है वो है स्वरोजगार व्यक्ति या सेल्फ एम्प्लॉय ठीक है तो यदि कोई व्यक्ति किसी की किसी भी तरह का क्या करता है आर्थिक क्रिया करता है और उसका प्रबंधन वह क्या करता है खुद ही या फिर कर स्वयं करता है तो उसको स्वरोजगार कह देते हैं क्योंकि सब वेतन रोजगार या फिर नौकरी में किसी व्यक्ति नौकरी में व्यक्ति क्या करता है कर्मचारी होता है वहीं स्वरोजगार में क्या होता है वह खुद ही नियुक्ता होता है तो मैं फिर से बता दूं मैंने क्या बताया सब वेतन रोजगार आखिर सब वेतन नौकरी में क्या होता है जो व्यक्ति होता है वह कर्मचारी होता है इसका मतलब है उसको नियुक्त कोई और करता है जब किसी और को नियुक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता बन जाता है कर्मचारी बन जाता है लेकिन यहाँ खुद या कहीं स्व स्वरोजगार की अगर बात की जाए तो स्वरोजगार में क्या होता है वह अपने आप को खुद नियुक्त करता है इसको मतलब क्या हो गया वह खुद ही नियुक्तता बन जाता है लेकिन कभी कोई दूसरा नियुक्त करता है तो वो क्या हो जाएगा कर्मचारी बन जाएगा ठीक है तो मैं फिर से बता दूं स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉय ठीक है तो यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की आर्थिक क्रिया करता है और उसका प्रबंधन वह स्वयं को ही करता है तो उसको स्वरोजगार कहते हैं क्योंकि सब वेतन रोजगार या फिर नौकरी में व्यक्ति कर्मचारी होता है जबकि स्वरोजगार में खुद ही हो नियोक्ता होता है जैसे कि आपका मान लीजिए मैं किसी फूल बेचता हूँ या फिर मान लीजिए मैं सब्जी बेचता हूँ या मान लीजिए मैं फल बेचता हूँ या फिर मान लीजिए मैं फेरी लगाकर कुछ बेचता हूँ या फिर मान लीजिए मैं गोलगप्पे बेचता हूँ तो यहाँ पर ये जो एक तरह का रोजगार ही है और रोजगार तो है साथ ही क्या करता है वहाँ पर नियुक्त नियुक्ता कौन हूँ मैं अपने आप को स्वयं नियुक्त करता हूँ मुझे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है यानी समोसे बेचने के मुझसे कोई दूसरा तो व्यक्ति कह नहीं रहा है मैं किसी और के लिए तो समोसे बेच नहीं रहा हूँ अब किसी समोसे की दुकान पर काम करता हूँ तो वो चीज अलग है लेकिन मैं खुद समोसे बेचता हूँ स्वयं खुद मान लीजिए गोलगप्पे बेच रहा हूँ तो यहाँ पर नियोक्ता कौन है खुद है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसे फूल बेचने वाली ये जो आंटी जी यहाँ पर दिख जाएंगी आपको यहाँ पर दिख आ, ये फल बेचने वाला ठीक है चलिए यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा ये दुकान तो वाला भी दिख जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा देखते हैं आकस्मिक मजदूरी रोजगार या कैजुअल वेज लेबर तो इस तरह का रोजगार निर्माण क्षेत्र में देखने को मिलता है इसके तहत कोई भी व्यक्ति कुछ समय के लिए रोजगार में आता है उसके बाद फिर वह क्या हो जाता है उस रोजगार से फिर वापस आ जाता है तो कैजुअल वेज लेबर के बारे में बात कहें तो ये निर्माण में कैसे होता है मान लीजिए कोई मकान बन रहा है या फिर कहीं पर भी खुदाई हो रही है या फिर कहीं कुछ और हो रहा है तो इस तरह का जो विनिर्माण वाला क्षेत्र है तो उसमें क्या होते हैं कुछ लोगों की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं उनको बनलाते हैं विनिर्माण का मतलब है निर्माण का मतलब है कि मान लीजिए मान लीजिए ये माचिस का क्या हो रहा है निर्माण होता है माचिस का जब तक तो निर्माण हो रहा है तभी तक तो, तो हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जब माचिस का निर्माण खत्म तो ओ, काम खत्म यानी कि काम ख़त्म तो आदमी ख़त्म यानी कि वहाँ पर उसका रोजगार खत्म इस तरह से होता है जैसे मान लीजिए कोई मैंने रोड बन रही है रोड बन रही है तो दो चार लोगों की लेबर की ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या कर दिया उनको लेबर को बुलाया और बाद में वहाँ पर कर दिया फिर मान लीजिए मेरा छत टूटा हुआ है और मम्मी ने कहा कि बेटा इसमें से पानी टपकता है ऐसा करना कल जाना मार्केट में और जाकर वहाँ क्या करना कि जाना और लेबर ले आना ठीक है मैं गया आ, मार्केट में पहुंचा चौराहे वगैरह आप लोगों ने देखे हो जहाँ से लेबर वगैरह लाई जाती है हर शहर में ये होता है कहीं भी कोई भी इलाका हो सकता है जहाँ पर क्या मिलते हो लेबर मिलती हो वहाँ खड़े हो जाते हैं बेचारे गरीब लोग जो होते हैं जो काम के लिए तलाश में होते हैं वहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं उनको क्या देखा जाता है कि भाई साहब किसी व्यक्ति को पूछा था भाई साहब आप चलेंगे क्या काम है कैसे से वो छत की क्या करनी है वो सही होनी है ठीक है एक व्यक्ति की ओर चाहिए तो उसको देख लेना तो क्या था कि दो तीन दिन क्या था कि छत में काम हुआ और छत में क्या होने के बाद क्या था वो काम खत्म हो गया या फिर मान लीजिए मेरा मकान बनना है नया मकान बनना है तो मुझको लेबर की जरूरत है

कि कोई व्यक्ति आए और मुझे ले जाए और मुझसे काम करवाए और उसके बदले में हमें पैसे दे इस तरह की चीजें हो जाती हैं नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रकार देखते हैं रोजगार में नियमित मजदूरी रोजगार रेगुलर सैलरी इस तरह के रोजगार के तहत रोज के हिसाब से क्या मिलती है मजदूरी हमको प्राप्त होती है तो इस तरह के जो मजदूर होते हैं वो क्या देते हैं नियमित मजदूरी रोजगार इसके बारे में हम क्लियर और डिटेल में बात करेंगे आगे चल के चलिए आगे देखते हैं अब हम दूसरा तो ये तो देख लिया हमने बेरोजगारी के बारे में अब हम एक नजर डालते हैं अल्प रोजगार के बारे में यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट ठीक है तो यह यह भी एक प्रकार की समस्या है इसलिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। क्यों समस्या कैसे है कि मान लीजिए तो कुपोषण और दूसरा होता है कुपोषण का मतलब होता है कुपोषण यानी कि बुरा पोषण जब आपको मिलता है तो बुरा पोषण में एक तरीका होता है बुरा का पोषण का मतलब यह है कि आपको खाना न मिले तो भी कुपोषण की शिकायत हो जाएगी और आपको खाना ज्यादा मिल जाए तो भी क्या हो जाएगा आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे समझना बात को यहां पर दोनों चीजें समझें कुपोषण का मतलब ये नहीं कि आपको खाना मिल नहीं पा रहा है कुपोषण का मतलब यह भी होता है आपको खाना मिल तो रहा है लेकिन क्या हो रहा है ओवरडोज हो रहा है आपको पता ही नहीं कैसे खाना है तो कुपोषण मतलब सुपोषण जो होता है अच्छी तरह से उसको पोषित किया गया हो कहाँ पर कितना खाना है कितने टाइम पर क्या करना है उसके बाद कि कौन सी चीज खानी है क्या किस तरह से ये सारी चीजें होती है इसको हम कहते हैं सुपोषण समझना इसी तरह से होता है रोजगार और एक होता है अल्प रोजगार और दूसरा होता है बेरोजगार यानी

और मुझको क्या करवाया जाता है मुझे चपरासी का काम मिलता है मैं जाकर क्या करता हूँ मतलब स्कूल में जाता हूँ घंटी बजाता जाता हूँ लेकिन मैं क्या कर चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं चाहता था कि मैं चपरासी न बनकर क्या बनूँ कि यहाँ पर एक टीचर बनूँ अब मान लीजिए मैं टीचर भी बन गया लेकिन मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ कि छोटे बच्चों को जो के जी वन टू थ्री फोर फाइव वाले हैं उनको न पढ़ा कर मैं इंटर टेंथ ट्वेल्थ को पढ़ाऊँ चलिए तो ये अगर आपको कम मिल रहा है तो आपकी जो जो आपकी शिक्षा है जो आपके पास ज्ञान है जो आपके पास मज़दूरी है उसके जो आपके पास जो भी क्षमता है उसके अनुसार आपको काम नहीं मिल पा रहा है तो भी आप एक अल्प रोजगार में रहेंगे ठीक है तो यहां पर क्षमता का मतलब जो होता है मजदूरी वो मजदूर की शिक्षा यानी कि वो कितना पढ़ा हुआ है मजदूर का ज्ञान या है कि मजदूर का मतलब जो होता है काम करना चाहता है था था, उसको मजदूर कहते देते हैं चाहे फिर वो कोई भी हो इसके बाद ज्ञान या कहें उसका अनुभव या कहें एक्सपीरियंस उसको क्या करते हैं बत्ती बनाते हैं और बत्ती बनाकर कहाँ डाल देते हैं कान में डाल देते हैं समझ रहे बात को मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर क्षमता का मतलब होता है कि, कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्ति या कहें मजदूर की उसकी जो शिक्षा है उसका जो ज्ञान है उसका जो अनुभव है उसके आधार पर उसको काम नहीं मिले और इस तरह की जो भी उसकी शिक्षा हो जो भी अनुभव हो जो भी चीज़ है उसकी बत्ती करना है कान में डालकर फेंकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है उसकी क्षमता का जो जितना जरूरत है उतना उसको कार्य नहीं मिल पा रहा जब इस तरह की घटना होती है तो उसको कहते हैं अल्प रोजगार ठीक है चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से अल्प रोजगार भी एक समस्या बन जाती है जिसके तहत किसी व्यक्ति की क्षमता का उपयोग मानक स्तर पर नहीं किया जाता है चलिए तो अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में चूंकि एक समस्या है बहुत बड़ी समस्या है इसको थोड़ा सा जानना है और डिटेल में जानना है अच्छे से समझना है तो बेरोजगारी करते हैं अन अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है तो देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट तो सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे दो शब्दों में बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में दो शब्दों में समझें इसकी परिभाषा को दो शब्दों में समझें तो उत्पादन के काम में लगा होना ही वो र... उत्पादन के काम में न लगा होना ही क्या कहलाता है बेरोजगारी कहलाता है या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे कि मान लीजिए मैं हूं और पर, मैं किसी भी वस्तु का या किसी सेवा का क्या कर सकता हूं उत्पादन कर सकता हूँ तो मैं उस पा... उस उत्पादन कार्य में लगा हुआ है मान लीजिए किसी के घर पर काम करता हूँ या फिर मान लीजिए किसी ट्यूबवेल को चलाता हूँ या फिर जो भी काम है मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं उत्पादन कार्य में लगा हुआ लेकिन अगर मैं उत्पादन कार्य में नहीं लगा हुआ हूं बल्कि घर पर बैठा हुआ हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा बेरोजगार कहलाऊंगा अगर मैं पर किसी भी तरह का कोई काम करता हूं तो मैं कहलाऊंगा रोजगार प्राप्त व्यक्ति तो आइए क्लियर करते हैं मैंने एक फिर से देखने नहीं तो उत्पादन के काम में न लगाना लगा होना लगा ही बेरोजगारी है अब समझते हैं कुछ किताबी यानी कि अर्थ अर्थशास्त्र अर्थ की भाषा में यानी कि इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर हम यहाँ पर समझें तो जब काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति को, को उसकी क्षमता के अनुसार प्रचलित बाजार दर पर वर्ष में 180 दिन तक काम न मिले तो उसको बेरोजगार कहा जाता है या फिर उस अवस्था को बेरोजगारी कहेंगे तो इस समझ की अगर बात करें तो इस समस्या से सामान्यतः हर देश जो है परेशान है या हम इसको कह सकते हैं कि इस समय इस यह जो समस्या है, है यह है समस्या हर देश के लिए एक समस्या बनी हुई है जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ होता है यानी कि जो बेरोजगारी होती है तो बेरोजगारी के बारे में आपको पता होगा कि किस तरह से राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उस पर रोटी क्या करती हैं गर्म गरम एकदम फुला फुला के सेकते हैं तो ये एक राजनीतिक मुद्दा हो जाता है साथ ही क्या होता है आर्थिक वो अर्थव्यवस्था की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है ठीक है समझ में आ गया तो मैं एक बार फिर से आपका रिपीट करा दूं उत्पादन के कार में न लगा होना क्या कहलाता है बेरोजगार कहलाता है अर्थव्यवस्था की भाषा में अगर समझें तो काम करने के इच्छुक व्यक्ति के पास उसकी क्षमता के अनुसार ध्यान रहे क्षमता के अनुसार

पर डे का जो मजदूरी है वो अगर लग रहा है तो आप पचास रुपये नहीं देंगे मतलब मतलब डेढ़ सौ रुपये अगर का काम है तो आप उसे पचास रुपये नहीं देंगे यानी कि किसी का मजदूर मजदूरी का फ़ायदा उठाएँ और उसको जो एक सौ पचास रुपये मजदूरी की जगह आपको उसको कितना देते हैं पचास रुपये देते हैं ठीक है चलिए बेरोजगारी के प्रकार देख लेते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो क्लियर करते हैं बेरोजगारी के प्रकार ठीक है सबसे पहला जो बेरोजगारी के प्रकार देखते हैं वो है स्वैच्छिक बेरोजगारी स्वैच्छिक बेरोजगारी न, आ, पर गया हाँ स्वैच्छिक बेरोजगारी ये जो स्वैच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि मान लीजिए मेरे बगल में या कहें मैं चाहता हूं काम करना ठीक मैं चाहता हूं काम करना ठीक बात को समझना और मुझे नहीं मिल पा रहा है काम ठीक तो मैं हो गया बेरोजगार अब आती है बात दूसरी जो कि दिमागी मरीज हो सकते हैं मतलब काम तो बगल में और चारों ओर बहुत सारा है लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं तो इसको कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी यानी कि भाई साहब एकदम बगल में काम है और पूछें भाई साहब काम करोगे बिल्कुल नहीं हम राजा महाराजाओं वाले शौक़ हमारे हैं हम काम हम नहीं करते हैं हम काम करवाते हैं लेकिन खाने का नहीं अम, खा घर में नहीं है दाने और अम्मा चनी बनाने वाली कहानी होती है मतलब काम नहीं करना चाहते काम है और बातें हैं लंबी लंबी और बड़ी बड़ी इस तरह की कहानी है तो आइए इसको समझते हैं तो मैंने क्या बताया स्वैच्छिक बेरोजगारी को समझते हैं यानी कि अपनी इच्छा से स्वयं की इच्छा से ये है बेरोजगार हैं इन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया कि भाई साहब हम बेरोजगार ही रहेंगे चलिए देखते हैं तो व्यक्ति के पास जब रोजगार होता है या व्यक्ति के पास जब काम होता है उसके बाद भी वह उस काम को या उस रोजगार को करना नहीं चाहता हो तो उसको स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं <laughs> स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं और यह जो बेरोजगारी होती है हूं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको बेरोजगारी नहीं मानते हैं बल्कि इसको मनोवैज्ञानिक कारण से मानते हैं इसलिए कभी कभी इसको क्या नहीं मानते हैं कुछ लोग बेरोजगारी नहीं कहते हैं इससे क्या कहते हैं उसको कहते हैं कि भाई साहब वो दिमाग ही बीमार है यानी कि ये कहते हैं कि भाई साहब वो बीमार है दिमाग से अगर काम है उसके बाद भी नहीं वो करना चाह रहा है तो भैया काय की बेरोजगारी फिर तो उसके दिमाग का इलाज करवाया जाए ना तब वो काम करेगा ना क्योंकि यहाँ पर देखिए जीवन के आनंद ले रहे हैं यानी कि ये मर्जी से बेरोजगार हैं पी के पड़े एकदम काम के टाइम पे भाई साहब काम करने चलेंगे अरे भाई साहब अभी हमारा पीने का टाइम है अच्छा अच्छा पीने का टाइम है तो आप पीते रहें हम जा रहे हैं काम करने इस तरह की दीखे दूसरा देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है अस्वैच्छिक बेरोजगारी यानी कि इनवॉलेंट टेरी अनएम्प्लॉयमेंट तो इसको समझते हैं जब कोई व्यक्ति रोजगार तो चाहता है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं होता है इसलिए उसको अस्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं और अस्वैच्छिक बेरोजगारी जो है इसके कई सारे रूप हो सकते हैं तो मैंने क्या बताया बेरोजगारी की अगर यहाँ पर रूप की बात की जाए तो दो प्रकार की बेरोजगारी हो सकती है पहला है स्वैच्छिक और दूसरा अस्वैच्छिक तो स्वैच्छिक जो है उसके बारे में मैंने बता दी ये कभी कभी कुछ लोग इसको बेरोजगारी नहीं मानते बल्कि क्या कहते हैं इसको दिमागी रोग बोलते हैं क्योंकि आपके पास काम है उसके बाद भी आप करना नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब है आपको इलाज की जरूरत है और आप इलाज करवाए

तो सबसे पहला जो स्वैच्छिक बेरोजगारी में देखते हैं उसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट तो ये क्या होता है इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं तो ये आप कैसे मान सकते हैं इसको अगर हम थोड़ा सा इसको हम अगर थोड़ा सा बिल्कुल सादा बात हम समझें तो जो नए हैं मतलब नए का मतलब इक्कीस बाईस साल के हैं और बीस बाईस साल के हैं तेईस चौबीस साल के हैं वो नए होते हैं जो पुराने हो होने लगते हैं वो तीस से ऊपर क्रॉस करने लगते हैं और बिल्कुल पुराना यानी कि ओल्ड हो जो होता है वो पचास से ऊपर पहुंचने लगता है तो इस तरह की तो जो नए लोग हैं तो मान लीजिए इस टाइम पे सब लोग जानते हैं कि फ़ोन चलाना जानते हैं आपका टीवी देखते हैं तो एलईडी टीवी आ गई है मतलब एलईडी जो होती है ना मतलब पहले फ्लैट वाली आती थी अब क्या एल ई आ गई है अब वो एल आ गई है मतलब एकदम बिल्कुल पतला सा ग्लास होगा और इस तरह की अब आते हैं फ़ोन के ऊपर पहले क्या था फ़ोन क्या था कि की पैड वाले फ़ोन आया करते थे उसके बाद फिर कम की पैड वाले फ़ोन आने लगे फिर टच वाले फ़ोन आने लगे अब क्या है कि टच के साथ ही बिल्कुल वैसे आते हैं चलिए ये हो गया उसके बाद मान लीजिए जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि, कि पहले बी चला करता था पी से भी पहले क्या चला करता था ट्रांजिस्टर चला करता था रेडियो टाइप चले कर चलते थे तो उस पर लोग खबर वगैरह सुनते थे ठीक है इस तरह की उसके बाद क्या आया टी आने लगी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट के बाद जमाना बदला कै कौन सा आने लगा कलर वाला आने लगा कलर के बाद जमाना आया कि फ्लैट टी का जमाना आ गया फ्लैट टी के बाद जमाना आया कि ओएलई वाला आ गया ठीक है इस तरह की चीज़ अब बात करते हैं चलिए ये तो चीज़ आ गई और कोई नई बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ें अब इससे हम क्या समझेंगे समचनात्मक बेरोजगारी समझेंगे अब मैंने अभी क्या बताया कि पहले क्या था आपका ट्रांजिस्टर चलता था फिर ट्रांजिस्टर के बाद आपका बी सी आर आ गया बी सी आर के बाद आपका आने लगा क्या बोलते हैं बी सी आर के बाद जो आने लगा आपका सी डी आने लगा सी डी के बाद फिर डीवीडी आने लगा तो ये क्या था टेक्नोलॉजी होती है ये क्या होती है तकनीकी होती है ये क्या होती है समय होता है समय के आधार पे क्या होता है चीजें जो है परिवर्तित होती रहती है उनमें विकास होता रहता है विकास होने के साथ साथ तो क्या होता है कि अगर जो विकास की एक ट्रेन होती है अगर आप उसमें नहीं बैठ पाते तो आप क्या कह जाएंगे इसकी श्रेणी में आ जाएंगे संरचनात्मक बेरोजगारी में आप आ जाएंगे आ कैसे जाएंगे क्योंकि आप उस ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं तो जब आप उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे बेरोजगार हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे आइए क्लियर करते हैं समझते हैं इसको तो मैंने क्या बताया संरचनात्मक बेरोजगारी यानी अन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तो जब किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक प्रक्रिया में वो उत्पादन प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन हो जाता है तो इससे उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था बहुत तेज प्रतियोगिता के कारण पुरानी तकनीकी वाले उद्योग बंद होने लगते हैं साथ ही उसके स्थान पर नई मशीनें या नई तकनीकी आ जाती हैं इससे एक नई संरचना का विकास होता आता है जिससे पुराने लोग क्या होता है कि पुराने लोग क्या होते हैं इसमें घुल मिल नहीं पाते और बेरोजगारी क्या होती है बढ़ने लगती है हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह है एक दीर्घकालीन बेरोजगारी है जो कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास में होने वाली संरचनात्मक बदलाव के कारण होती है और भारत में इस तरह की बेरोजगारी प्रमुख रूप से पाई जाती है तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया जैसे मान लीजिए मैं अभी साठ साल का हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल हूँ जैसे पुराना मॉडल अगर बात करूँ आज से तो मैं हूँ जो 1900 1960 का मॉडल हूँ और 1960 के दशक की अगर बात की जाए मतलब 1960 के अगर दशक की बात जाए तो मेरा क्या था मेरा जो वो था मैं थोड़ा बड़ा हुआ और सत्तर में पहुंचा सत्तर के टाइम पे क्या था कि रेडियो टाइम रेडियो वगैरह खूब सुना करते थे लोग तो मैं जो काम करता था रेडियो का करता था रेडियो से फिर क्या आया टीवी आने लगी लोगों के घर घर में टीवी आने लगी तो मैंने काम शुरू कर दिया टीवी का टीवी का मतलब टेलीविजन जो होती है उसमें क्या कर दिया काम शुरू कर दिया तो ब्लैक एंड वाइट आया करती थी फिर टेक्नोलॉजी बदली ब्लैक एंड व्हाइट के बाद कौन सी आने लगी वो आने लगी कौन सी कलर्ड वाली तो कलर्ड का भी मैंने थोड़ा सा काम सीख लिया फिर चलिए कलर का भी मुझको अब मुझको आता था बी सही करना बी सही करना तो मैंने जब बी के बाद टेक्नोलॉजी बदली यानी कि समय बदला तो क्या था मैंने काम सीख लिया किसका सी uh, का सीख लिया यानी सी डी प्लेयर का तो उसके बाद जब सीडी प्लेयर का, का काम सीख लिया सीडी प्लेयर के बाद डीवीडी भी साथ साथ आ गई थी तो सी uh, के बाद डीवीडी का भी मैंने काम सीख लिया तो इस तरह से क्या था मैं विकास की जो जब संरचना में परिवर्तन हो रहा था तो क्या था मैं उसके साथ चलने लगा लेकिन अब इस तरह से आती है बात दूसरे की मान लीजिए पहले क्या थे लैंडलाइन फ़ोन चला करते थे लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे ऐसे उसमें एक तार लटका होता था तार ऐसे लगेगा उसमें ऐसे पकड़ के चलते हैं मतलब जैसे आपको मैं दिखा दूँ लैंडलाइन की अगर बात करूँ तो मान लीजिए ये हमारा फ़ोन है मान लीजिए ये इसका तार एक जगह लगा होता था और इससे जैसे कभी फ़ोन आता था तुल तुल ऐसे फोन आते था तो हमने इसको ऐसे उठाया ऐसे उठाया ना बात करते थे, थे तो आप लोगों को पता होगा देखा होगा अब तो ये विलुप्त हो गया है तो इस तरह जो तुल तुल वाला जो फोन हुआ करता था वो कहते थे लैंडलाइन वाला तो इसमें क्या था कि मैं काम जानता था इसको लैंडलाइन वाले को सही करने का फिर कुछ समय बाद क्या हुआ मोबाइल आ गई मोबाइल का भी मैंने चलो काम सीख लिया ठीक है कोई बात नहीं मोबाइल का आपने काम सीख लिया मोबाइल का जब आपने काम सीख लिया तो चलिए कोई बात नहीं मोबाइल का काम सीखा तो कौन से आगे कीपैड वाला बटन वाला फ़ोन था इस तरह से उसका काम सीखा फिर जब टेक्नोलॉजी बदली बदलते 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 क्या हो गया पहले पुराने जमाने के फोन आते थे, थे एक एक किलो के फ़ोन आते थे, थे उसमें पैनासोनिक आता था, था नोकिया आता था, था उसके बाद मोटोला आता था, था मोटोला मतलब मोटोरोला का फ़ोन आया करता था तो मोटोला का इस तरह से तो फोन आया करते उसके बाद क्या आने लगे टच के फोन आने लगे टच वाले फ़ोन आने लगे तो मैंने टच वाला भी काम सीख लिया तो मैंने क्या था जो टेक्नोलॉजी बदल रही थी उसके साथ साथ क्या कर रहा था मैं काम सीख रहा था अब बात आत आती है दूसरा प्रकार देखते हैं मान लीजिए सी डी बी सी आर वाला काम सीख लिया था ये टच वाला सीख लिया अब आती है टेलीविजन की तो ब्लैक एंड व्हाइट का, का काम सीखा फिर मैंने कलर का सीखा फिर फिर मैं वो एल ई डी वाला आ गया यानी कि जो एल ई डी वाला था फ्लैट वाला सीख लिया तो इस तरह से मैं साथ साथ चलता रहा लेकिन अगर कोई व्यक्ति है और एक समूह ये होता है नहीं सीख पाता है क्योंकि गरीब व्यक्ति होते हैं पैसे नहीं हो पाते तो मान लीजिए फोन आया की पैड वाला तो वो बेचारे सारे जीवन भर की पैड वाला ही काम करते आ रहे हैं जब बात आती है टच वाले फ़ोन की तो हमें टच वाले का काम ही नहीं काम ही नहीं आता जब हमारे पे कोई टच वाला फ़ोन नहीं आया भाई साहब टच फोन सही हो जाएगा काय है, का है श्याम सिंह मतलब का है श्याम सिंह मतलब सैमसंग का है हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर सैमसंग वाला है अच्छा सैमसंग वाला भाई साहब हम टच का काम नहीं करते हम की वाला करते हैं हम की वाला ही काम करते रहे की वाले फ़ोन जो थे बिल्कुल विलुप्त हो गए और आखिर में हम फिर क्या थे हमने काम ही नहीं सीख पाए तो हम क्या थे बेरोजगार हो गए हम इस तरह की घटना में क्या होने लगे बेरोजगार हो गए अब ऐसे ही मान लीजिए टी वाला काम हम कौन से सही कर पाते हैं जिसमें इतना तीन किलो तीस किलो का टी होगा पीछे उसमें पेज खोल के उसके पीछे पिछवाड़े में देखने बटन बटन सही करने पाते हैं उसका जमाना हम वही सही करते आ रहे हैं लेकिन आ गया कौन सा जिसमें पीछे पिछवाड़ा होता ही नहीं है अगवाड़ा ही देखा जाता है इस तरह से चीज़ें तो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आ पाए या फिर मान लीजिए ज़माना बदल रहा है हम क्या करते हैं पीएचडी कर कर लिए हैं लेकिन ज़रूरत काय की पड़ रही है ज़रूरत का आय की पड़ रही है आपका रोबोट डिजाइनिंग का या फिर कोई नया इंजीनियरिंग का इस तरह से चीज़ें तो ये क्या है कि अगर आप संरचना के साथ नहीं घुल मिल पाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे बेरोज़गार हो जाएंगे कोई इस तरह की जो की बेरोजगारी होती है इसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी या इस्ट्रक्चर बेरोजगारी और भी समझाने को है लेकिन मैं अब चीज़ ज़्यादा में नहीं जाऊँगा इतना जानना काफ़ी है चलिए दूसरा फिर देखते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है इसको भी थोड़ा समझते हैं बाजार में वस्तुओं की मांग तथा आपूर्ति में बदलाव आने के कारण बेरोजगारी आती है जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यह इस प्रकार की बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है इसको अगर हम दूसरे शब्दों में समझें यानी कि बिल्कुल साधारण भाषा में समझें तो जब कोई व्यक्ति मान लीजिए मैं हूं तो जब कोई व्यक्ति क्या करता है एक काम को छोड़कर दूसरा काम तलाशता है या फिर मान लीजिए मैं किसी कोई काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ उस काम को छोड़कर मैं दूसरे काम की तलाश में जाता हूँ तो एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी जब प्राप्त करता है तो वह कुछ समय के लिए क्या होता है वह बेरोजगार हो जाता है और इस प्रकार कुछ समय के लिए उत्पन्न हुई बेरोजगारी को हम घर्षणामक बेरोजगारी के नाम से इसको जानते हैं तो यह बेरोजगारी जो होती है प्रमुख रूप से क्या होती है विकसित देशों में पाई जाती है जहां पर छटाई के चलते लोगों के क्या कर दिया जाता है समय-समय पर उनको या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर कोई दूसरी वजह हो सकती है जैसे कि वे नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं या फिर जो मांग है वो थोड़ा सा या धंधा है मांग जो है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है इसके कारण क्या है व्यापार थोड़ा सा अ, मंदा चल रहा है इसके कारण क्या करते हैं वो चेंज कर लेते हैं व्यापार एक व्यापार से दूसरे व्यापार में जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ दिन तक वो क्या करते हैं बेरोजगार रहते हैं तो इस तरह का जो समय काल होता है जो बीच का गैप होता है इसको हम कह देते हैं यानी कि ओल्ड से न्यू में जब जाते हैं तो बीच का जो समय काल होता है उसको कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी का काल ठीक है तो इस तरह की बेरोजगारी क्या कहलाती है घर्षणात्मक बेरोजगारी कह है तो अब मैं हल्का सा एक, एक आपको देता हूं तो मान लीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस तरह से इस तरह की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती थी जब दूसरा विश्व युद्ध था अब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हुआ क्या था कि मान लीजिए आपका जो भारत था नहीं भारत नहीं था अमेरिका था अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में या यूरोपीय देशों में अगर हम बात करें तो यूरोपीय देशों की जैसे बात करें या फिर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इन सब लोगों ने क्या किया था दूसरे विश्व युद्ध में क्या लिया था भाग लिया था सब लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया था लेकिन दूसरा विश्व युद्ध था बहुत ज्यादा भयानक हुआ था तो क्या था अमेरिका का या फिर ब्रिटेन का या फिर आसपास के जो भी क्षेत्र थे ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ से क्या नहीं लिया गया था आर्मी में नहीं लिए गए यानी कि थोड़े से बड़े हो पाए बच्चे लड़ने लायक हो पाए वैसे उनको आर्मी में मैं यहाँ सैनिक बना दिया जाता था तो इन सभी के पास क्या था एक काम था लेकिन अब जो ये लड़ने के लिए तैयार थे सिर्फ अब क्या था जब इनका काम खत्म हुआ यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया अब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त तो हुआ तो क्या था अब लड़ाई करने के लिए था नहीं लोगों को निकालना था जन लोगों को क्योंकि खाम खाम की सेना रखने का क्या मतलब तो जब लोगों को निकालना था तो अब मैं सैनिक हूँ मुझे मैंने सारे जीवन क्या लड़ी हैं, जंगें लड़ी हैं ठीक है थीके? तो अब अब मैं जब घर पे पहुंचा तो अब मैं क्या ढूंढना चाहता हूं काम ढूंढना चाहता हूं जब मुझे निकाल दिया गया तो मेरा पहले क्या था सैनिक वाला काम अब मैं नया काम ढूंढना चाहता हूं कोई नया बिजनेस करना चाहता हूँ उसके लिए क्या है थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कौन सा बिजनेस डाला जाए कौन सा क्या डाला जाए तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है जब इस तरह के लिए टाइम देना पड़ता है तो क्या कहते हैं बीच का जो गैप पड़ जाता है उसको कहते हैं घर सड़ात्मक बेरोजगारी ऐसे अब चलिए छोड़िए कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए मैं हूँ कोई काम करता हूँ और काम करते करते क्या करता हूँ किसी दुकान पर काम करता हूँ वहाँ पर क्या है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे मान लीजिए कोई दुकान है और वहाँ पर क्या करता हूँ मैं कुछ भी काम करता हूँ लेकिन वो दुकान जो है बहुत चलती कम है तो जब कम चलती है तो यार जो मालिक है वो यार मुझको सही सैलरी नहीं दे पाता है सही सल सैलरी नहीं दे पाता तो इससे क्या रहता है यार बड़ा परेशानी होती है तो मैंने क्या कर दिया उस दुकान को छोड़ दिया मैंने कहा था हम काम नहीं कर पाएंगे अच्छा तो काम नहीं कर पाओ कोई नहीं, नहीं ये अपना पैसा पकड़ो चलते बनो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ दूसरा काम ढूंढ रहा हूँ तो जब दूसरा काम जो ढूंढ रहा हूँ उसका जो समय काल है बीच का उसको हम कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी का काल या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाएगी इस तरह की चलिए नेक्स्ट देखते हैं अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी ठीक है तो ये क्या होता है इसको भी समझते हैं तो जब किसी काम को करने में जरूरत से ज़्यादा मजदूर लगे हों तो उसमें से कुछ को अगर निकाल दिया जाए तो उस काम में या फिर उस उत्पादन पर क्या होगा किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे कि आ... आप लोगों ने कृषि में अक्सर पढ़ा होगा कि अदृश्य बेरोजगारी उसमें होती है अदृश्य मतलब बेरोजगारी का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास दो बीघा खेत है और दो बीघा खेत में क्या करता हूँ मैं काम करता हूँ और मेरा मम्मी लगा है उसमें पापा लगा है भाई लगा है बहन लगी है मैं लगाऊँ मेरा चाचा लगा है अब दो बीघा का खेत जो है उसमें पिताजी जो है मेरे वो आसानी से काम करके और एक व्यक्ति की और सहायता से उसमें आसानी से फसल की बुवाई जुताई और भराई यानी कि सिंचाई और क्या कर सकते हैं कटाई आसानी से करवा सकते हैं लेकिन मैं भी उसी खेत में लगा हुआ हूं मेरी मम्मी भी उसी खेत में लगी हुई हैं पापा भी लगे हुए हैं चाचा भी लगा हुआ है बहन भी लगी हुई है तो मैं क्या करता हूं उस खेत में काम न करके मैं कहीं बाहर काम करने चला गया ठीक मैं महीने पर लेके आया पाँच मेरी बहन थी किसी स्कूल में पढ़ाने चली गई वो लेके आई तीन मेरी मम्मी जो थी घर का काम में ज़्यादा ध्यान देने लगी वो कम थोड़ा आप ज्यादा नहीं और उसके बाद जो मेरा चाचा था वो अपना और कुछ काम करने लगा ऐसे करके जो उसमें से तीन से चार लोग निकाल दिए गए तो क्या था वो कितना महीने पे रुपए लेके आ रहे पंद्रह हजार रुपये लेके आ रहे हैं जो तीन से चार दो तो लोग निकाल दिए अब उस जो उत्पादन की बात करें उस खेत पर ना तो कोई काम में ज्यादा फर्क पड़ रहा है यानी कि जितना उसमें उत्पादन होना है बी भी दो बीघा खेत है उसमें कितनी भी दुनिया की ताकत लगा दो कितनी भी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगा दो कितना भी कुछ भी कर दो उसमें दस या बारह कुंटल या फिर छह या सात कुंटल से ज्यादा अनाज उत्पन्न नहीं होगा मान लीजिए गेहूँ की बात करें तो छह या सात या, या आठ कुंटल तक निकलेगा ज्यादा बात होगी तो दस कुंटल निकला लेकिन इससे ज्यादा किसी भी हाल में नहीं निकलेगा चाहे फिर उसमें पांच और लेबर लगा दो या फिर कितना भी कुछ भी कर दो तो तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है इसको कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी या फिर प्रचन्न बेरोजगारी समझना अब मान लीजिए कृषि छोड़कर कोई और भी काम हम कर सकते हैं तो ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए मेरा समोसे बेचने का काम है समोसे बेचने का काम जो है और उसमें क्या करता हूं अ, मेरा एक भाई है मेरे पम्मी है पापा हैं और बहन है और भी कई सारे लोग हैं समोसे बेचने का काम जो है मैं बना सकता हूँ समोसे वमोसे काट कूट के आलू फालू कर कर आके मैंने कर लिया लेकिन मैं क्या करता हूँ समोसे बेचने के लिए क्या करता हूँ अपनी बीबी को अपनी मम्मी को अपने पापा जी को अपने बिटिया को अपने भाई को अपने सबको कम आठ दस लोगों का लगा रखा है और समोसे बिकते कितने हैं उतना ही यानी कि लोगों को बढ़ा दिया यानी कि जो पर डे का हिसाब किताब है वो मैं पचास सौ समोसे बनाता हूँ मैं अब मैं पचास लोग और उसमें लगा दूँ समोसे बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा हो जाएगी लेकिन विकता कितना वहाँ से केवल पचास ही व्यक्ता क्योंकि छोटी सी दुकान है मोहल्ले में ही है तो अब वहाँ पर दसवीं पचास और उसमें लगा दिए ना तो वो क्या होगी वो अदृश्य बेरोजगारी के रूप में भी नहीं हमें तो लग तो ये रहा होगा कि वहाँ पे क्या है क्या होगा जैसे कि लग तो ये रहा होगा कि भाई साहब इसमें बहुत ज़्यादा लोग लगे हैं जैसे कि आपने कभी कभी शादी में देखा होगा शादी में जैसे आपने गाँव में की शादियाँ देखी होंगी तो शादी में क्या होती है कि वो जो पानी परसने वाले होते हैं ना वो पानी परसने वाले पूरी लाइन होगी जमीन पे बैठ के लोग खा रहे होंगे ना तो ऐसे करके तो जो पानी देने वाले होते ना वो पानी का जग लेंगे ना ये केवल दो लोगों से ही काम चल जाएगा लेकिन सरल वाला काम ढूंढते हैं वो क्या करते हैं पानी वाला होगा या फिर रसगुल्ले देने वाला होगा तो ज़्यादा लोग लगा दिए कम से कम दस बारह लोग पानी दे रहे हैं छः सात लोग सब्जी दे रहे हैं छः सात लोग पूड़ी दे रहे हैं लेकिन लाइन दो ही लगी हैं अब वहाँ पे भसड़ पड़ती है पानी वाला पहले आता है तो कहते हैं भाई साहब ऐसा करो इनमें से दो तीन लोग कम कर दो तो ना तो काम पर कोई प्रभाव पड़ रहा है ना ही कोई उत्पादन बढ़ रहा है यानी कि दो ही लाइने दो लाइन में दोनों काफ़ी है एक पानी वाला हो जाएगा एक सब्जी वाला हो जाएगा एक पूड़ी वाला हो जाएगा एक रसगुल्ले वाला हो जाएगा एक उठाने वाला हो जाएगा एक पत्तल उठाने वाला हो जाएगा एक वो हो जाएगा ऐसे करके गिने चुने लोग लग लगा दो अब चार लोग पानी वाले को इस तरह से ये हो जाएगी एक तरह की बेरोजगारी मान सकते हैं मतलब एक एग्जाम्पल मार रहा हूँ मतलब ये बेरोजगारी इसमें कुछ नहीं होती है वहाँ पे कोई रोजगार भी नहीं होता है दावत दावत में तो प्रेम होता है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक और देखते हैं शिक्षित बेरोजगारी या एजुकेटेड अन अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है तो जब पढ़े लिखे लोग व्यक्ति लोग या कहें पढ़े लिखे व्यक्तियों को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो वह शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है और भारत में यह जो शिक्षित बेरोजगारी है महामारी की तरह फैली हुई है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं खुली बेरोजगारी यानी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है तो यह है, सबसे बुरी स्थिति होती है इसमें कुशल तथा अक्सर मजदूर को बिना काम किए रहना पड़ता है इस तरह के मजदूरों इस तरह की बेरोजगारी को हम खुली बेरोजगारी कहते हैं इसमें सबको पता होता है कि हमारा तीन लॉन्डे जो हैं बेरोजगार हैं और उनके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं सबको पता है तो फिर भी बात तो नहीं बन पा रही है और कभी कभी क्या होता है कुछ लोग लगे होते हैं इधर उधर महसूस होते हैं कि काम कर रहे हैं तो महसूस होते हैं कि काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो रोजगार में लगे हुए लेकिन यहाँ पर क्या होता है ये खुली बेरोजगारी होती है इतनी जानकारी काफ़ी है चलिए आगे बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी देख लेते हैं मौसमी और चक्री बेरोजगारी दोनों एक सी लगती है देखने में लेकिन फिर भी इनमें दोनों में अंतर है काफ़ी आई समझते हैं सबसे पहला देखते हैं मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो यह प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़े व्यक्तियों में पाई जाती है इसके तहत खेती करने वाला किसान वह साल के कुछ महीने खेतों में काम करता है उसके बाद बाकी समय घर में बैठकर क्या होता है बेरोजगार पड़ा रहता है अब भाई साहब इसको भी थोड़ा समझते है। हैं मान लीजिए मेरा खेत है और खेत में मेरे पिताजी हैं पिताजी ने कुछ समय है बुवाई का कुछ समय है कटाई का कुछ समय सिंचाई का और कुछ समय जो है वो काय का है कटाई का है अब ये जो समय काल है ना तो मान लीजिए बुवाई होगी दो दिन में तीन दिन में बुवाई हो जाती है जुताई मान लीजिए दो तीन दिन में जुताई हो जाती है सिंचाई की अगर बात की जाए तो तीन चार सिंचाइयाँ जैसे होती हैं तीन चार बार पानी लगता है तो एक दिन में पानी लग जाता है छोटा सा खेत है लेकिन अब जो मान लीजिए तो इसका टोटल छः महीने की जो फसल का समय काल है काम कितने दिन हुआ सिर्फ एक महीने का मतलब वैसे एक महीने नहीं मतलब पाँच दिन का एक बार आ गया तीन दिन का फिर छः सात दिन बाद आ गया फिर सात दिन बाद कभी खाद डालनी है इस तरह से बाकी समय क्या करता है वो बेरोजगार पड़ा रहता है घर में समझ रहा ना तो इस तरह की बेरोजगारी को कहते हैं सीजनल बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी ठीक है तो इसके तहत खेती करने वाला किसान होता है वैसे साल के कुछ महीने में क्या होता है काम करता है और भी कई सारे हो सकते हैं ठीक है कई सारे हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपका खेती हो गया टूरिज्म हो गया ठीक है टूरिज्म में क्या होता है जैसे कि पर्यटक जो होता है वो भी एक तरह का बिजनेस होता है तो जैसे कि बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में आपको पता है कौन सा व्यक्ति जो होगा भाई साहब वो जाके क्या करेगा किसी को जाके वो जबरदस्ती बरसात में लेके जाएगा कोई घूमने फिरने जाएगा या फिर आप अगर किसी एम आर से पूछेंगे तो जो हॉस्पिटल होते हैं ना उसमें भी क्या चलती है सीजन चलती है एक सीजन ऐसी आती है जहां पर क्या होता है बहुत ज्यादा काम होता है बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं वायरल होता है बुखार आता है तमाम तरह की चीजें होती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है तमाम लोग ले लिए जाते हैं ठीक है थीके? इसके बाद यहां पर रिटेलिंग का भी होता है कई सारे आपको पता हो सेंटा क्लॉज वाला जो काम होता है तो जैसे त्योहार की बात आती है तो सेंटा क्लॉज के लिए क्या करते हैं कुछ लोग सेंटा क्लॉज वाला काम करते हैं बनने का काम करते हैं या फिर उसकी जुड़ी हुई चीज़ें बनाते हैं क्रिसमस के टाइम की तो उसके बाद क्या करते हैं वो पूरी साल गोया चीलते रहते हैं या फिर इंडिया में तो त्यौहारों का देश बोला जाता है जो भारत देश है वो त्यौहारों का देश बोला जाता है तो यहाँ पर तो आए न आए दिन त्यौहार बने ही रहते हैं कभी ईद है तो कभी दिवाली है कभी होली है कभी ये है तो इस तरह की चीज़ें तो यहाँ पर क्या होता है जो तीज त्यौहार के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा एकदम रस्सा आ जाता है बहुत सारा एकदम लोग भीड़ भाड़ आ जाएगी और अच्छा खासा बिजनेस होगा लेकिन बाकी टाइम पर क्या होता है बाकी टाइम पर हम बेरोजगार बने रहते हैं चलिए चक्री बेरोजगारी देखते हैं साइकिले अनएम्प्लॉयमेंट तो जब यह ज़्यादातर विकसित देशों में पाई जाती है और यह व्यापार चक्र से संबंधित होती है और उस समय होता है जब जीडीपी गिरता है और अर्थव्यवस्था में व्यापार क्षेत्र में क्या होती है मंदी की स्थिति पैदा हो जाती है और इससे क्या होता है इसके व्यापार क्या होता है सुस्त होने के कारण कुछ लोगों को काम छोड़ना पड़ता है और वो उस समय तक का इंतजार करते हैं जब व्यापार में तेजी आएगी या फिर काम बढ़ जाएगा और बेरोजगारी का यह जो चक्र होगा वह समाप्त हो जाएगा इसको क्या कहते हैं हम चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिक अनएंप्लॉयमेंट कहते हैं ठीक है तो अगर इसे थोड़ा सा गौर से देखें तो यह देखने में बिल्कुल मौसमी बेरोजगारी की तरह लगती है लेकिन मौसमी बेरोजगारी के चक्र क्या होते हैं निश्चित होते हैं जैसे कि तीन से चार महीने ठंड पड़ेगी तीन से चार महीने गर्मी होगी तीन से चार महीने इस तरह की चीजें होंगी लेकिन यहां पर, यहां पर क्या होता है जो जो चक्री बेरोजगारी होती है इसमें हमें पता नहीं है या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस समय क्या होता है जो मौसमी बेरोजगारी होती है उसमें मैंने क्या बताया फसल का टाइम कटाई का कब होगा बुआई का कब होगा सिंचाई का कब होगा इस तरह से हमें पता है निश्चित होता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है हमें व्यापार का नहीं पता कि व्यापार के बारे में हमें नहीं पता कि सुस्ती कब आएगी और आ भी गई है तो कितने दिन तक रहेगी तो कभी सुस्ती एक महीने हो सकती है कभी दस दिन महीने निट जाए कभी हो सकता है दस महीने तक सुस्ती रहे समझने बात को तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पता नहीं होता है किसमें आपका चक्री में तो ये देखने में सेम उसकी तरह रहती है यहाँ पर क्या होता है पहले जो व्यापार होता है एकदम मंद होता है उस टाइम पे काम थोड़ा कम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं उनका धंधा एक तरह से व्यापार क्या होता है वो बेरोजगार की स्थिति में ही आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कुछ लोग घर पर बैठ जाते हैं या फिर कुछ लोग काम हम थोड़ा बंद कर देते हैं वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक क्या है व्यापार थोड़ा सा फिर से एकदम टनाटन होने लगे ठीक है जैसे फिर से तेजी आई वो फिर से मार्केट में आ जाते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं भारत में बेरोजगारी का अनुमान कैसे लगाया जाता है तो इसको समझते हैं क्लियर करते हैं भारत में बेरोजगारी का अनुमान तो भारत में बेरोजगारी का अनुमान कैसे लगाया जाता तो है तो यहाँ पर देखेंगे तीन प्रकार हैं हैं या तीन तरीके उनसे क्या किया जाता है बेरोजगारी का अनुमान लगाया जाता है तो भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी का अनुमान या आकलन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है इसके लिए भगवती समिति ने उन्नीस सौ में सिफारिश की थी एनओ यह सर्वेक्षण करने में फिर से बोलते हैं जो भगवती समिति थी उसने यह सिफारिश की कि जो एन है वह क्या करें इस प्रकार का यानी बेरोजगारी है उसका क्या करें

दूसरी जो है साप्ताहिक स्थिति आधार तीसरी जो है दैनिक स्थिति दैनिक स्थिति बेरोजगारी ठीक है समझना बात को चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में ही थोड़ा सा एक सेकंड हां कहां पे था हां तो सबसे पहला इसमें देखते हैं सबसे पहला देखते हैं सामान्य स्थित बेरोजगारी या सामान्य सैद्धांतिक आधार तो इस, इसमें क्या होता है इसको यूपीएस के नाम से भी जाना जाता है तो इस, इसमें साल को दो भागों में बांट दिया जैसे मान लीजिए 2020 चल रही तो 2020 को क्या कर दिया दो भागों में बांट दिया यानी कि एक भाग बांट दिया सुस्त में और दूसरा भाग बांट दिया व्यस्त वाला टाइम एक नहीं बिजी टाइम कर दिया और दूसरा क्या कर दिया सिंपल वाला जिसमें कम काम रहता है तो समझते हैं इसको तो मैंने क्या बताया इसमें साल को दो भागों में बांट दिया जाता है और एक होता है व्यस्त भाग और दूसरा होता है सुस्त भाग ठीक है तो यदि किसी व्यक्ति को व्यस्त भाग में भी काम न मिले तो उसे बेरोजगार माना जाता है इस स्थिति में लंबे समय की अवधि के आंकड़ों का क्या किया जाता है विश्लेषण किया जाता है और यह जो स्थिति होती है यानी कि इसका जो आंकलन होता है वह दीर्घकालीन बेरोजगारी को दिखाता है ठीक है तो मैं फिर से बता दूंगा जो बेरोजगारी कौन सी है ये आपका किस तरह से सामान्य स्थिति बेरोजगारी इसमें क्या होता है व्यस्त वाला टाइम और मंद वाला टाइम यानी कि सुस्त वाला टाइम तो व्यस्त वाला टाइम यानी कि तो हर किसी को टाइम मिलता है हर कोई व्यस्त रहता है तो अगर आप उस टाइम पे भी व्यस्त नहीं रहे तो इस तरह की बेरोजगारी क्या कहलाती है तो आपको क्या मान लिया जाएगा बेरोजगार माना जाएगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साप्ताहिक स्थित आधार या साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी ठीक है इसके तहत पिछले सप्ताह के सात दिनों को सात दिनों का विश्लेषण किया जाता है इसके तहत किसी को सात दिनों में एक घंटे का भी काम न मिला हो तो उसको बेरोजगार माना जाता है तीसरा देखते हैं दैनिक स्थित बेरोजगारी या दैनिक स्थित आधार करंट डेली स्टेट ठीक है तो इसके तहत किसी भी व्यक्ति की हर दिन की गतिविधियों पर गौर किया जाता है और सामान्य स्थित बेरोजगारी यानी साप्ताहिक स्थित आधार अवधारा में बेरोजगारी की प्रति व्यक्ति दर का आंकलन किया जाता है जबकि इसमें बेरोजगारी की दर का आंकलन किया जाता है इसलिए सी को तीनों में सबसे अच्छा माना जाता है ठीक है इसके तहत कोई व्यक्ति एक घंटे में एक घंटे से अधिक तथा चार घंटे से कम काम करता है तो उसको आधे दिन काम में लगा माना जाएगा और अगर वह चार घंटे से अधिक काम करता है तो उसे पूरे दिन काम में लगा माना जाएगा तो एक बार फिर फे, से बता दूं मैंने पहले वाला कौन सा बताया था पहले वाले में क्या था तीन एक साल को कितने भागों में बांटते थे दो भागों में एक था व्यस्त वाला दूसरा था सुस्त वाला अगर किसी को व्यस्त वाले में भी काम ना मिले तो उसको बेरोजगार मान लिया जाएगा सुस्त वाले में नहीं मिलता है तो एक तरफ हो जाता है चलो यार सुस्ती चल रही है चलो कोई बात नहीं ये है तो साल में अगर उसे सुस्त बिजली वाले टाइम में भी नहीं मिलता है तो इसका मतलब है वो बेरोज दिखा रहे हैं दूसरा वाला देखते हैं इसमें क्या था दूसरे वाले में साप्ताहिक हिसाब किताब था तो इसमें पिछले सात दिनों का क्या लिया जाता है हिसाब किताब लिया जाता है तो इसमें स... किसी व्यक्ति का लिया जाता है ठीक है तो सात दिनों का हिसाब किताब लिया जाता है सात दिनों में सात दिनों में उसे अगर एक घंटे भी काम नहीं मिला है तो उसको बेरोजगार माना जाता है तीसरा कौन सा था, था, था? दैनिक दे, स्थित बेरोजगारी या दैनिक स्थित आधार या सी तो इसमें क्या था कि इसमें किसी व्यक्ति के प्रत्येक दिन का हिसाब किताब रखा जाता है यानी कि प्रत्येक दिन का यानी कि पूरे दिन का देखा जाता है कि वह पूरे दिन में अगर एक घंटे भी काम नहीं करता है तो उसको क्या माना जाएगा बेरोजगार माना जाएगा या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक घंटे से अधिक तथा चार घंटे से कम काम करता है तो उसको आधे दिन में आधे दिन काम में लगा माना जाएगा और दूसरा इसी में यानी कि जो डेली बेसिस वाला था उसमें क्या था अगर चार घंटे से अधिक काम करता है तो उसको रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहा जाएगा पूरे दिन काम में लगा माना जाएगा ठीक है समझ में आ गया ना चलिए तो इसमें सबसे अच्छी कौन सी है तो सबसे तीनों में जो सबसे अच्छा है वो है आपका दैनिक स्थित बेरोजगारी या क्या दैनिक स्थित आधार तो मैंने यहाँ पर बताया भी था कि सामान्य स्थित बेरोजगारी यानी कि सालाना वाला और साप्ताहिक स्थिति आधार यानी कि सप्ताह वाला अब धाराओं में बेरोजगारी की प्रति व्यक्ति दर का आंकलन किया जाता है जबकि सी में यानी कि दैनिक स्थित बेरोजगारी में क्या किया जाता है इसके तहत किसी व्यक्ति की क्या किया जाता है समय दर का आंकलन किया जाता है ठीक है तो इन तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है सी है अच्छी माप मानी जाती है चलिए तो इन तीनों को एक बार फिर से देख लेते हैं तो साप्ताहिक स्थित आधार बेरोजगारी तथा सामान्य सैद्धांतिक आधार बेरोजगारी दर व्यक्ति दरें हैं जबकि दैनिक स्थित आधार बेरोजगारी दर समय या टाइम रेट को दर्शाता है यहाँ पर रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण दो हजार के बारे में अगर हल्की सी जानकारी लें उसको दो के बारे में अलग से बात करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें सैद्धांतिक स्थित आधार पर अगर दो की बात की जाए यानी बारह तेरह की तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो चार दशमलव चार परसेंट थी बेरोजगारी नगरी क्षेत्र की फाइव पॉइंट सेवन थी और पूरे भारत की बात की जाए तो फोर पॉइंट सेवन थी साप्ताहिक स्थित आधार की अगर बात, थी। बात की जाए तो सी डब्ल्यू एस यानी कि फोर पॉइंट टू थी ग्रामीण क्षेत्र की और नगरी की और फोर पॉइंट फाइव थी इसकी ठीक है इस बार दैनिक स्थित आधार सी डी एस की अगर बात की जाए तो फाइव पॉइंट वन थी और फाइव पॉइंट सिक्स थी नगरी है और पूरे भारत की फाइव पॉइंट टू थी चलिए आगे बात करते हैं बेरोजगारी दर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले, ले लेते हैं बेरोजगारी दर तो बेरोजगारी दर अनएंप्लॉयमेंट रेट इसका मतलब यह है कि प्रति एक हजार प्रति एक हजार श्रम बल के मजदूरों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या यानी कि एक हजार मजदूर हैं, जो कि क्या करते हैं काम करना चाहते हैं उनमें से कितने लोग क्या हैं बेरोजगार हैं तो इसको हम क्या देते हैं बेरोजगारी दर ठीक है तो इसको हम श्रमिक बल के श्रमिक बल के बेरोजगार वर्ग का हमें पता चल जाता है समाज में बेरोजगारी की समस्या समझने के लिए यह दर कुल बे बेरोजगारी दर से बेरोजगारी दर से अधिक उपयोगी या कहें अच्छी साबित होती है इसके अलावा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट तथा श्रम बहुल उद्योगों के विकास पर भी बल दिया था ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में करंट डेली स्टेट या दैनिक स्थित आधार पर को ही देश में रोजगार तथा रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है कब से दो हजार ग्यारहवीं योजना से ठीक है चलिए इतना काफ़ी है ज़्यादा डिपेंड नहीं आएंगे क्योंकि इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है चलिए भारत में थोड़ी बेरोजगारी के भी बारे में बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समाप्त करते हैं इसको भारत में बेरोजगारी देख लेते हैं कार्ड वगैरह देख लेते हैं इसकी स्थिति देख लेते हैं तो भारत में बहुत ही जनसंख्या वृद्धि तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का योजना के अनुसार विकास न हो पाने के कारण जो बेरोजगारी है वह बे बीमारी की तरह लगी हुई है ठीक है इसके कारण अगर देखें तो देश में श्रम शक्ति का बहुत तेजी से विकास क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो भाई साहब काम करने वाले लोग भी तो बढ़ेंगे तो उसमें क्या है श्रम शक्ति का विकास हो रहा है बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास की गति का का धीमा होना ठीक है इस तरह से कुछ कमियां हैं आर्थिक वृद्धि में होने वाले रेसाब प्रभाव का असफल होना दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली एक प्रमुख कारण है तकनीकी शिक्षा का अभाव यह प्रमुख कारण है रोजगार योजनाओं को सफल न हो पाना यानी कि जो भी योजना सरकार वगैरह चलाती है वो क्या करती है इतना भ्रष्टाचार है कि वो सफल ही नहीं हो पाती है कृषि का पिछड़ापन ये भी एक प्रमुख समस्या है जो कि बेरोजगारी दर की क्या होती है इसके कारण बढ़ोत्तरी होती है भारत में बेरोजगारी की स्थिति देख लेते हैं इस समय के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में फाइव पॉइंट थ्री है शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी सेवन पॉइंट एट और पूरे भारत की अगर बात की जाए तो सिक्स पॉइंट वन है इस समय यानी कि दो हज़ार बीस के समय में ठीक है आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात करते हैं सामाजिक और कार्यक्रम तथा योजनाओं के बारे में यानी कि जो सोशल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स जो होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं योजनाएँ परियोजनाएँ तो वो अलग हैं जो योजनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पर समझते हैं देखते हैं तो सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझेंगे कि इसके जो कार्यक्रम होते हैं ये लाए क्यों जाते हैं क्यों बनाए जाते हैं ठीक है तो जब कोई योजना बनाई जाती है कोई भी योजना हो जनधन योजना हो जो भी मतलब जो भी सरकार योजनाएं बनाती है तो उसमें क्या रहता है कुछ ऐसी परेशानियाँ आती हैं जिनके कारण से जो सामाजिक का, कार्यक्रम होते तो हैं उनको बनाना पड़ता है ठीक है तो मैंने क्या बताया जब कोई सरकार योजना बनाती है जैसे कि समावेशी विकास हो गया या फिर सामाजिक और वित्तीय समावेशन हो गया इस तरह जब कोई की जब कोई योजनाओं की जब शुरुआत करती है तो इसमें क्या होता है सामाजिक रूप से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं इनमें शामिल नहीं हो पाते और वे क्या होते हैं आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं या फिर छूट जाते हैं तो सरकार का यह कर्तव्य होता है कि ऐसे लोग जो वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक विकास से क्या है छूट जाते हैं उनके लिए सरकार कुछ नीतियां तथा योजनाएं बनाए जिससे क्या हो उस जो लोग हैं जो छूट गए हैं वो भी मुख्य धारा में क्या हो सके जुड़ सके या फिर मुख्य धारा में आ सके ठीक है चलिए तो इस तरह से सामाजिक कार्यक्रम योजनाओं में ही हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो होगा कौशल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं योजनाओं के बारे में बात करूं कि जिस तरह से मैं योजना यहां पर पढ़ा रहा हूं वही सेम आने वाले समय में आपको क्या करना होगा उसी तरह से आपको नोट करना होगा ठीक है तो आप इसी के आधार पर करना यानी कि सामाजिक वो कौशल विकास से संबंधित कुछ योजनाएं हो गई या फिर ग्रामीण विकास की हो गई या शहरी विकास हो गई तो आपको ग्रामीण विकास की अलग नहीं है शहरी विकास की अलग नहीं है इससे क्या आप कंफ्यूजन नहीं होंगे और आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है ठीक है सबसे पहले बात करते हैं कौशल विकास से संबंधित कुछ

रूप से क्या किया है नए या जिनको हम कहते हैं युवाओं को क्या कर लिया है, या कर पर जोर दिया है। इसलिए योजनाएं ने, ने इस का बनाई है बात करने वाले ठीक है तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की तो शुरुआत दो में केंद्र सरकार ने की थी इसके तहत तीन संस्थाएं काम कर रही है भाई साहब ये तीन संस्था कौन कौन सी है तो उसको समझते हैं सबसे पहली जो संस्था है उसको कहते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी नेशनल डेवलपमेंट है दूसरा देखते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय कौशल कौशल विकास विकास एजेंसी यानी ठीक 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 है 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 तीसरा देखते हैं निधि या नियास, फंड, इस तरह की ये कुछ जो कि कार्य कर रही हैं तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहला जो है कौशल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं पहला देखते हैं स्किल इंडिया तो स्किल इंडिया या इसको इसके इसकी शुरुआत राष्ट्रीय विकास तथा उद्यमता मंत्रालय ने, ने किया था इसी के तहत यानी कि जो इस योजना के तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था पंद्रह जुलाई दो में कौशल विकास से संबंधित चार कार्यक्रमों की शुरुआत की थी किसके लिए स्किल्ड इंडिया के तहत ठीक है तो कौशल विकास कार्यक्रम में कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं आती हैं तो सबसे पहला जो आता है वो है कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 इसका उद्देश्य बड़े स्तर पर लोगों को कौशल प्रदान करके सशक्त माहौल का निर्माण करवाना है इसकी जो समीक्षा है इस तरह इसकी जो समीक्षा थी पांच की जाएगी सभी कौशल विकास से जुड़ी कार्यक्रम में क्या करेगा यह क्रियान्वयन करेगा जो भी नीतियां हैं उसको लागू करेगा और इसके तहत प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली एक गवर्निंग बॉडी होगी जो कि कार्य करेगी तीसरा देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पी एम के बी वाई तो इस योजना के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण कराना है गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए देश के लोग खासकर युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर देश के लोगों की क्षमता को अगर अच्छी तरह से अगर समुचित और बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण दे दिया जाए और उसको देकर निखार दिया जाए तो इससे क्या होगा भारत के पास दुनिया के भारत के पास दुनिया के चार से पाँच करोड़ कार्यबल क्या होगी उपलब्ध करवाने की क्षमता आ जाएगी फिर से बता दूं भारत के बाद दुनिया को चार से पाँच करोड़ कार्यबल उपलब्ध करवाने की क्या हो जाएगी क्षमता हो जाएगी सरकार ने इसके तहत देश के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स को क्या किया बढ़ावा देने की शुरुआत कर दी ताकि युवाओं को क्या किया जा सके स्किलफुल बनाया जा सके इसके तहत शिक्षा के पाठ्यक्रम में आकर जो भी उसका सिलेबस है उसमें बदलाव बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षण अध्यापकों पर विशेष जोर दिया जाएगा इसके तहत चौबीस लाख युवकों को या कहें युवाओं को या कहीं नए लोगों को क्या करना है प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई इसके तहत श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे व्यक्तियों पर क्या किया जाएगा खासकर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो दस और बारहवीं के समय क्या कर जाते हैं स्कूल छोड़ जाते हैं जैसे तो मान लीजिए मैं टेंथ में पढ़ता हूं मैं क्या करता हूँ स्कूल छोड़ जाता हूँ आने वाले समय में क्या कोई नया उद्योग लगाना चाहता हूँ या फिर कोई छोटा मोटा व्यापार करना चाहता हूं तो सरकार क्या करेगी हम जैसे लोगों पर क्या करेगी खास ध्यान केंद्रित करेगी चौथा देखते हैं कौशल ऋण योजना यानी कि स्किल लोन स्कीम एस एल एस ठीक है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी इसके तहत देश में चौंतीस लाख युवाओं को पांच साल के अंदर कौशल विकास कार्यक्रम में भाग लेने वालों को पाँच हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे यह योजना 2015 से लेकर 2020 तक लागू रहेगी ठीक है इसके बाद जब दो में समाप्त हो जाएगी तब हम इसको क्लियर करेंगे आगे आगे बात करते हैं स्किल इंडिया में ही एक और देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं उस्ताद योजना की यानी कि यू एस टी ए डी इसको हम अगर वैसे समझें तो इसको कहते हैं अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट आर्ट्स या कहें क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट तो क्लियर करते हैं तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हेमतुल्ला तथा केंद्रीय मंत्री आपके मुख्तार अब्बास नकवी ने उस्ताद योजना की शुरुआत की थी यहाँ पर उस्ताद का मतलब था अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट यहां जो ये योजना शुरू की गई थी वह की गई थी 14 मई 2015 में ठीक है यह जो योजना थी यह बुनकरों हस्तशिल्पियों

प्रमुख इसमें प्रावधान किए गए हैं चलिए साथियों बात आगे करते हैं ग्रामीण अवसंरचना तथा विकास योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं आइए समझते हैं थोड़ा सा देखते हैं तो ग्रामीण अवसंरचना तथा विकास योजना यानी ग्रामीण जो गाँव के क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ योजनाएं उनके बारे में बात करते हैं ठीक है तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण वाली है इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगरा में 20 नवंबर 2016 को की थी इस योजना का पुराना नाम जो था वह था इंदिरा आवास योजना और इस योजना के तहत तीन साल के अंदर 2019 तक एक करोड़ आवास या कहीं घर बनाने की योजना बनाई थी और आप लोगों को शायद पता होगा कि जो हमारी 2020 जो है यानी कि उन्नीस जो है निकल चुकी है और दो आ चुकी है और आप लोगों को पता है कि कितने घर बनाकर दे दिए मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर इसके तहत क्या प्रावधान किए गए हैं तो इसके तहत अगर प्रावधानों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों के लिए हर लाभार्थी को एक लाख रुपए और एक लाख बीस हजार रुपये तक देने की सहायता तक की सहायता दी जाएगी और पहाड़ी इलाकों के लिए एक लाख तीस हजार रुपये तक की सहायता देने का इसमें प्रावधान किया गया इसके तहत मनरेगा के हर लाभार्थी को नब्बे से पंचानवे दिन तक की मजदूरी देना अनिवार्य है इसके साथ ही हर लाभार्थी को पक्के शौचालय का निर्माण करने के लिए बारह हजार तक की धनराशि दी जाएगी इस योजना के तहत हर लाभार्थी का जो लाभ है वह सीधे बैंक खाते में या फिर पोस्ट ऑफिस के खाते में डिजिटल रूप में भेजा जाएगा ठीक है इसके बाद चलिए आवास का न्यूनतम जो क्षेत्रफल है वह रखा गया है 25 वर्ग मीटर यानी कि इससे छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो सरकार होती है आप लोगों को पता है वहां से बहुत बड़ा भेजती है लेकिन नीचे आते आते, आते आप लोगों को पता है छोटा हो जाता है तो इसलिए क्या कर दिया है ये कह दिया है कि भाई साहब इतने से कम नहीं होना चाहिए सरकार भेजे वहां से एक लाख रुपये यहाँ पे पहुंचे सिर्फ बारह रुपये तो बारह रुपये में कहीं घर नहीं बनते चलिए दूसरी योजना देख लेते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इस योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई थी भारत के गाँव को अबाध रूप से आ, बिजली आपूर्ति विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य इसके द्वारा रखा गया था और इसकी यह योजना बनाई गई थी ठीक है सरकार गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत पिछहत्तर करोड़ रुपए खर्च करने वाली है पता नहीं कितने खर्च हो गया ये बात किया था लेकिन जो इसने प्रावधान किए गए उसको बता रहा हूँ इस यह जो योजना थी यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो थी यह राजीव गांधी ग्राम विद्युती ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बदले में आकर रिप्लेसमेंट के तौर पर लाई गई है दूसरा देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना ठीक है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की इसी योजना के मुताबिक हर सांसद को साल 2019 तक तीन गांवों को विकसित करना होगा इसकी थ्योरी जो है भारत के गाँव को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह विकसित किया जाना इसकी एक छोटा सा क्या रखा गया है मकसद रखा गया था इस योजना के लिए कुछ दिशा निर्देश भी बनाए गए हैं जो कि ग्रामीण विकास विभाग ने तैयार किए हैं ठीक है ग्रामीण विकास विभाग ने इसको तैयार किया गया है प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी थी थे इन्होंने क्या किया ग्यारह अक्टूबर दो क्या देखो इन दिशा निर्देशों को जारी किया इन्होंने और सभी सांसदों से अपील की कि वे 2016 तक अपने संसदीय क्षेत्र में एक मॉडर्न गांव और 2019 तक दो और गांव तैयार करें यानी कि 2016 तक इन्होंने कहा एक तैयार कर दें और बाकी के तीन साल में दो आपको तैयार करने हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट योजना देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान ज्यादा ज्यादा डीप में हमें नहीं आना है बस उतना उतना समझना है थोड़ा सा जो कि हमारा एक लय बन जाए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दे दी थी जो पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल निर्मल भारत कार्यक्रम का क्या था संशोधित रूप था स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था इसके तहत दो तक यानी महात्मा गांधी जी की एक जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था और आप लोगों को पता है दो निकल गई और भारत पूरी तरह से साफ हो चुका है इसके तहत सर सरकार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ़ सफ़ाई की सुविधाएं पहुंचाने का भी काम करेगा ठीक है इसमें क्या है कि जनता में सफाई के लिए साफ सड़कों और गलियों के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए जागरूकता पैदा करना भी इसमें शामिल रखा गया है शहरी विकास कार्य विकास मंत्रालय ने हाल ही में सबसे साफ़ शहर की सूची जारी की थी जिसमें मैसूर नंबर वन पर था इसके बाद तिरुचुपल्ली नंबर दो पर था और नवी मुंबई इसके बाद तीसरे नंबर पर था ठीक है चलिए आगे बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरवन मिशन एस पी एम आर एम ठीक है इसकी शुरुआत 16 अगस्त 2015 को की गई थी इसके ते सरकारी ते तहत सरकारी तथा निजी भागीदारी के तहत तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है बात कही गई है होगा न हो ये बात की बात है गुजरात में इसी तरह का मिशन जो था लागू किया जा चुका है और इसी के आधार पर यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरवन रूरवन मिशन लाया गया है ठीक है चलिए इसके थोड़े से लाभ देख लेते हैं यह योजना गांव में शहरों जैसी सुविधाएं देगी बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं भी दी जाएगी इस इन गाँव को क्लस्टर या समूह के आधार पर विकसित किया जाएगा एक क्लस्टर की आबेदी पच्चीस से पचास तक होगी इतनी जानकारी काफ़ी है चलिए चुटकेले बहुत अच्छे अच्छे हैं कि ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा <laughs> चलिए कोई बात नहीं चुटकेले हैं अच्छा लगता है आनंद लें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एन आर एल एम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ठीक है इस योजना का उद्देश्य उन सभी परिवारों को संगठित करके तथा उनको तब तक वित्तीय सहायता देना है जब तक के दैनीय गरीबी से बाहर ना निकल आए ठीक है यह लक्ष्य 2024-25 तक के लिए रखा गया है इसका मतलब ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को खत्म करने के लिए तीन जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में इस योजना की क्या की गई थी शुरुआत की गई थी ठीक है यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज्यादा जो गरीब है उनको क्या करना है तब तक यानी कि तब तक उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी जब तक वो दैनिक गरीबी से बाहर ना आ जाए चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय अन... अंत्योदय योजना ठीक है अंत्योदय योजना देखते हैं भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबी के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को किया था योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के दो घटक हैं एक तो शहरी भारत के लिए और एक ग्रामीण भारत के लिए ठीक है तो शहरी घटक का जो कार्यान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय करेगा जबकि जो ग्रामीण घटक है जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा है। है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ठीक है चलिए Uh, हाँ मनरेगा की शुरुआत दो फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी इससे पहले चरण में क्या था दो इसके पहले चरण में 2006 और 7 के समय इसको देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया था इसके बाद 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया गया था इस योजना में काम के बदले अनाज तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को मिला दिया गया था यानी कि विलय इसमें कर लिया गया था इस योजना के तहत अर्जी देने वाले व्यक्ति को पंद्रह दिन के अंदर काम देना अनिवार्य होता है अगर ऐसा नहीं किया तो उसका उस

जो मनरेगा के तहत बनी सभी संपत्तियों को जियो करेगा जियो के लिए गूगल सें, के तो पे देखा ना तो जब आप गूगल पे जाते हैं तो गूगल पे जैसे आप कोई स्कूल सर्च करते हैं स्टोर सर्च करते हैं तो जीपीएस है, मैप पे जब चढ़ाते हैं तो उसको हम जियोटेगिंग कहते हैं जैसे कोई मंदिर बनाया है तो आप क्या करेंगे वहां पर क्या करना होगा आपको उसको जियो टेक के माध्यम से वहां पर दिखाना पड़ेगा कि ये वाला एक मंदिर जैसे आप कोई मंदिर सर्च करते हैं या फिर कोई मोहल्ला सर्च करते हैं तो वहां पर आएगा तो वो क्या है कि ऊपर से निगरानी होती है कि वहां से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये वाले मोहल्ले में हमें जाना तो बिल्कुल सटीक रास्ता दिखाता है तो जो म, जो आप मनरेगा के तहत जो संपत्ति या करें जो भी काम हो रहा है उसको क्या करना है ऊपर से ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करनी है तो थोड़ा सा गरीब देश है भारत तो क्या है कि अभी इतना पैसा नहीं है भारत देश के पास कि ये चोर डकैत बदमाश वहां उनकी थोड़ी सी निगरानी की जा सके अभी कार्यक्रम चल रहा है तो इस तरह की जो चीजें हैं सुधार किया जा रहा है क्योंकि ये जो मनरेगा था ना ये कुछ नहीं था गरीब को जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा था लोगों के लिए क्या करना था ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा आज भी बना हुआ है है अब थोड़ा सा सुधार किया जाता क्योंकि प्रधान प्रधान जी जी क्या होते हैं अपने चेले को पकड़ लेते हैं उसके बाद क्या करना होता है दो चार पांच लोग पकड़ने के बाद वहां देखते हैं कि किन किन का जॉब कार्ड बनवा दिया सबका जॉब कार्ड बनवा दिया जितने भी अपने चेले चपाटे हैं सबका पैसा आ रहा है किसी को नहीं मिल रहा है किसी को सौ रुपए पहुंचवा दिए किसी को दो सौ रुपए पहुंचवा दिया मतलब फर्जी तमाम बने और ये कहो कि कहो अभियान तुम बताओ कहाँ पे बता रहे हो तो कहाँ का सब मिले हुए भैया हमारे जो हमारे दिल्ली के मंत्री जी वो कह, कहना के, के है मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई सब सब मिले हुए हैं सो सब मिले हुए हैं जी तो किससे कहोगे जाके चलिए तो ये इस तरह की है चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही मनरेगा की विशेषताएं देख लेते हैं तो 2 अक्टूबर 2009 में इस योजना का नाम मन नरेगा शुरुआत में तो नरेगा रखा गया था लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इस योजना का नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था इसके तहत काम करने की इच्छुक व्यक्ति जिसमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए को 100 दिन के लिए रोज़गार की गारंटी दी गई यानी कि उसको मिलना ही मिलना होगा ठीक है दो में इसको संशोधित किया गया और एक दिन कर दिया गया केवल जनजातियों के लिए ठीक है पांच सदस्यीय परिवार के एक सदस्य को पंद्रह दिनों के अंदर अपने घर से पाँच किलोमीटर की दूरी पर काम दिया जाएगा इस योजना के तहत मजदूर को एक जॉब कार्ड दिया जाता है और मजदूरी का भुगतान बैंक या फिर डाकघर में करने की व्यवस्था की गई है साथ ही इसके लिए सरकार ने आधार कार्ड जरूरी कर दिया है मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार प्राप्त होता है इससे जो काम होता है उसको प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सुधार करने के लिए ध्यान दिया जाता है जिस क्या होता है सूखा हो गया जंगलों का विनाश है मृदा आपर्दन जैसे कारणों को दूर करने इससे क्या है सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा तो आप लोगों को पता है कि इसमें क्या करते हैं जैसे सूखा प्रबंधन कहाँ पे है सूखा प्रबंधन हो गया इस तरह से कुछ है तो क्या करना होता है लोग गड्ढा ही गुदवाते रहते भाई साहब पानी आएगा बरसेगा तो जैसे प्रधान जी हैं गाँव के वो क्या करते हैं भाई साहब गड्ढा खोते हो तो एक ही काम है फालतू का पट्टीचर वाला काम है जो गरीबों को जो काम मिलना चाहिए जो उनका अधिकार मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पाता है मतलब जो प्रधान जी के चमचे होते हैं ना उनको खास कर मिलता है जो गरीब होता है उसको भटकना पड़ता है

दस को भी मिलता है तो कुछ को तो मिल गया अब भाई साहब ये सोचा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है बंद कर देते हैं तो जो सौ में से दस को मिलना था वो भी नहीं मिल मिलेगा तो सरकार इतना तो रिस्क लेती है इसलिए कई सारे क्या करती है भ्रष्ट लोगों का भी इसमें पेड़ भर भरना पड़ता है क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे आपके खेत में क्या है कि आपका गेहूँ का खेत है गेहूँ का खेत में क्या हो जाता है खरपतवार हो जाता है तो हम क्या कहते हैं यारे यार पानी नहीं लगाएंगे खरपतवार खा जाएगा तो अब खरपतवार के चक्कर में पानी नहीं लगाएंगे तो ऐसे मान लो फिर जो अच्छा गेहूँ है वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगा तो ये ऐसी सोच लेती है सरकार कि होता क्या है कि सबके लिए नहीं कर पाती है तो छाटा भी नहीं करेगी तो उसमें ज़्यादा पैसा चला जाएगा चलिए मन मनरेगा का टू पॉइंट जीरो वर्जन देख लेते हैं यानी कि मनरेगा टू को देख लेते हैं तो यह दूसरी पीढ़ी का मनरेगा कार्यक्रम है इसका उद्देश्य स्थायी संपदा का निर्माण तथा कृषिगत उत्पादों को बढ़ाने के साथ साथ काम में देरी जैसी शिकायतों को दूर करना है इसकी कुछ विशेषताओं की अगर बात की जाए तो कार्यक्रम में मांग आधारित पहलू को मजबूत करना है श्रम बजट की प्रस्तुति करना है सख्त समय साड़ी का पालन करना है और भुगतान में देरी जैसे कुछ इसमें कमियाँ थी उसको दूर करना है चलिए शहरी विकास कार्यक्रम देख लेते हैं कुछ शहरी विकास कार्यक्रम उनको समझते हैं राष्ट्रीय विरासत तथा संवर्धन योजना यानी कि हृदय ठीक है आइए देखते हैं तो इसको कहते हैं हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड कहां पर गया हाँ रहा पर ठीक है इसकी शुरुआत इकतीस इक्कीस जनवरी 2015 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी इसका उद्देश्य भारत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण तथा उसका पुनर्जीवन उसको क्या कराना था आ, करवाना था इसका उद्देश्य ठीक है हृदय योजना के तहत शुरू में बारह शहरों को चुना गया था लेकिन इस समय जो बारह शहर चुने गए थे उनके लिए कितना किया गया था इसके लिए सरकार ने पाँच करोड़ रुपए आवंटित किए थे जो भी बारह शहर चुने गए थे ठीक है इसके तहत विरासत स्थलों को स्मारकों के रखरखाव तथा पारिस्थितिकी को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं यहाँ के उसके लिए कई सारे कार्य किए गए हैं इसको मैं अलग अलग से क्लियर करूंगा लेकिन यहाँ पर क्या है एक डेमो के रूप में आप इसको देख सकते हैं जिससे क्या है कि आप ऊपरी ऊपरी तैर पाएंगे क्योंकि योजनाओं पर उतराऊँ तो कम से कम बीस घंटे का योजना को ही योजना का ही, ही वीडियो बना पाऊंगा तो इसलिए ज़्यादा डीपे नहीं जा रहे हैं इतना ही रखते हैं चलिए अमृत योजना इस योजना के तहत शहरों का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा इसके लिए देश के 500 शहरों को चुना गया है इस योजना के तहत शहर के हर परिवार के शहर के हर परिवार को नल का पानी सीवर कनेक्शन बिजली की सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश में चौंसठ शहरों को अमृत योजना के तहत रखा गया है तमिलनाडु के तैंतीस शहरों को महाराष्ट्र के सैंतीस शहरों को रखा गया है आगे भी बात करेंगे इसके बारे में अभी इतना काफ़ी है प्रधानमंत्री आवास योजना दो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक शहरी क्षेत्र में दो करोड़ मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत कमजोर वर्गों के लोगों तथा बीपीएल वर्ग के लोगों को घर बनाने के लिए कर्ज़ ठीक है कर्ज पर पंद्रह साल तक सिक्स ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी यानी कि जो भी आप ब्याज लेंगे उस पर क्या रहेगा आपका साढ़े का क्या दिया जाएगा आपका सब्सिडी दिया जाएगा आगे बात करते हैं इस सौ स्मार्ट सिटी मिशन स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों के सामाजिक आर्थिक तथा संरचनात्मक ढांचे का क्या करना है उसको विकसित करना है इस मिशन के तहत देश भर में बहुत ही आधुनिक सुविधाओं वाले सौ स्मार्ट सिटी की स्थापना की जाएगी इसके तहत सबसे ज़्यादा शहर यूपी के हैं जिसमें तेरह हैं तमिलनाडु के बारह शहर रखे गए हैं इसके तहत सभी वर्गों के जीवन में सुधार करना है स्मार्ट सिटी मिशन के लिए अड़तालीस करोड़ का प्रावधान किया गया है इसको डीप में मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी यहाँ पर इतना जानकारी काफी है महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम देख लेते हैं कुछ प्रमुख है महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण में पहला है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में इस योजना की शुरुआत की थी 100 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि के साथ यह योजना भर के सौ जिलों में शुरू की गई थी हरियाणा में जहां बाल लिंगानुपात बहुत ही कम है इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है सरकार के इस नज़रिए से महिलाओं को कल महिलाओं की कल्याण सेवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और निष्पादन क्षमता में सुधार को बढ़ावा मिलेगा इस जब इसकी शुरुआत की गई थी माधुरी दीक्षित जी को इसमें क्या बनाया गया था ब्रांड एवेस्टर बनाया गया था इस समय अगर वर्तमान की बात की जाए यानी कि 2020 की तो ब्रांड एम्वेस्टर जो है एम्बेस्टर जो है वो मिस इंडिया अंजलि जी को बनाया गया है इस योजना के तहत लड़कों के समान लड़कियों की जन्मदर हासिल करने वाले गाँव को एक करोड़ का इनाम दिया जाएगा इस योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की भी शुरुआत की गई थी ठीक है हरियाणा सरकार ने इस अभियान के तहत कन्या कोष योजना की शुरुआत की थी कन्या जन को प्रोत्साहित देने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना फिर अब या कहें बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले कुछ राज्यों ने ही कुछ योजनाएं शुरू कर दी थी यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना थी इससे पहले कई सारे राज्यों ने कुछ को शुरुआत कर रखा था जैसे कि आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तो बिहार में सो कन्या योजना महाराष्ट्र में नंदा दे नंदा देवी कन्या योजना उत्तराखंड में कन्या विद्याधन योजना उत्तर प्रदेश में इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से पहले ही ये लागू मतलब चल रही थी ठीक है आगे बात करते हैं चलिए सुकन्या समृद्धि योजना देख लेते हैं इसको थोड़ा सा समझें इस योजना की शुरुआत की अगर बात की जाए तो पीएम एम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी बाईस जनवरी 2015 को ठीक है यह असल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही विस्तार है जिसका मकसद देश में बेटियों के आखें बेटियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना है ठीक है इसमें बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर सबसे अधिक यानी कि नाइन पॉइंट का ब्याज दर मिले ब्याज दर इसमें मिलता है इससे क्या है इसको इनकम टैक्स से छूट मिलती है यह इस योजना के तहत बिटिया का या लड़की का दस साल से पहले तक कभी भी खाता खोला जा सकता है यह बैंक खाता जो है कम से कम एक हज़ार रुपये में से खोला जा सकता है इसमें शुरुआती जमा जो है एक हज़ार रुपये है जबकि अधिकतम जमा जो है डेढ़ लाख रुपये तक किया जा सकता है यह खाता किसी भी व्यापारिक बैंक या पर डाकघर में खोला जा सकता है यह खाता खोलने की तारीख से इक्कीस साल तक या फिर बेटी की शादी की तारीख जो पहले हो जाए तक ही लागू रखा जा सकता है जैसे मान लीजिए सात साल पे खोल लिया है छह साल पे या पाँच साल पे खोल लिया है तो जब तक बिटिया इक्कीस साल तक की नहीं हो पाएगी तब तक क्या है इस ये खाता जो है चालू रख सकते हैं इसके बाद मान लीजिए बिटिया की जो शादी है उन्नीस साल पे कर दी तो खाता जो है बंद हो जाएगा मतलब तब तक ही चालू रखा जा सकता है ये खाता खोलने की तारीख से ठीक है क्या ना बिटिया जैसे ही अठारह साल की होगी तो वह पंद्रह व पचास परसेंट तक पैसा इससे निकाल सकते हैं मान लीजिए क्या है डेढ़ लाख रुपये में या पचास हज़ार साठ हज़ार रुपये मान लीजिए डाल रखे हैं तो उसमें से क्या है जैसे ही अठारह साल की होगी आप उसमें से फिफ्टी परसेंट पैसा जो है निकाल सकते हैं बिटिया निकाल सकती है स्वाधार योजना के बारे में थोड़ी सी थो बात करते हैं महिलाओं को महिलाओं को विचारों कार्यों को स्वतंत्र बनाने तथा उन्हें अपने जीवन के हर पक्ष का नियंत्रण स्वतंत्र करने के लायक यो योग या कहें योग्य बनाने के लिए ये 2001-2002 में यह कार्यक्रम चलाया गया था इस योजना के तहत तो वैश्य वृत्ति रेहा कैदी प्राकृतिक आपदा का या फिर किसी अन्य कार्य से बेघर या बेसहारा पीड़ित महिलाओं का स्वाधार गृह लाया जाएगा ठीक है एक तरह से महिला आश्रम बोल सकते हैं इसके बाद इसे व्यापारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सकें अपने आप में सक्षम हो सके नेक्स्ट बात करते हैं आशा कहा गया सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ठीक है यानी कि ए एस एच ए तो ये हो जाएगा आशा तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए काम कर रहे या फिर कार्यकर्ता को कहा जाता है आशा ठीक एन आर एच एम के तहत हर गांव को प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है इसके लिए शर्त यह है कि आशा यानी कि कार्यकर्ता उसी गांव की होनी चाहिए जिसने कम से कम आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई की हो या आठवा पूरा कर चुका हो चलिए शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम देख लेते हैं ज्यादा हम डिप नहीं जाएंगे इसमें एक ही है प्रमुख जो कि सर्वशिक्षा अभियान एस एस ये शिक्षा का अधिकार सर्व शिक्षा की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी इसका उद्देश्य देख लेते हैं नए स्कूलों का निर्माण अतिरिक्त कक्षा कम के लिए कमरे अध्यापकों की नियुक्ति तथा सुधार स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण पुस्तकों की व्यवस्था ड्रेस या कहीं यूनिफॉर्म या कहीं वर्दी की व्यवस्था आवासीय सुविधा परिवहन की सुविधा इन सभी सुविधाओं के माध्यम से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों तक तक समान रूप से शिक्षा की पहुँच आपको हंसी आएगी सारी चीज़ें सुनकर के ये प्रावधान किए गए उसमें से मुश्किल से एक ही दो हैं समझ रहे हैं ना बाको तो ये कॉमेडी अच्छी लगती है मुझे पढ़ के इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर करा दूँ मतलब पूछे जाती है कॉमेडी परिवहन की सुविधा आपने कभी देखा, देखा है किसी सरकारी स्कूल में मतलब किसी एक का दो को जोड़ के किसी सरकारी स्कूल में परिवहन की सुविधा की गई हो बच्चों के लिए या फिर टीचर्स वगैरह के लिए ठीक है बहुत खतरा रहता है महिलाओं के लिए जब टीचर होती हैं गाँव देहात में जब पढ़ाने बिचारी जाती हैं इन सभी सुविधाओं के माध्यम से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों तक समान रूप से शिक्षा की पहुँच चलिए राष्ट्रीय मध्यान्ह मध्यम भोजन कार्यक्रम या मिड डे मील के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसकी शुरुआत 15 अगस्त दो हज़ार को की गई थी इस समय पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में यह योजना चलाई जा रही है इस योजना में केंद्र तथा राज्य की अगर भागीदारी की बात की जाए तो केंद्र जो है पचहत्तर इसमें पैसा देता है और जो राज्य हैं वो अपना पच्चीस लगाते हैं ठीक है इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्तर पर बच्चों को चार कैलोरी तथा बारह ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध करवाना है ठीक है तो ये भी एक कॉमेडी वाली बात है आप लोग जानते हैं कि कितना अच्छा भोजन मिलता है मिट्टी बिल्कुल के उसमें चलिए कोई बात नहीं फिर भी वही हमेशा वाली कहानी कि भ्रष्टाचार के कारण जिसको लाभ मिलना है तो बहे भूत की लंगोटी सरकार तो खूब करती है लेकिन लोगों तक कम पहुंच पाता है तो अब इसकी डर से सरकार योजनाएं तो बंद नहीं कर सकती तो क्या सोचती है कि चलो कुछ तो बेचारों को पहुंच ही रहा है वाले नमक से रोटी खाने को मिलती है बच्चों को स्कूल में लेकिन मिल तो रहा है नहीं तो वो भी बंद हो जाएगी चलिए नेक्स्ट देखते हैं चलिए साथियों बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में और थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं ये इम्पोर्टेंट भी है और बहुत जरूरी भी है हमें जानना तो क्लियर करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा ये होता क्या है इसका मतलब क्या होता है ठीक है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वह सुरक्षा जो समाज को उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से क्या करता हो बचाव करता हो वह सामाजिक सुरक्षा कहलाती है ठीक है तो आइए देखते हैं ये जोखिम कौन कौन से होते हैं जोखिम जैसे कि आपका कोई व्यक्ति है बूढ़ा होगा आपका बीमार होगा मान लीजिए कभी उसके साथ दुर्घटना हो जाती है आकस्मिकता मोह से उसके उत्पन्न अनिश्चितता हो जाती है या फिर मातृत्व होता है या फिर मान लीजिए अयोग्यता है किसी कार्ड से या अपंगता है किसी कार्ड से तथा व्यक्ति को अपना तथा अपने परिवार का इन सभी जोखिम के कारण क्या होता है इन सभी जोखिम के कारण व्यक्ति को अपना अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए ठीक है इस तरह के जोखिम से ठीक है तो के अनुसार सरकार क्या करती है कई सारी नीतियों को बनाती है जिसमें कई सुरक्षात्मक कार्यक्रम तथा योजनाओं को शामिल किया जाता है तो ऐसी सभी योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा में रखा जाता है जो किसी को भी बीमारी के समय उसकी मदद करता हो आर्थिक मदद करता हो या फिर जब श्रमिक या क्या मजदूर जो होता है कमाने योग्य हो तो उसको लाभान्वित कर सके साथ ही उसके लिए काम पर लगाने की व्यवस्था की जा सके या कहें उसकी काम पर जाने की सहायता कर सके ठीक है चलिए अगर किताबी भाषा में अगर हम इसको समझें तो विलियम बेब्रिज के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा है जो व्यक्ति को संकट के समय उस समय जब उसकी कमाई कम हो जाए या कहें जन्म या मृत्यु या फिर विवाह में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए उसको क्या करता हो लाभान्वित करता हो ठीक है तो इस तरह से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से का वो सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ जोखिम तथा आकस्मिक घटनाओं के भार से सुरक्षा मिलती है जो भार वह खुद बहन न कर पाए या कहे वह भार

चलिए साथियों बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में तो प्रधानमंत्री हमारे जो अटल अट, मोदी जी थे इन्होंने क्या था कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी इससे खुश होकर देखा कि लोगों ने भारतीय जो लोग थे उन्होंने अच्छा खासा उत्साह दिखाया इसके लिए और हमारी जो नई पीढ़ी थी उसने भी बहुत उत्साह दिखाया तो इसी के चलते क्या किया कि जो युवा पीढ़ी थी उसको ध्यान में रखकर एक नई योजना तैयार की जिसको नाम दिया गया अटल पेंशन योजना ठीक है तो मैं फिर से बता दूँ प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से उत्साहित उत्साहित होकर देश की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार की गई मोदी सरकार की एक प्रमुख और अहम योजना है तो वित्त मंत्री हमारे अरुण जेटली ने क्या कहा था फरवरी दो में कहा था

क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदे के दायरे में लाना था और इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति भी मिलेगी चलिए इतनी जानकारी काफी है इसके लिए चलिए साथियों बात करते हैं किलकारी के बारे में तो इस योजना के तहत माता तथा बच्चे के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े से ऑडियो संदेश गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को दिए जाते हैं यह एक प्रकार का एप्लीकेशन है या कहीं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दिए जाते हैं इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना तथा स्वास्थ्य कर्मियों को क्या करना प्रशिक्षण देना या उनको ट्रेनिंग देना था इसकी शुरुआत पंद्रह अगस्त दो को की गई थी इसके बाद बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष ये क्या थी इस योजना का उद्देश्य बच्चों में रोग प्रति प्रति रक्षण की प्रक्रिया को तेज गति देना था इस योजना के तहत 2020 तक बच्चों को सात बीमारियों जैसे कि डिप्टेरिया काली खांसी टेटनेस पोलियो टीबी खसरा और हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई थी इसे 25 दिसंबर 2015 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया था 2014 को लॉन्च किया था इस मिशन की शुरुआत स्वशासन डे या गुड गवर्नेंस डे के दिन इसकी शुरुआत की गई थी इस के माध्यम से टीकाकरण अभियान चलाए गए थे चलिए आगे बात करते हैं नंदघर योजना चौबीस जून दो में इस योजना की शुरुआत की गई थी इसके तहत जर्जर इमारतों या कहीं पंचायत घरों किराए के मकान में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों का पुन और नवीकरण किया जाएगा ठीक है उनको नए सिरे से बनाया जाएगा इस यह जो योजना थी केंद्रीय महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के तहत इस योजना को पूरे देश में चलाया जा रहा है ठीक है इसके तहत देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों को बड़े बड़े औद्योगिक घरानों तथा कॉरपोरेट घरानों को क्या दिया जाएगा गोद दिया जाएगा ये आपका इस तरह से समझ सकते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की तरह इसी तरह से ये था ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अन्य योजनाएं देख लेते हैं उजाला आया नया उजाला चार बूंदों वाला तो ये वो वाला नहीं है तो यहां पर देखते हैं आ, उजाला योजना तो 20 अप्रैल 2016 को भोपाल में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम उन्नत ज्योति के माध्यम से रियायती एलईडी का शुभारंभ किया गया था इसका उद्देश्य बिजली की बचत कराना था इस बल्ब को कोई भी उपभोक्ता अपनी कोई भी पहचान पत्र दिखाकर ले सकता था नेक्स्ट देखते हैं सेतु भारतम योजना राष्ट्रीय पर सुरक्षित तथा आरामदायक यात्रा करने के लिए पुलों के निर्माण के लिए सरकार ने पचास हजार करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है इसका उद्घाटन चार मार्च दो हजार सोलह को किया गया था इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना था चलिए डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक डिजिटल इंडिया की शुरुआत इक्कीस अगस्त 2014 को की गई थी इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना था सरकार की मंशा है कि सभी सरकारी विभागों और भारत की जनता एक दूसरे से डिजिटल रूप से या कहें इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़े ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके इसका एक लक्ष्य कागजी कार्रवाई कम करके तथा सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिकी Uh, माध्यम से पहुंचाना था जैसे कि क्या करना है मोबाइल ऐप से ही आपका सारी जानकारी मिल जाए तो क्या है कि आपको का ऑनलाइन फॉर्म भरने आपको कागजी कार्यवाही न करनी पड़े सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके तहत देश के सभी गाँवों और ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट uh, नेटवर्क से जोड़ना है डिजिटल भारत के तीन प्रमुख घटक बताए गए हैं डिजिटल बुनियादी सुविधाएं डिजिटल साक्षरता uh, साक्षरता और सेवाओं का डिजिटल वितरण ठीक है सरकार का uh, जो मानना है कि ऐसा करने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी जिससे जो लाल फीताशाही है उसका खात्मा हो जाएगा सरकार ई गवर्नेंस और ई क्रांति के जरिए तकनीकी के माध्यम का, से जनता के कामकाज का जल्द से जल्द क्या हो सकती है निस्तारण करना चाहती है ठीक है इस तरह से कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी इसकी घोषणा 15 अगस्त 2004 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में इसकी शुरुआत की थी एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले दिन ही डेढ़ करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और इस हर खाता धारक को एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया था इस योजना के तहत अब तक तीन करोड़ खाते खोले गए हैं उनमें से उनमें कम से कम पंद्रह सौ करोड़ रुपए जमा किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ खाता खोल सकता है ठीक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने एक मई दो हज़ार सोलह को यूपी के बलिया से की थी उज्ज्वला योजना के तहत तीन करोड़ बीपीएल परिवार को परि महिलाओं बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया ठीक है प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आने वाले आने वाले तीन वर्षों में पांच करोड़ गरीब परिवारों को जहां लकड़ी का चूल्हा वो जलाते हैं उनको मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा ठीक है चलिए चलिए मेक इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो यह जो नारा था मेक इन इंडिया वाला ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था तो इसके तहत भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना बनाई गई थी जिसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था बाद में आगे चलकर यह एक इंटरनेशनल मार्केटिंग अभियान बन जाता है और मेक इन in इंडिया अभियान इसलिए शुरू किया गया था जिससे भारत में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले मेक इन इंडिया की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने जिस इसका एक उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना और घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों की जो हालत है उसको दुरुस्त करना मेक इन इंडिया अभियान में पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अधीन है और सरकार ने और सरकार ने ऐसे 25 सेक्टरों की पहचान की जिसमें ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है इतनी जानकारी काफ़ी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के सेक्टर बासठ में की गई थी इस योजना के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की थी इसी स्कीम को लेकर भारत के इस स्कीम को लेकर भारत के उद्यमी वर्ग में खासा उत्साह है इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को स्थापित करने में मदद करता है इससे देश में रोजगार बढ़ेगा योजना के अंतर्गत दस लाख रुपए से सौ लाख रुपए तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जाएगा दस हज़ार करोड़ रुपए की दस हजार करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के माध्यम से इसकी वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी इसके बाद ए एन जीटीसी के माध्यम से एन सी के माध्यम से लोन गारंटी के लिए पचास पाँच हजार करोड़ रुपए कोष का निर्माण किया जाएगा चलिए आगे बात करते हैं चलिए किसान विकास पत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यह एक सर्टिफिकेट योजना है जो पहली बार 1988 में लॉन्च की गई थी नई सरकार यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली जो सरकार थी इसने 2014 में इसको री लॉन्च किया इसमें एक हज़ार पाँच हज़ार और दस हज़ार और पचास हज़ार की राशि को दस महीनों में दोगुना करने का प्रावधान किया है इसमें किसी भी एक व्यक्ति या फिर ज्वाइंट नाम पर भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसका कर्ज लेने के क्रम में इस्तेमाल किया जा सकता है इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने अठारह नवम्बर दो को लॉन्च किया था चलिए आगे बात करते हैं चलिए सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में थोड़ी हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं सरकार इसके तहत किसानों को उसकी कृषि भूमि की उर्वरता के आधार पर उर्वरता के आधार पर सॉयल या क मिट्टी का जो हेल्थ कार्ड होता है उसको जारी करती है इस कार्ड में मिट्टी की जांच के बाद इस बात की जानकारी देती है कि मिट्टी को किन उर्वरकों की जरूरत है साथ ही इसमें कौन सी फसल बेहतर हो सकती है मोदी जी ने क्या किया था इस के लिए सौ करोड़ का बजट भी पेश किया था यानी कि सौ करोड़ रुपये आवंटित किए थे उड़ान योजना देखते हैं आखिरी योजना है यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 15 जून 2016 को लागू की लागू की गई थी राष्ट्रीय उड्डयन नीति का यह एक प्रमुख हिस्सा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 अप्रैल 2017 को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत शिमला दिल्ली मार्ग पर पहली उड़ान की हरी झंडी दे दी थी ठीक है और इसको रवाना कर दिया था इस योजना के तहत 500 किलोमीटर की एक घंटे की एक घंटे की यात्रा या फिर हेलीकॉप्टर से 30 मिनट का सफर हवाई किराया अधिकतम ढाई हजार रुपए है ठीक है क्षेत्रीय दृष्टि से देश के प्रमुख शहरों में हवाई यात्रा आसान आरामदायक तथा कम खर्च में कराया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य तो इस तरह से ये आपकी हो गई कुछ प्रमुख योजनाएं या कहें स्कीम्स तो ये आपका जो इंडियन इकोनॉमी का जो कोर्स था वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद है इसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी से यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप जीवन के आनंद ले सकेंगे और मुझे नहीं लगता इससे सरल कोई तरीका हो सकता है अगर वो सरल तरीका है तो आप उसका इस्तेमाल करें और मैं फिर आने वाले समय में इसका एक नया वर्जन बनाऊँगा यानी कि टू इसका वर्जन का नाम रखूंगा तो इसका क्या रहेगा आपका ये जो नया वर्जन होगा उसको बनाकर मैं आप लोगों को दूंगा और उसमें और काफ़ी सुधार होंगे यानी कि नई और स्टाइल होगी क्योंकि मैं कोशिश करूँगा इसको और सरल बनाने की पहली बात तो उम्मीद है मैंने काफ़ी सरल बनाने की कोशिश की है तो ये आपका एक पूरा हो गया ठीक है तो अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद और पंदे मातरम